हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है एनिमल तो एनिमल एक पेन इंडियन फिल्म थी जिसको हिंदी में बनाया गया था तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था एक एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज होने वाली फिल्म थी तो इस फिल्म का हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम ये सभी जो वर्जन है वो कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर और भी एक जानकारी मिलने वाली है तो आज का हमारा वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं एनिमल जो दो तो हजार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में बनाया गया था जहां पे ये सभी वर्जन से उसके साथ इस फिल्म को रिलीज थिएट्रिकली किया गया था एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को डायरेक्ट किया संदीप रेड्डी वांगा ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी जगह पे संदीप रेड्डी वांगा ने काम किया हुआ था जहाँ पे स्क्रीन प्ले में उनको प्रणय रेड्डी वांगा सुरेश बंदारू ने उनको मदद की हुई थी स्टोरी थी वो संदीप रेड्डी वांगा की खुद

हर्षवर्धन रामेश्वर के द्वारा कंपोज किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए थे सभी वर्जन के लिए कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं रणबीर कपूर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने दो रोल प्ले किए हुए रण विजय सिंह यानी कि विजय का इस, इसके अलावा अहमद इबन उमर यानी कि यंग विजय का रोल प्ले उन्होंने किया हुआ था अहमद इबन उमर ने इसके अलावा अजीज़ हक का जो किरदार था वो रोल भी रणबीर कपूर ने प्ले किया जो फिल्म के एंड में आते

अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के दूसरे एक्टर्स के बारे में जैसे कि सुरेश ओबे ने राजधीर धीरे सिंह दादाजी का रोल प्ले किया था जो विजय के ग्रैंड फादर बलबीर के फादर का रोल था सौरभ सदेवा इस फिल्म में आबिद हक का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो अबरार के भाई का रोल था सलोनी बत्रा ने रीत सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की एल्डर सिस्टर और वरुण की वाइफ का रोल था बलबीर और ज्योति के एल्डर चाइल्ड का रोल था एल्डेस्ट चाइल्ड का निविन वेद ने यंग रीत का रोल प्ले किया हुआ है अंशुल चौहान रूप सिंह में देखने को मिलेगी रुप सिंह के रोल में जो बलबीर और ज्योति की यंगेस्ट चाइल्ड है विजय और रीत की यंगर सिस्टर है यवा चिब्बा ने उसका यंग वर्जन प्ले किया हुआ था इसके अलावा सिद्धार्थ कार्निक ने वरुण प्रताप मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का ब्रदर इन लो है रीत का हस्बैंड है और बलबीर का सन इन लो है तो मगंती श्रीनाथ भी देखने को मिलते कार्तिक के रोल में जो गीतांजलि का एल्डर ब्रदर है और विजय का फ्रेंड है इसके अलावा उपेंद्र माये भी आपको एक इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं इंटरवल सीक्वेंस में जो उनका किरदार है उसका नाम है फ्रेडी विल्ड फ्रेड पाटिल वो रोल दे आएगा आपको इसके अलावा इस फिल्म में आपको मेथ्यू वर्गीज देखने को मिलेंगे श्रीपाद बालाजी अयंगर यानी कि कार्तिकी गीतांजलि के फादर का रोल था वो इंदिरा कृष्णन वाला जो रोल था उसका नाम था मोटिका कासिया मोती का एस अयंगर जो कार्तिक और गीतांजलि की माँ का रोल था कृणाल ठाकुर ने इस फिल्म गीतांजलि के फ्योन्यान माए गोडबॉल है डॉक्टर अमृता का रोल प्ले करते नजर आएंगे देवी अग्रवाल इस फिल्म में संग्राम सिंह का रोल प्ले करते नज़र आएंगे जो विजय और द के कज़न और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन है विवेक शर्मा ने इस फिल्म में पाली सिंह का रोल प्ले किया जो विजय के कजिन और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन का रोल था ठीक उसी तरह गगनदीप सिंह आपको सनी सिंह में देखने को मिलेंगे कवा कवालप्रीत सिंह ने विक्रम सिंह का रोल प्ले किया अनमोल जोत सिंह ने गुरु सिंह का रोल प्ले किया हुआ मनजोत सिंह ने राजवीर यानी कि रॉयल सिंह का रोल प्ले किया अवदीप सिंधु ने मंजोत सिंह का रोल प्ले किया है कमलजीत राणा ने बाली सिंह का रोल प्ले किया गुरसेवक सिंह मंदर इस फिल्म में कृपाल सिंह यानी कि यान केपी के रोल में देखने को मिलेंगे बुट्टा बदबार ने इसमें बुट्टा सिंह का रोल प्ले किया हुआ है सबाना हारून इस फिल्म में नीलूफर रहमानी का रोल प्ले करते नजर आएंगे इसके पहले के जितने भी जो भाइयों का नाम लिया हुआ है मैंने वो सभी विजय के कजिन्स थे और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन्स थे इसके अलावा इस फिल्म में सबाना हारोना नीलफू नीलूफर रहमान यानी कि अब्रार की, की फ़र्स्ट वाइफ का रोल प्ले करते नज़र आएंगे सबीना शाह ने इस फिल्म में मेहरुनीजा बेक बेग का रोल प्ले किया जो अब्रार हक की सेकंड वाइफ का रोल था मानसी टेक्सक ने उम ई हानी फेरेन का रोल प्ले किया जो है जो थर्ड वाइफ है अब्रार हक की और फ्यूचर वाइफ होगी आशीष हक की जो आयन में आपको दिखाया जाता है वो सीन तेना अजदाउदीन ने इस फिल्म में सिरिन इन बहार का रोल प्ले किया हुआ है जो जमाल कुडू में सिंगर का काम रोल प्ले करते नजर आए हुए अभी राखेजा रूप के हस्बंड का रोल प्ले करते नजर आएंगे सनवीर सदेवा ने रणविजय के पेटे का रोल प्ले किया हुआ है माइरिड ग्रोवर ने इस फिल्म में रणवीजे के डॉटर का रोल प्ले किया हुआ सरताज कक्कर ने रीत के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में आपको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें सेप्टेम्बर दो में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि संदीप रेड्डी वांगा बॉलीवुड में एक फिल्म लेके आने वाले कबीर सिंह के बाद जहाँ पे उनके साथ शायद आपको भूषण कुमार मुराद खेतानी अश्विन वार्डी देखने को मिल सकते हैं और इन सभी चीज़ों के ऊपर लेटर ऑन कन्फर्मेशन भी मिली थी दस अक्टूबर को संदीप रेड्डी वांगा ने बद्रकाली पिक्चर जो उनके एक उनकी प्रोडक्शन कंपनी है वो वहाँ से उन्होंने एक एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी कि वो एज़ अ डायरेक्टर के तौर पे एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे उसके साथ में उनको बेक करेंगे बॉलीवुड्स की कुछ प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि सिनेमा स्टूडियोज टी सीरीज़ तो उनके साथ मिलकर एक हाई एंड बजट वाली फिल्म बनाने वाले पर कुछ सोर्सेज से दिसंबर महीने में दो में पता चला था कि शायद रणबीर कपूर उसमें लीड रोल प्ले कर सकते है ये कोई <coughs> एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है वायलेंस वाली तो वो सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई थी जून 2020 की बात है संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर के बीच में इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी इससे पहले उनकी इस फिल्म के नेरेटिंग के ऊपर स्क्रिप्टिंग ये सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि इस फिल्म का टाइटल शायद डेविल होने वाला है अनिल कपूर भी इस फिल्म के पार्ट होने वाले उसके बाद में तो एक अनाउंसमेंट भी हुई थी पब्लिक अनाउंसमेंट एक जनवरी 2021 को उस अनाउंसमेंट में टाइटल और क्रो मेंबर के नाम दिए गए थे टाइटल लोगों भी दिया गया था और बैकग्राउंड स्कोर सामने रखा गया था मेन थीम तो उसमें बताया गया था कि रणबीर कपूर लीड रोल में होंगे अनिल कपूर उनके फादर का रोल प्ले करेंगे परिणीति चोपड़ा रणबीर के लव इंटरेस्ट या उनके वाइफ का रोल प्ले करते नजर आएंगे और वो भी दिलदी को इस फिल्म में एक मेन एंटागोनिस्ट का रोल मिलने वाला है तो ये सभी चीज़ें तब अनाउंस की गई थी लेटर ऑन मार्च 2022 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि रश्मि रश्मिका मंदरा इस फिल्म में कुछ आइटम नंबर प्ले कर सकते है। लेटर ऑन कुछ चीज़ें ऐसे सामने निकल के आई कि वो कोई आइटम नंबर के लिए उनको अप्रोच नहीं किया गया था उनको जो अप्रोच किया गया था संदीप रेड्डी वांगा ने परिणिति चोपड़ा को जो रोल ऑफर किया था और उनके साथ कुछ थोड़े बहुत फोटोशूट सीन सिक्वेंस शूट किए हुए थे तो उनको वो रोल के साथ वो किरदार के साथ परिणति चोपड़ा

जो दिल्ली और पंजाब में सेट किया हुआ था और उसके बाद में मार्च 2023 तक इस फिल्म का सब अलग अलग शेड्यूल्स मिला के रेप अप किया वैसे कुछ सीन्स बाकी थे वह फॉरन लोकेशंस के क्लाइमेक्स के और बीच के कुछ सीन्स तो उसको स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में शूट किया गया था अप्रैल महीने में जहाँ पे तो पंद्रह बीस दिनों का वो शेड्यूल था तो दो में अप्रैल में इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से रेप अप करवाई उसके बाद म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर प्रॉपर काम किया गया और फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया जहाँ पे म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो एनिमल के साउंड ट्रैक के राइट्स टी सीरीज वे इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ही राइट्स खरीदे हुए थे 2022 हज़ार बाईस के बीच में गाने रिकॉर्ड किए गए थे इन गानों को एक अलग अलग वर्जन के थ्रू रिलीज़ किया गया था फिल्म में टोटल वैसे देखा जाए तो आठ गाने सभी वर्जन्स मिला ले एडिशंस मिला ले टोटल सत्रह वर्जन होते कुछ साउंड ट्रैक था बैकग्राउंड स्कोर था वो सभी चीज़ें भी फिल्म के साथ रिलीज की गई थी मेन मेन गानों की बात करें तो इस फिल्म में पहला गाना है अर्जन वेली जिसको भूपिंदर बबल ने लिखा हुआ था मनन भारद्वाज ने उसको म्यूजिक दिया था और भूपिंदर बदवल ने उसको गाया हुआ था हुआ में गाना था उसको मन मनोज मुत्ता से लिखा हुआ था प्रीतम जेमेट ने म्यूजिक दिया था राघव चैतन्य ने उसको गाया हुआ था सतरंगा गाने को सिद्धार्थ गरिमा ने हा था पुराने एक ने म्यूजिक दिया था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का चौथा गाना यानी कि पापा मेरी जान उसको राज शेखर ने लिखा था हर्षवर्धन रामेश्वर ने म्यूज़िक दिया था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था पहले भी मैं उस गाने को राज शेखर ने लिखा था विशाल मिश्रा ने उसको म्यूजिक दिया था और विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था काश्मीर जो गाना था उसको मनन भारद्वाज ने लिखा था म्यूजिक भी उनका ही था और उनके साथ जो सिंगिंग की बात करें तो मनन भाजवाज ने खुद वोकल्स दिए थे और श्रेया घोषाल ने भी उसमें फ़ीमेल वोकल्स दिए हुए थे सारी दुनिया जला देंगे उस गाने को जानी ने म्यूजिक और कंपोज दोनों किया था लिखा हुआ था उन्होंने ही The cat sat on the लेकिन बीपरा के पास उन्होंने गवाया था हेवान करके जो गाना था तो उसको असीम केमसन ने लिखा हुआ था वसीम केमसन ने म्यूजिक दिया था और असीम केमसन ने गाया हुआ था तो इस तरह से टोटल आठ गाने थे फिल्म में मेन जिसके इकतीस मिनट और तीन सेकंड का साउंड ट्रैक तैयार हुआ था जिसको ऑफिशियली चौबीस नवंबर दो को रिलीज़ किया था एक डिलेक्स वर्जन भी रिलीज़ किया गया था जिसको पंद्रह जनवरी दो को रिलीज़ किया था इन गानों के बाद इस फिल्म में पापा मेरी जहान का एक चाइल्ड वर्जन तैयार किया गया था रणविजय की एंट्री मेडिलिटी थी एब्रार हक का जो जमालकूट था भावे जाने या ना जाने करके एक गाना था मरहम जो पहले भीमे करके गाना था उसका वर्जन था सतरंगा जो एक स्क्रिप्ट वर्जन था उर्दू के के जैसा इश्क वो यानी कि कश्मीर का एक वर्जन था वो सारी दुनिया जला देंगे एक एक्सटेंडेड फिल्म वर्जन था पापा मेरी जान विसल वर्जन तो ये टोटल दूसरे कुछ तो नौ ट्रैक रिलीज़ किए गए थे तो ये सभी गानों के सत्रह गानों हुए तो उसकी लेंथ एक मिनट एक घंटे चार मिनट और छब्बीस सेकंड की हुई थी जिसको रिलीज़ किया गया था पंद्रह जनवरी दो को तो इस तरह से इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली टी सीरीज़ के द्वारा उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था

इस फिल्म की कहानी है वो रणवीर विजय सिंह बलबीर के ऊपर पूरी तरह से फोकस करती है वो रोल रणबीर कपूर प्ले कर रहे जहाँ पे वो अपने फादर से इतना प्यार करते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं उनके फादर का रोल बलबीर सिंह प्ले कर रहे वो रोल प्ले कर रहे अनिल कपूर रणविजय सिंह अपने फादर को कुछ एक्सट्रीम लेवल के ऊपर एडोर करता हुआ नजर आता है जहाँ पे उसका प्यार है वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है उसके अलावा बलबीर सिंह एक खुद बड़े बिजनेसमैन है वो एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किए हुए हैं उनके जो बिजनेस कंपनी है उसका नाम है स्वस्तिक स्टील्स जो इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे वो अपने काम के साथ कुछ ज़्यादा ही पीसी है अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहे तो इन सभी चीज़ों के चलते उन फादर सन के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टेंड भी चलती रहती है इसके अलावा रणविजय सिंह इन्हीं समय के दौरान एक लड़की के प्यार में भी पड़ता है जिसका नाम है गीतांजलि बंदना प्ले कर रही है उसके बाद में वो एक दूसरे के साथ रहने लगते लेटर ऑन वो मैरिज कर लेते और उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें होती है तो एक बलबीर सिंह के ऊपर अटैक होता है जब अटैक होता है तब उस समय रणविजय सिंह वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है वो अपने पापा से इतना प्यार करता है फिर भी वो कहाँ था किस तरह से क्या हुआ था उसके साथ उसको ये सभी चीज़ें जब पता चलते तो अपने पापा को फिर से बचाने के लिए आ जाता है उसके पापा को गोली लगी होती है उस उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात भी बताता है जो ट्रेलर में भी आपने सुनी होगी कि वो अपने फादर को बचाने के लिए जिसने उसको मारा है उसका गला काटेगा तो उसके बाद में उन सभी चीजों के पीछे वो चला जाता है किस तरह से वो उनके आदमी को ढूंढता है उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है वो और आखिर में एंड में फिल्म में क्या होगा वही सब सवाल की जवाब फिल्म की कहानी बनाती है डेफिनेटली इस फिल्म में जिस तरह से जो टाइटल रोल लिखा गया था टाइटल रोल ही कह सकते हैं क्योंकि जो एनिमल है मेन एनिमल तो इस फिल्म में रणबीर कपूर के किरदार को ही दिखाया है रणविजय को और मेन एंटागोनिस है यानी कि बॉबी देओल वो भी एक मेन विलन का भी एक एनिमल टाइप ऑफ काइंड ऑफ टाइप ही था तो थोड़ा साइकिक टाइप का भी वह इस फिल्म में आपको फिल्म कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिस तरह से रणबीर कपूर ने उस किरदार में काम किया हुआ है उसके अलावा आप शायद कोई दूसरे एक्टर को सोच भी नहीं पाओगे इमेजिन नहीं कर पाओगे उस तरह का उन्होंने काम दिया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इसमें एक वाइल्डनेस लाई हुई है जो डायलॉग डिलीवरी थी जिस कन्विक्सन के साथ वो इस फिल्म के किरदार को पुल ऑफ करते हुए नजर आए इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर ने उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाए हुए वैसे रणबीर काफ़ी बढ़िया एक्टर है लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस था और बेहतर करने में संदीप रेड्डी वांगा ने उनको मदद की हुए इस, इसी इसी परफॉर्मेंस निकलवाई हुए उनकी परफॉर्मेंस करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाएगी फिलहाल में अभी तक की जितनी भी उन्होंने फिल्में किए हैं उसमें जहाँ पे रणवीर कपूर का अगर आप फैन ना भी होगे फिर भी अगर थिएटर में या इस फिल्म को आपने एक बार भी मोबाइल या थिएटर में देखा होगा ओ टी पे तो डेफिनेटली आप इस फिल्म में उनका जो काम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आएगा और क्लाइमेक्स में जिस तरह से काम किया हुआ है जिस तरह से इंटरवल सीन्स आते हैं वहाँ पे उनका काम देखने को मिलता है तो आप उनसे ऑटोमेटिक

किया हुआ था उस हाई मोमेंट पे चीजें काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है इंटरनल सिक्वेंस की वो फाइट सिक्वेंस जिस तरह से उसकी कोरियोग्राफी थी उसमें एक गन दिखाई गई है उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था इसके अलावा वहां पर जो कुछ डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं जो सभी चीजें देखने को मिलती है वो बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट की हुई थी उन सभी चीजों को बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के डल से डल मोमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था वैसे फिल्म में कोई डल मोमेंट्स वैसे थे नहीं लेकिन जिस तरह से चीजें जो देख देखने को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उसको, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है एक अच्छा खासा सपोर्ट देता है नजर आता है रश्मिका मंदना ने डेफिनेटली अपना काम बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है उनकी जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है रणबीर कपूर के साथ वो बढ़िया तरीके से नजर आई हुई है इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो गाने डाले हुए उसका जिस तरह से यूज़ किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था अनिल कपूर का जो काम है वो आपको काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा ठीक उसी तरह बॉबी देअल काफ़ी शानदार रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं हाँ उनका किरदार छोटा था उसको और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जिस तरह से रणबीर कपूर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उस तरह से मे भी जब सेकंड हाफ में बॉबी देअल को इंट्रोड्यूस किया था साथ ही में उसका एक छोटा सा दस पंद्रह मिनट का एक बेकअप स्टोरी दिखाना चाहिए था जिसके चलते फिल्म में एक और इंटरेस्ट बढ़ सकता

फिल्म एक पॉइंट के बाद जो इंटरवल के पहले जो एक लीनियर नॉन लीनियर तरीके से चलती रहती है इसके चलते एक इंटरेस्ट बना रहता है इंटरवल के बाद जब का इस फिल्म को सेकंड हाफ में लाया जाता है उसके बाद में ये फिल्म एक सिंपल बेसिक फॉर्मेट के थ्रू स्टोरी लाइन हमारे सामने पेश की जाती है लीनियर तरीके से तो वहाँ पर प्रिडिक्टेबल कहानी थोड़ी हो जाती है अदरवाइज फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए हुए हैं सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है एक्शन सिक्वेंस को तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ इन सभी चीज़ों सिनेमेटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग बढ़िया थी डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर काफी दमदार था गाने फिल्म के काफी अच्छे थे जो फिल्म के सफेद नजर आते हैं बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मदद करता है एडिटिंग फिल्म की काफी बढ़िया थी हाँ तीन सवा तीन घंटे की फिल्म थी कुछ सीन्स ऑफ कर देते बढ़िया रहता लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी फिल्म थी जहां पे चल जाता है उतना कुछ थोड़ा बहुत रहे तो भी इसके अलावा डायरेक्टर राइटर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एक बार फिर जिस तरह से अनकन्वेंशनल एक एक्शन ड्रामा डिलीवर किया हुआ है वो डेफिनेटली पसंद आएगा फर्स्ट हाफ उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से कच्चे पेस के साथ चलाया हुआ है जहां पे काफी सारा ड्रामा भी दिखाया कुछ एक्शन मोमेंट्स भी दिखाया है सेकंड हाफ में भी ड्रामा इमोशनल सीन्स को जो कॉन्फ्लिक्ट था वो पेश किया हुआ है तो ये सभी चीजें फिल्म के साथ काफी बढ़िया तरीके से जाती है रणबीर कपूर का कैरेक्टराइजेशन काफी अच्छी तरह से किया हुआ था वो सभी चीज़ें भी देखने में काफी मजा आता है तो ओवरऑल ये सभी चीजें जो फिल्म के साथ आपको आसानी से बनाए रखती है एनिमल फिल्म को आप आसानी से देख सकते हो एनिमल फिल्म को थिएट्रिकली एक दिसंबर 2023 को तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पांस था लेकिन ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस था फिल्म ने आई पे करीबन पैंसठ हज़ार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया होता उसके चलते इस फिल्म ने अपने पहले दिन फ्राइडे के दिन सिक्सटी करोड़ का इंडिया से नेट कलेक्शन किया था सिक्सटी करोड़ का इंडिया से सेकेंड डे के ऊपर इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया थर्ड डे में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बना रहा हो सेवेंटी सिक्स नाइन करोड़ का नेट कलेक्शन किया था इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन दो सौ एक पॉइंट छिहत्तर करोड़ का इंडिया से निकल के आया हुआ था वीक डेज में फिल्म काफी मजबूत रही थी मंडे के दिन चौवालीस करोड़ सैंतीस लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन सैंतीस करोड़ बयासी लाख का और वेनर्सडे के दिन तीस करोड़ पैंतीस लाख और थर्सडे के दिन चौबीस करोड़ और तेरह लाख का कलेक्शन निकला हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने अपने पहले वीक में करीबन तीन सौ अड़तीस करोड़ तिरसठ लाख का कलेक्शन करके दिखाया सेकंड वीकेंड में भी ये फिल्म मजबूत रही थी जहां पे सेकंड फ्राइडे के ऊपर इस फिल्म ने ट्वेंटी थ्री पॉइंट का नेट कलेक्शन किया था सेकंड कियाटरडे के ऊपर पैंतीस करोड़ का नेट कलेक्शन किया, किया था ने कलेक्शन में निकला हुआ था डेज में थर्सडे में इस फिल्म ने चौदह करोड़ बत्तीस लाख बारह करोड़ सैतीस लाख नौ करोड़ सत्तासी लाख और आठ करोड़ छप्पन लाख जितना कलेक्शन कलेक्शन किया और चौदह दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन चार करोड़ का नेट कलेक्शन किया तो सेकंड का कलेक्शन इक्यावन करोड़ रखा था। उसके बावजूद बनी रही थी थर्ड फ्राइडे पे आठ करोड़ पिचासी लाख थर्ड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म ने बारह करोड़ अस्सी लाख थर्ड संडे के ऊपर तेरह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया तीसरा वीकेंड फिल्म का चौंतीस करोड़ पचानवे लाख का रहा जहाँ पे डेज में मंडे के दिन इस फिल्म ने करीबन पांच करोड़ पचपन लाख का कलेक्शन किया थर्ड ट्यूसडे के दिन पांच करोड़ चालीस लाख का थर्ड वेनसडे के दिन पांच करोड़ का और थर्सडे के दिन दो करोड़ तिहत्तर लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने अपने तीसरे वीक में तिरपन करोड़ तिरसठ लाख का कलेक्शन किया और तीन वीक के अंदर इस फिल्म ने टोटल पाँच सौ बत्तीस करोड़ सतहत्तर लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में जब फिल्म आई वहाँ से बाद में कई सारे फिल्म की रिलीजें और भी जुड़ी हुई थी जिसके चलते फिल्म ने थोड़ा सा स्लो डाउन किया वैसे देखा जाए तो चौथे वीके वीक के, के हिसाब से फिल्म ने वहाँ पर भी एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था यहाँ पे चौथे फ्राइडे के दिन एक करोड़ ग्यारह लाख का सैटरडे के दिन एक करोड़ छिहत्तर लाख का संडे के दिन दो करोड़ ग्यारह लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते जो इस फिल्म का चौथा वीकेंड था वो चार करोड़ अट्ठानवे लाख का निकला हुआ था वीक डेज में एक करोड़ बानवे लाख एक करोड़ चौदह लाख और एक करोड़ सात लाख थर्ड चौथे थर्डे के दिन एक करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया और अट्ठाईस दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन पाँच करोड़ और तिरतालीस सॉरी पाँच करोड़ और तिरानवे लाख का कलेक्शन करके दिखाया और उसके बाद इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से पाँचवें वीक में सात करोड़ पचास लाख का छठे वीक में चार करोड़ का सातवें वीक में एक करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था इंडिया का वो पाँच करोड़ तिरानवे लाख का निकला हुआ था और इसका जो ग्रोस कलेक्शन होता है वो भी काफी ज्यादा निकला हुआ था छह करोड़ बयासी लाख का और इसमें भी फिल्म काफी धमाकेदार चली थी जिसके चलते दो करोड़ उन लाख का कलेक्शन ओवरसीज से इस फिल्म ने निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल

और इसके बाद में इस फिल्म को नेटफ्लिक्स ओ टी पे भी रिलीज किया गया था वहां पे भी अच्छा वहाँ पे एक अच्छा रिस्पांस मिला वहां में कुछ आठ दस मिनट कट किए हुए थे जो शूट किया हुआ था उसमें वो वर्जन भी ऐड किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छी एक्सटेंडेड वर्जन वाली रिलीज नेटफ्लिक्स के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में दि, दिलाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर इस फिल्म को आप आसानी से इन्जॉय कर सकते हो एक्सटेंडेड वर्जन में जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम वर्जन में ये फिल्म एनिमल नाम के साथ अवेलेबल की हुई है इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल सोनीमैक्स और सोनीमैक्स एच डी के ऊपर यू सर्टिफिकेट के साथ देखने को मिलेगा जहाँ पे कुछ सीन्स को कट ऑफ किया हुआ है तो वहाँ पर इस फिल्म का एक टेलीविजन वर्जन आप इन्जॉय कर सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एनिमल फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम वर्जन में देख सकते हो फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा लेकिन वहाँ पर कट डाउन वर्जन देखने को मिलेगा फिल्म को ए टू यू सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके रिलीज़ करवाया हुआ है तो वहाँ पर वो वर्ज़न आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से एनिमल फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेज में इन्जॉय कर पाओगे एनिमल जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में बनाया गया था जहाँ पे ये सभी वर्जन से उसके साथ इस फिल्म को रिलीज थिएट्रिकली किया गया था एडल सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को डायरेक्ट किया संदीप रेड्डी वांगा ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी जगह पे संदीप रेड्डी वांगा ने काम किया हुआ था जहाँ पे स्क्रीन प्ले में उनको प्रणय रेड्डी वांगा सुरेश बंदारू ने उनको मदद की हुई थी स्टोरी थी वो संदीप रेड्डी वांगा की खुद की थी उसके ऊपर डायलॉग से उसमें सौरभ गुप्ता ने मदद की हुई थी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार प्रणय रेड्डी वांगा कृष्ण कुमार के साथ बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए थे जैसे किस एपी इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट और केवी एन प्रोडक्शन जिन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म का 201 मिनट का रन टाइम टाइम करवाया गया था जहां पे इस फिल्म को अनकट वर्जन के साथ एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था इसका मतलब कि फिल्म घंटे लंबी थी लेकिन जब इस फिल्म को ओ टी, टी रिलीज करने की बारी आई तो उसमें करीब कुछ मिनट्स जो कट किए हुए थे उसको भी एड करके एक एक्सटेंडेड एक एक वर्जन रिलीज किया हुआ था एनिमल फिल्म का तो इस तरह से एनिमल फिल्म के कुछ जो कटिंग वर्जन थे उसको एड करके इसमें साथ ही में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कास्ट काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी उससे पहले टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत कर लेते हैं फिल्म टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी अमित रॉय ने की हुई है एडिटिंग संदीप रेड्डी वांगा ने खुद किए हुए जिन्होंने दो सौ एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है वायलेंस और कुछ ऐसे सीन्स थे उसके चलते इस फिल्म को एडिटर सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स थे जे मेट विशाल मिश्रा जानी मनन भाजवा श्रेयस प्राणी कासिम केमसन हर्षवर्धन रामेश्वर एयर एमन और भूपिंदर बबल ने कम्पोज किए हुए थे अलग अलग गानों को लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर था वो सिर्फ हर्षवर्धन रामेश्वर के द्वारा कंपोज किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए थे सभी वर्जनस के लिए कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं रणबीर कपूर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने दो रोल प्ले किए हुए रणविजय सिंह यानी कि विजय का इस, इसके अलावा अहमद इबन उमर यानी कि यंग विजय का रोल प्ले उन्होंने किया हुआ था अहमद इबन उमर ने इसके अलावा अजीज हक का जो किरदार था वो रोल भी रणबीर कपूर ने प्ले किया जो फिल्म के इन में

अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के दूसरे एक्टर्स के बारे में जैसे कि सूर्य ओबेरा ने राजधीरे दोदमाल सिंह दादाजी का रोल प्ले किया था जो विजय के ग्रैंड फादर और बलबीर के फादर का रोल था सौरभ सदेवा इस फिल्म में आबिद हक का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो अबरार के भाई का रोल था सलोनी बत्रा ने रीत सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की एल्डर सिस्टर और वरुण की वाइफ का रोल था बलबीर और ज्योति के एल्डर चाइल्ड का रोल था एल्डेस्ट चाइल्ड का निविन वेद ने यंग रीत का रोल प्ले किया है अंशुल चौहान रूप सिंह में देखने को मिलेगी रूप सिंह के रोल में जो बलबीर और ज्योति की यंगेस्ट चाइल्ड है विजय और रीत की यंगर सिस्टर है ईवा वाचि बन उसका यंग वर्जन प्ले किया हुआ था इसके अलावा सिद्धार्थ कार्निक ने वरुण प्रताप मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का ब्रदर इन लो है रीत का हस्बैंड है और बलबीर का सन इन लो है तो मगन्ती श्रीनाथ भी देखने को मिलते कार्तिक के रोल में जो गीतांजलि का एल्डर ब्रदर है और विजय का फ्रेंड है इसके अलावा उपेंद्र हिमाएँ भी आपको एक इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं इंटरवल सीक्वेंस में जो उनका किरदार है उसका नाम है फ्रेड फ्रेड पाटिल वो रोल दे नजर आएगा आपको इसके अलावा इस फिल्म में आपको मैथ्यू वर्गीज देखने को मिलेंगे श्रीपाद बालाजी अयंगर यानी कि कार्तिकी गीतांजलि के फादर का रोल था वो इंदिरा कृष्णन वाला जो रोल था उसका नाम था कासिया मोती का एस अयंगर जो कार्तिक और गीतांजलि की माँ का रोल था कृणाल ठाकुर ने इस फिल्म में गीतांजलि के फ्योन्यान माए गोड है डॉक्टर अमृता का रोल प्ले करते नजर आएंगे देवी अग्रवाल इस फिल्म में संग्राम सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो विजय और द के कज़िन और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन है। विवेक शर्मा ने इस फिल्म में पाली सिंह का रोल प्ले किया जो विजय के कज़िन और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन का रोल था ठीक उसी तरह गगनदीप सिंह आपको सनी सिंह में देखने को मिलेंगे कवा कवालप्रीत सिंह ने विक्रम सिंह का रोल प्ले किया हुआ अनमोल जोत सिंह ने गुरु सिंह का रोल प्ले किया मंजोत सिंह ने राज राजबीर यानी कि रॉयल सिंह का रोल प्ले किया हुआ अवदीप सिंधु ने मंजोत सिंह का रोल प्ले किया है कमलजीत राणा ने बाली सिंह का रोल प्ले किया गुर सेवक सिंह मंदर इस फिल्म में कृपाल सिंह यानी कि यान के पी के रोल में देखने को मिलेंगे बुट्टा बदबार ने इसमें बुट्टा सिंह का रोल प्ले किया हुआ है सबाना हारून इस फिल्म में नीलूफर रहमानी का रोल प्ले करते नजर आएंगे इसके पहले के जितने भी जो भाइयों का नाम लिया हुआ है मैंने वो सभी विजय के कजिन्स थे और दलबीर सिंह के ग्रैंड थे इसके अलावा इस फिल्म में सबाना हारोना निल्फू नीलूफर रहमान यानि कि अब्रार की, की फ़र्स्ट वाइफ का रोल प्ले करते नज़र आएंगे सबीना शाह ने इस फिल्म में मेहरुनीजा जा बेग का रोल प्ले किया जो अब्रार हक की सेकंड वाइफ का रोल था मानसी टेक्सक ने उम ई हानी फेरेन का रोल प्ले किया हुआ जो थर्ड वाइफ है अब्रार हक की और फ्यूचर वाइफ होगी आशीष हक़ की जो आयन में आपको दिखाया जाता है वो वाला सीन तेना अजदाउदी ने इस फिल्म में सिरिन बहार का रोल प्ले किया हुआ है जो जमाल कुडू में सिंगर का काम रोल प्ले करते नजर आए हुए अभी राखेजा रूप के हस्बैंड का रोल प्ले करते नजर आएंगे सनवीर सजदेवा ने रणविजय के बेटे का रोल प्ले किया है मायरिड ग्रोवर ने इस फिल्म में रणविजय के डॉटर का रोल प्ले किया है सरताज कक्कर ने रीत के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेट कास्ट है जो इस फिल्म में आपको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें सेप्टेम्बर दो में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि संदीप रेड्डी वांगा बॉलीवुड में एक फिल्म लेके आने वाले कबीर सिंह के बाद जहां पे उनके साथ शायद आपको भूषण कुमार मूरत खेतानी अश्विनावारी देखने को मिल सकते हैं और इन सभी चीजों के ऊपर लेटर ऑन कंफर्मेशन भी मिली थी दस अक्टूबर को Uh, संदीप रेडीवांगा ने बद्राकाली पिक्चर जो उनकी एक की प्रोडक्शन कंपनी है वो वहाँ से उन्होंने एक एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी कि वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे उसके साथ में उनको बेक करेंगे बॉलीवुड्स की कुछ प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि सिनेमा स्टूडियो टी सीरीज तो उनके साथ मिलकर एक हाई एंड बजट वाली फिल्म बनाने वाले पर कुछ सोर्सेज से दिसंबर महीने में दो में पता चला था कि शायद रणबीर कपूर उसमें लीड रोल प्ले कर सकते हैं ये कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है वायलेंस वाली तो वो सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई थी जून 2020 की बात है संदीप वांगा और रणबीर कपूर के बीच में इस फिल्म की रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी इससे पहले उनकी इस फिल्म के नेरेटिंग के ऊपर स्क्रिप्टिंग ये सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि इस फिल्म का टाइटल शायद डेविल होने वाला है अनिल कपूर भी इस फिल्म के पार्ट होने वाले उसके बाद में तो एक अनाउंसमेंट भी हुई थी पब्लिक अनाउंसमेंट एक जनवरी 2021 को उस अनाउंसमेंट में टाइटल और क्रू मेंबर के नाम दिए गए थे टाइटल लोगो भी दिया गया था और बैकग्राउंड स्कोर सामने रखा गया था मेन थीम तो उसमें बताया गया था कि रणबीर कपूर लीड रोल में होंगे अनिल कपूर उनके फादर का रोल प्ले करेंगे परिणीति चोपड़ा रणबीर के लव इंटरेस्ट या उनके वाइफ का रोल प्ले करते नजर आएंगे और वो भी दिल को इस फिल्म में एक मेन इंटागोनिस का रोल मिलने वाला है तो ये सभी चीज़ें तब अनाउंस की गई थी लेटर ऑन मार्च 2022 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि रश्मि का मंदरा इस फिल्म में कुछ आइटम नंबर प्ले कर सकते है। लेटर ऑन कुछ चीज़ें ऐसे सामने निकल के आई कि वो कोई आइटम नंबर के लिए उनको अप्रोच नहीं किया गया था उनको जो अप्रोच किया गया था संदीप रेड्डी वांगा ने परिणिति चोपड़ा को जो रोल ऑफर किया था और उनके साथ कुछ थोड़े बहुत फोटोशूट सीन सिक्वेंस शूट किए हुए थे तो उनको वो रोल के साथ वो किरदार के साथ परिणति चोपड़ा

जो दिल्ली और पंजाब में सेट किया हुआ था और उसके बाद में मार्च 2023 तक इस फिल्म का सब अलग अलग शेड्यूल्स मिला के रेपअप किया वैसे कुछ सीन्स बाकी थे वो फॉरेन लोकेशंस के क्लाइमेक्स के और बीच के कुछ सीन्स तो उसको स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में शूट किया गया था अप्रैल महीने में जहाँ पे तो पंद्रह बीस दिनों का वो शेड्यूल था तो दो में अप्रैल में इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से रैप अप करवाई उसके बाद म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर प्रॉपर काम किया गया और फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया जहाँ पे म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो एनिमल के साउंड ट्रैक के राइट्स टी सीरीज़ फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ही राइट्स खरीदे हुए थे दो हज़ार के बीच में गाने रिकॉर्ड किए गए थे इन गानों को एक अलग अलग वर्जन के थ्रू रिलीज़ किया गया था फिल्म में टोटल वैसे देखा जाए तो आठ गाने सभी वर्जन्स मिला ले एडिशंस मिला ले टोटल सत्रह वर्जन होते कुछ साउंड ट्रैक था बैकग्राउंड स्कोर था वो सभी चीज़ें भी फिल्म के साथ रिलीज़ की गई थी मेन मेन गानों की बात करें तो इस फिल्म में पहला गाना है अर्जन वेली जिसको भूपिंदर बबल ने लिखा हुआ था मनन भारद्वाज ने उसको म्यूजिक दिया था और भूपिन दरबल ने उसको गाया हुआ था हुआ में गाना था उसको मन मनोज मुत्ता सिंह ने लिखा हुआ था प्रीतम जयमेठ ने म्यूजिक दिया था राघव चैतन्य ने उसको गाया हुआ था सतरंगा गाने को सिद्धार्थ गरिमा ने था श्रीयस पुराने एक ने म्यूजिक दिया था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का चौथा गाना यानी कि पापा मेरी जान उसको राज शेखा ने लिखा था हर्षवर्धन रामेश्वर ने म्यूजिक दिया था सोनू निगम उसको था। उस था। ने उसको गाया हुआ था पहले भी मैं उस गाने को राज शेखा ने लिखा था विशाल मिश्रा ने उसको म्यूजिक दिया था और विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था काश्मीर जो गाना था उसको मनन भारद्वाज ने लिखा था म्यूजिक भी उनका ही था और उनके साथ जो सिंगिंग की बात करें तो मनन भाजवाद ने खुद वोकल्स दिए थे और श्रेया घोषाल ने भी उसमें फीमेल वोकल्स दिए हुए थे सारी दुनिया जला देंगे उस गाने को जानी ने म्यूजिक और कंपोज दोनों किया था लिखा हुआ था उन्होंने ही The cat sat on the लेकिन बीपरा के पास उन्होंने गवाया था हेवान करके जो गाना था तो उसको असीम केमसन ने लिखा हुआ था वसीम केमसन ने म्यूजिक दिया था और असीम केमसन ने गाया हुआ था तो इस तरह से टोटल आठ गाने थे फिल्म में मेन जिसके इकतीस मिनट और तीन सेकंड का साउंड ट्रैक तैयार हुआ था जिसको ऑफिशियली चौबीस नवंबर दो को रिलीज किया था एक डिलेक्स वर्जन भी रिलीज किया गया था जिसको पंद्रह जनवरी दो को रिलीज किया था इन गानों के बाद इस फिल्म में पापा मेरी जहान का एक चाइल्ड वर्जन तैयार किया गया था रणविजय की एंट्री मेड थे इब्रार हक का जो जमाल जमालकूड था भावे जाने या ना जाने करके गाना था मरहम जो पहले भीमे करके गाना था उसका वर्जन था सतरंगा जो स्क्रिप्ट वर्जन था उर्दू के के जैसा इश्क वो यानी कि कश्मीर का एक वर्ज़न था वो सारी दुनिया जला देंगे एक एक्सटेंडेड फिल्म वर्जन था पापा मेरी जान विसल वर्जन तो ये टोटल दूसरे कुछ तो नौ ट्रैक रिलीज़ किए गए थे तो ये सभी गानों के सत्रह गानों हुए तो उसकी लेंथ एक मिनट एक घंटे चार मिनट और छब्बीस सेकंड की हुई थी जिसको रिलीज़ किया गया था पंद्रह जनवरी दो को तो इस तरह से इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली टी सीरीज़ के द्वारा उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जनस के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था

इस फिल्म की कहानी है वो विजय सिंह बलबीर के ऊपर पूरी तरह से फोकस करती है वो रोल रणबीर कपूर प्ले कर रहे जहाँ पे वो अपने फादर से इतना प्यार करते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं उनके फादर का रोल बलबीर सिंह प्ले कर रहे वो रोल प्ले कर रहे अनिल कपूर रणविजय सिंह अपने फादर को कुछ एक्सट्रीम लेवल के ऊपर एडोर करता हुआ नजर आता है जहाँ पे उसका प्यार है वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है उसके अलावा बलबीर सिंह एक खुद बड़े बिजनेसमैन है वो एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किए हुए हैं उनके जो बिजनेस कंपनी है उसका नाम है स्वस्तिक स्टील्स जो इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे वो अपने काम के साथ कुछ ज़्यादा ही पीसी है अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहे तो इन सभी चीज़ों के चलते उन फादर सन के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टेंड ंग भी चलती रहती है इसके अलावा रणवीर जय सिंह इन्हीं समय के दौरान एक लड़की के प्यार में भी पड़ता है जिसका नाम है गीतांजलि का मंदना प्ले कर रही है उसके बाद में वो एक दूसरे के साथ रहने लगते है लेटर वो कर लेते। और उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें होती तो एक बलबीर सिंह के ऊपर अटैक होता है जब अटैक होता है तब उस समय रणवीर जय सिंह वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है वो अपने पापा से इतना प्यार करता है फिर भी वो कहाँ था किस तरह से क्या हुआ था उसके साथ उसको ये सभी चीजें जब पता चलती है तो अपने पापा पापा को फिर से बचाने के लिए आ जाता है उसके पापा को गोली लगी होती है उस उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात भी बताता है जो ट्रेलर में भी आपने सुनी होगी कि वो अपने फादर को बचाने के लिए जिसने उसको मारा है उसका गला काटेगा तो उसके बाद में उन सभी चीज़ों के पीछे वो चला जाता है किस तरह से वो उनके आदमी को ढूंढता है उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है वो और आखिर में में फिल्म में क्या होगा वही सब सवाल की जवाब फिल्म की कहानी बनाती है डेफिनेटली इस फिल्म में जिस तरह से जो टाइटल रोल लिखा गया था टाइटल रोल ही कह सकते हैं क्योंकि जो एनिमल है मेन एनिमल तो इस फिल्म में रणबीर कपूर के किरदार को ही दिखाया है रणविजय को और मेन एंटागोनी से यानी कि बॉबी देओल वो भी एक मेन विलन का भी एक एनिमल टाइप ऑफ काइंड ऑफ टाइप ही था तो थोड़ा साइकिक टाइप का भी वह इस फिल्म में आपको फिल्म कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिस तरह से रणबीर कपूर ने उस किरदार में काम किया हुआ है उसके अलावा आप शायद कोई दूसरे एक्टर को सोच भी नहीं पाओगे इमेजिन नहीं कर पाओगे उस तरह का उन्होंने काम दिया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इसमें एक वाइल्डनेस लाई हुई है जो डायलॉग डिलीवरी थी जिस कन्विक्सन के साथ वो इस फिल्म के किरदार को पुल ऑफ करते हुए नजर आए इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर ने उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाए हुए वैसे रणबीर काफ़ी बढ़िया एक्टर है लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस था और बेहतर करने में संदीप रेड्डी वांगा ने उनको मदद की हुए है इस, इसी इसी परफॉर्मेंस निकलवाई हुए उनकी परफॉर्मेंस करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाएगी फिलहाल में अभी तक की जितनी भी उन्होंने फिल्म किए उसमें जहाँ पे रणबीर कपूर का अगर आप फैन ना भी हो फिर भी अगर थिएटर में या इस फिल्म को आपने एक बार भी मोबाइल या थिएटर में देखा होगा ओ पे तो डेफिनेटली आप इस फिल्म में उनका जो काम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आएगा और क्लाइमेक्स में जिस तरह से काम किया हुआ है जिस तरह से इंटरवल सीन्स आते हैं वहाँ पे उनका काम देखने को मिलता है तो आप उनसे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाओगे फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छी पेस के साथ चलता रहता है फिल्म घंटे से ज़्यादा के के रन टाइम साथ रिलीज़ की गई थी उसके बावजूद फिल्म का ये डेढ़ पौने घंटे का जो फर्स्ट हाफ था वो आपको जरा भी महसूस नहीं होगा किस तरह से कैसे क्या फास्ट पेस के साथ चलता रहता है और उसके बाद में जो एक फाइनल जो इंटरवल प्री इंटरवल इंटरवल पे जो क्लाइमेक्स सॉरी उसमें वहां पर एक एक्शन सिक्वेंस आता है उस एक्शन के पहले जो उन्होंने एक डेवलपमेंट की हुई कैरेक्टर्स में जिस तरह से उन्होंने उस मूमेंट को स्टेज को किया हुआ था उस हाई मोमेंट पे चीजें काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है इंटरनल की वो फाइट जिस तरह से उसकी कोरियोग्राफी थी उसमें एक गन दिखाई उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था इसके अलावा जो कुछ डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं जो सभी चीजें देखने को मिलती है वो बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट की हुई थी उन सभी चीजों को बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के डल से डल मोमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था वैसे फिल्म में कोई डल मोमेंट्स वैसे थे नहीं लेकिन जिस तरह से चीजें जो देख को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उसको, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है एक अच्छा खासा सपोर्ट देता हुआ नजर आता है रश्मिका मंदना ने डेफिनेटली अपना काम बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है उनकी जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है रणबीर कपूर के साथ वो बढ़िया तरीके से नजर आई हुई है इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो गाने डाले हुए उसका जिस तरह से यूज किया हुआ है वो काफी बढ़िया था अनिल कपूर का जो काम है वो आपको काफ़ी बढ़िया नजर आएगा ठीक उसी तरह बोबी देवल काफ़ी शानदार रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं हाँ उनका किरदार छोटा था उसको और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जिस तरह से रणबीर कपूर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उस तरह से मैं भी जब सेकंड हाफ में बॉबी देअल को इंट्रोड्यूस किया था साथ ही में उसका एक छोटा सा दस पंद्रह मिनट का एक बेकअप स्टोरी दिखाना चाहिए था जिसके चलते फिल्म में एक और इंटरेस्ट बढ़ सकता था और इसके अलावा तृप्ति दिमरे सुरेश ओबेरे सिद्धार्थ कानिक सभी ने अपने काम को बखूबी निभाया है इस फिल्म में ये सभी चीज़ें बढ़िया थी हाँ कुछ लोगों को ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक लग सकती है या इस फिल्म में कुछ वायलेंस ज़्यादा है तो वो शायद उन लोगों को जो इतना देखना पसंद नहीं करते उनको थोड़ा थोड़ा कम पसंद आएगा ये फिल्म लेकिन ओवरऑल देखे तो फिल्म बढ़िया तरीके से बनाई गई है जिसको डेफिनेटली आप इन्जॉय कर पाओगे हाँ फिल्म एक पॉइंट के बाद जो इंटरवल के पहले जो एक लीनियर नॉन लीनियर तरीके से चलती रहती है इसके चलते एक इंटरेस्ट बना रहता है इंटरवल के बाद जब इस फिल्म को सेकंड हाफ में लाया जाता है उसके बाद में ये फिल्म एक सिंपल बेसिक फॉर्मेट के थ्रू स्टोरी लाइन हमारे सामने पेश की जाती है लीनियर तरीके से तो वहाँ पर प्रिडिक्टेबल कहानी थोड़ी हो जाती है अदरवाइज़ फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए हुए सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है एक्शन सिक्वेंस को तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ इन सभी चीज़ों सिनेमेटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग बढ़िया थी डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर काफी दमदार था गाने फिल्म के काफी अच्छे थे जो फिल्म के सफेद दिक्कतें हुए नजर आते बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मदद करता है एडिटिंग फिल्म की काफी बढ़िया थी हाँ तीन सवा तीन घंटे की फिल्म थी कुछ सीन्स शोपअप कर देते बढ़िया रहता लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी फिल्म थी जहाँ पे चल जाता है उतना कुछ थोड़ा बहुत रहे तो भी इसके अलावा डायरेक्टर राइटर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एक बार फिर से जिस तरह से अनकन्वेंशनल एक एक्शन ड्रामा डिलीवर किया हुआ है वो डेफिनेटली पसंद आएगा फर्स्ट हाफ उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से पेस के साथ चलाया हुआ है जहां पे काफी सारा ड्रामा भी दिखाया कुछ एक्शन मोमेंट्स भी दिखा है तो ये सभी चीजें फिल्म के साथ काफी बढ़िया तरीके से जाती है रणबीर कपूर का कैरेक्टराइजेशन काफी अच्छी तरह से किया हुआ था वो सभी चीजें भी देखने में काफी मजा आता है तो ओवरऑल ये सभी चीजें जो फिल्म के साथ आपको आसानी से बनाए रखती है एनिमल फिल्म को आप आसानी से देख सकते हो तो एनिमल फिल्म को थिएट्रिकली एक दिसंबर 2023 को तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पांस था लेकिन ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस था फिल्म ने आईएमडी पे करीबन पैंसठ हज़ार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया होता उसके चलते इस फिल्म ने अपने पहले दिन फ्राइडे के दिन सिक्सटी करोड़ का इंडिया से नेट कलेक्शन किया था सिक्सटी करोड़ का इंडिया से सेकेंड डे के ऊपर इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया थर्ड डे में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बना रहा हो सेवेंटी सिक्स नाइन करोड़ का नेट कलेक्शन किया था इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन दो सौ एक पॉइंट छिहत्तर करोड़ का इंडिया से निकल के आया हुआ था वीक डेज में फिल्म काफी मजबूत रही थी मंडे के दिन चौवालीस करोड़ सैंतीस लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन सैंतीस करोड़ बयासी लाख का और वेनसडे के दिन तीस करोड़ पैंतीस लाख और थर्सडे के दिन चौबीस करोड़ और तेरह लाख का कलेक्शन निकला हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने अपने पहले वीक में करीबन तीन करोड़ तिरसठ लाख का कलेक्शन करके दिखाया सेकंड वीकेंड में भी ये फिल्म मजबूत रही थी पे सेकंड फ्राइडे के ऊपर इस फिल्म ने करोड़ का नेट किया हुआ था के करोड़ का नेट कलेक्शन किया था कलेक्शन सेकंड वीकेंड था करोड़ के आसपास का इंडिया से नेट कलेक्शन में निकला हुआ था में जैसे मंडे ट्यूजे थर्सडे में इस फिल्म ने चौदह करोड़ बत्तीस लाख बारह करोड़ सैंतीस लाख नौ करोड़ सत्तासी लाख और आठ करोड़ छप्पन लाख जितना कलेक्शन किया और चौदह दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन चार करोड़ का नेट कलेक्शन किया तो वीक का कलेक्शन आठ करोड़ पिचासी लाख थर्ड सैटरडे के ऊपर बारह करोड़ अस्सी लाख थर्ड संडे के ऊपर तेरह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया तीसरा वीकेंड फिल्म का चौतीस करोड़ पचानवे लाख का रहा जहां पे वीक डेज में मंडे के दिन इस फिल्म ने करीबन पाँच करोड़ पचपन लाख का कलेक्शन किया थर्ड ट्यूजडे के दिन पाँच करोड़ चालीस लाख का थर्ड वेनसडे के दिन पाँच करोड़ का और थर्सडे के दिन दो करोड़ तिहत्तर लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने अपने तीसरे वीक में तिरपन करोड़ तिरसठ लाख का कलेक्शन किया और तीन वीक के अंदर इस फिल्म ने टोटल पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में जब फिल्म आई वहाँ से बाद में कई सारे फिल्म की रिलीजें और भी जुड़ी हुई थी जिसके चलते फिल्म ने थोड़ा सा स्लो डाउन किया वैसे देखा जाए तो चौथे वीके वीक के, के हिसाब से फिल्म ने वहाँ पर भी एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था यहाँ पे चौथे फ्राइडे के दिन एक करोड़ ग्यारह लाख का सैटरडे के दिन एक करोड़ छिहत्तर लाख का संडे के दिन दो करोड़ ग्यारह लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते जो इस फिल्म का चौथा वीकेंड था वो चार करोड़ अट्ठानवे लाख का निकला हुआ था वीक डेज में एक करोड़ बानवे लाख एक करोड़ चौदह लाख और एक करोड़ सात लाख थर्ड चौथे थर्डे के दिन एक करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया और अट्ठाईस दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन पाँच करोड़ और तिरतालीस सॉरी पाँच करोड़ और तिरानवे लाख का कलेक्शन करके दिखाया और उसके बाद इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से पांचवें वीक में सात करोड़ पचास लाख का छठे वीक में चार करोड़ का सातवें वीक वी 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 में एक करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था इंडिया का वो पाँच करोड़ तिरानवे लाख का निकला हुआ था और इसका जो ग्रोथ कलेक्शन होता है वो भी काफी ज्यादा निकला हुआ था छह करोड़ बयासी लाख का ओवरसीज में भी फिल्म काफी धमाकेदार चली थी जिसके चलते दो करोड़ उन लाख का कलेक्शन ओवरसीज से इस फिल्म ने निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल

और इसके बाद में इस फिल्म को नेटफ्लिक्स ओ टी पे भी रिलीज किया गया था वहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ पे एक एक्सटेंडेड वर्जन रिलीज किया गया था फिल्म में कुछ आठ दस मिनट कट किए हुए थे जो शूट किया हुआ था उसमें वो वर्जन भी एड किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छी एक्सटेंडेड वर्जन वाली रिलीज नेटफ्लिक्स के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में दि, दिलाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को आप आसानी से एंजॉय कर सकते हो एक्सटेंडेड वर्जन में जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन में ये फिल्म एनिमल नाम के साथ अवेलेबल की हुई है इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स और एच डी के ऊपर यू सर्टिफिकेट के साथ देखने को मिलेगा जहाँ पे कुछ सीन्स को कट ऑफ किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म का एक टेलीविजन वर्जन आप इन्जॉय कर सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एनिमल फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन में देख सकते हो फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा लेकिन वहां को मिलेगा फिल्म को ए टू यू सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके रिलीज करवाया हुआ है तो वहाँ पे वो वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से एनिमल फिल्म को आप ऑफिशियली टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में एंजॉय कर पाओगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें सेप्टेम्बर दो हजार उन्नीस में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि संदीप रेड्डी वांगा बॉलीवुड में एक फिल्म कि आने वाले कबीर सिंह के बाद जहां पे उनके साथ शायद आपको भूषण कुमार अश्विन आवारे देखने को मिल सकते हैं और इन सभी चीजों के ऊपर लेटर ऑन कंफर्मेशन भी मिली थी दस अक्टूबर को Uh, संदीप रेडिवांगा ने बद्राकाली पिक्चर जो उनके, उनकी एक की प्रोडक्शन कंपनी है वो वहाँ से उन्होंने एक एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी कि वो एज़ अ डायरेक्टर के तौर पे एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे उसके साथ में उनको बेक करेंगे बॉलीवुड्स की कुछ प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि सिनेमा स्टूडियो टी सीरीज़ तो उनके साथ मिलकर एक हाई एंड बजट वाली फिल्म बनाने वाले पर कुछ सोर्सेज से दिसंबर महीने में दो में पता चला था कि शायद रणबीर कपूर उसमें लीड रोल प्ले कर सकते हैं ये कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है वायलेंस वाली तो वो सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई थी जून 2020 की बात है संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर के बीच में इस फिल्म की रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी इससे पहले उनकी इस फिल्म के नेरेटिंग के ऊपर स्क्रिप्टिंग ये सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि इस फिल्म का टाइटल शायद डेविल होने वाला है अनिल कपूर भी इस फिल्म के पार्ट होने वाले उसके बाद में तो एक अनाउंसमेंट भी हुई थी पब्लिक अनाउंसमेंट एक जनवरी 2021 को उस अनाउंसमेंट में टाइटल और क्रो मेंबर के नाम दिए गए थे टाइटल लोगो भी दिया गया था और बैकग्राउंड स्कोर सामने रखा गया था मेन थीम तो उसमें बताया गया था कि रणबीर कपूर लीड रोल में होंगे अनिल कपूर उनके फादर का रोल प्ले करेंगे परिणीति चोपड़ा रणबीर के लव इंटरेस्ट या उनके वाइफ का रोल प्ले करते नजर आएंगे और बॉबी भी को इस फिल्म में एक मेन इंटागोनिस का रोल मिलने वाला है तो ये सभी चीज़ें तब अनाउंस की गई थी लेटर ऑन मार्च 2022 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि का मंदिर आए इस फिल्म में कुछ आइटम नंबर प्ले कर सकते हैं लेटर ऑन कुछ चीज़ें ऐसे सामने निकल के आई कि वो कोई आइटम नंबर के लिए उनको अप्रोच नहीं किया गया था उनको जो अप्रोच किया गया था संदीप रेड्डी वांगा ने परिणीति चोपड़ा को जो रोल ऑफर किया था और उनके साथ कुछ थोड़े बहुत फोटो सीन सिक्वेंस शूट किए हुए थे तो उनको वो रोल के साथ वो किरदार के साथ परिणति चोपड़ा का फेस मैच नहीं हो रहा था इस वजह से उन्होंने रश्मिका को ऑफर किया है रोल और सेकंड अप्रैल को रश्मिका ने ऑफिशियली अनाउंस किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि वो इस फिल्म का पार्ट होने वाली है इस फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो मनाली में स्टार्ट अप्रैल 2022 में फिल्म का सेकंड शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में रखा हुआ था जहां पे पटोड़ी पैलेस में इस फिल्म को जुलाई 2022 में शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म का नया एक शेड्यूल सेट किया हुआ था जो दिल्ली और पंजाब में सेट किया हुआ था और उसके बाद में मार्च 2023 तक इस से फिल्म का सब अलग अलग शेड्यूल्स मिला के रैपअप किया वैसे कुछ सीन्स बाकी थे वो फॉरेन लोकेशंस के क्लाइमेक्स के और बीच के कुछ सीन्स तो उसको स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में शूट किया गया था अप्रैल महीने में जहाँ पे तो पंद्रह बीस दिनों का वो शेड्यूल था तो दो में अप्रैल में इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से रेपअप करवाई उसके बाद म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर प्रॉपर काम किया गया और फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया जहाँ पे म्यूजिक के ऊपर बातचीत करें तो एनिमल के साउंड ट्रैक के राइट्स टी सीरीज वेस्ट के को प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ही राइट्स खरीदे हुए थे दो हज़ार बाईस के बीच में गाने रिकॉर्ड किए गए थे इन गानों को एक अलग अलग वर्जन के थ्रू रिलीज किया गया था फिल्म में टोटल वैसे देखा जाए तो आठ गाने सभी वर्जन्स मिला ले एडिशंस मिला ले टोटल सत्रह वर्जन होते कुछ साउंड ट्रैक था बैकग्राउंड स्कोर था वो सभी चीज़ें भी फिल्म के साथ रिलीज की गई थी मेन मेन गानों की बात करें तो इस फिल्म में पहला गाना है अर्जन वेली जिसको भूपिंदर बबल ने लिखा हुआ था मनन भारद्वाज ने उसको म्यूजिक दिया था और भूपिंदर बदवल ने उसको गाया हुआ था हुआ में गाना था उसको मन मनोज मुत्ता सिंह ने लिखा हुआ था प्रीतम जयमेठ ने म्यूजिक दिया था राघव चैतन्य ने उसको गाया हुआ था सतरंगा गाने को सिद्धार्थ गरिमा ने खाता था श्रेयस पुराने ने म्यूजिक दिया था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का चौथा गाना यानी कि पापा मेरी जान उसको राज शेखा ने लिखा था हर्षवर्धन रामेश्वर ने म्यूज़िक दिया था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था पहले भी मैं उस गाने को राज शेखा ने लिखा था विशाल मिश्रा ने उसको म्यूजिक दिया था और विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था काश्मीर जो गाना था उसको मनन भारद्वाज ने लिखा था म्यूजिक भी उनका ही था और उनके साथ जो सिंगिंग की बात करें तो मनन भाजवाज ने खुद वोकल्स दिए थे और श्रेया घोषाल ने भी उसमें फीमेल वोकल्स दिए हुए थे सारी दुनिया जला देंगे उस गाने को जानी ने म्यूजिक और कंपोज दोनों किया था लिखा हुआ था उन्होंने ही लेकिन बीपरा के पास उन्होंने गवाया था हेवान करके जो गाना था तो उसको असीम केमसन ने लिखा हुआ था वसीम केमसन ने म्यूजिक दिया था और असीम केमसन ने गाया हुआ था तो इस तरह से टोटल आठ गाने थे फिल्म में मेन जिसके इकतीस मिनट और तीन सेकंड का साउंड ट्रक तैयार हुआ था जिसको ऑफिशियली चौबीस नवंबर दो को रिलीज किया था एक डिलेक्स वर्जन भी रिलीज किया गया था जिसको पंद्रह जनवरी दो को रिलीज किया था इन गानों के बाद इस फिल्म में पापा मेरी जान का एक चाइल्ड वर्जन तैयार किया गया था रणवीर जी की एंट्री मेडिलिटी थे बब्रार हक का जो जमाल कुडू था भावे जाने या ना जाने करके एक गाना था मरहम जो पहले भीमे करके गाना था उसका वर्जन था सतरंगा जो स्क्रिप्ट वर्जन था उर्दू के के जैसा इश्क वो यानी कि कश्मीर का एक वर्ज़न था वो सारी दुनिया जला देंगे एक एक्सटेंडेड फिल्म वर्जन था पापा मेरी जान विसल वर्जन तो ये टोटल दूसरे कुछ आ, तो नौ ट्रैक रिलीज़ किए गए थे तो ये सभी गानों के सत्रह गानों हुए तो उसकी लेंथ एक मिनट एक घंटे चार मिनट और तो छब्बीस सेकंड की हुई थी जिसको रिलीज़ किया गया था पंद्रह जनवरी दो को तो इस तरह से इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली टी सीरीज़ के द्वारा उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जनस के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था

इस फिल्म की कहानी है वो विजय सिंह बलबीर के ऊपर पूरी तरह से फोकस करती है वो रोल रणबीर कपूर प्ले कर रहे जहाँ पे वो अपने फादर से इतना प्यार करते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं उनके फादर का रोल बलबीर सिंह प्ले कर रहे वो रोल प्ले कर रहे अनिल कपूर रणविजय सिंह अपने फादर को कुछ एक्सट्रीम लेवल के ऊपर एडोर करता हुआ नजर आता है जहाँ पे उसका प्यार है वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है उसके अलावा बलबीर सिंह एक खुद बड़े बिजनेसमैन है वो एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किए हुए हैं उनके जो बिजनेस कंपनी है उसका नाम है स्वस्तिक स्टील्स जो इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे वो अपने काम के साथ कुछ ज़्यादा ही पीसी है अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहे तो इन सभी चीज़ों के चलते उन फादर सन के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टेंड भी चलती रहती है इसके अलावा रणविजय सिंह इन्हीं समय के दौरान एक लड़की के प्यार में भी पड़ता है जिसका नाम है गीतांजलि रोल का मंदना प्ले कर रही है उसके बाद में वो एक दूसरे के साथ रहने लगते है लेटर उनते और उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें होती तो एक बलबीर सिंह के ऊपर अटैक होता है जब अटैक होता है तब उस समय रणविजय सिंह वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है वो अपने पापा से इतना प्यार करता है फिर भी वो कहाँ था किस तरह से क्या हुआ था उसके साथ उसको ये सभी चीजें जब पता चलते तो अपने पापा पापा को फिर से बचाने के लिए आ जाता है उसके पापा को गोली लगी होती है उस, उन सभी को ध्यान में रखते हुए। एक बात भी बताता है चला जाता है किस तरह से वो उनके आदमी को ढूंढता है उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है वो और आखिर में, में फिल्म में क्या होगा वही सब सवाल की जवाब फिल्म की कहानी बनाती है डेफिनेटली इस फिल्म में जिस तरह से जो टाइटल रोल लिखा गया था टाइटल रोल ही कह सकते हैं क्योंकि जो एनिमल है मेन एनिमल तो इस फिल्म में रणबीर कपूर के किरदार को ही दिखाया हुआ रणविजय को और मेन एंटागोनी से यानी कि बॉबी देओल वो भी एक मेन विलन का भी एक एनिमल टाइप ऑफ काइंड ऑफ टाइप ही था तो थोड़ा साइकिक टाइप का भी वह इस फिल्म में आपको फिल्म कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिस तरह से रणबीर कपूर ने उस किरदार में काम किया हुआ है उसके अलावा आप शायद कोई दूसरे एक्टर को सोच भी नहीं पाओगे इमेजिन नहीं कर पाओगे उस तरह का उन्होंने काम दिया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इसमें एक वाइल्डनेस लाई हुई है जो डायलॉग डिलीवरी थी जिस कन्विक्सन के साथ वो इस फिल्म के किरदार को पुल ऑफ करते हुए नजर आए इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर ने उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाए हुए वैसे रणबीर काफ़ी बढ़िया एक्टर है लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस था और बेहतर करने में संदीप रेड्डी वांगा ने उनको मदद की हुए इस, इसी परफॉर्मेंस निकलवाई हुए उनकी परफॉर्मेंस करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाएगी फिलहाल में अभी तक की जितनी भी उन्होंने फिल्में किए हैं उसमें जहाँ पे रणवीर कपूर का अगर आप फैन ना भी होगे फिर भी अगर थिएटर में या इस फिल्म को आपने एक बार भी मोबाइल या थिएटर में देखा होगा ओ टी पे तो डेफिनेटली आप इस फिल्म में उनका जो काम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आएगा और क्लाइमेक्स में जिस तरह से काम किया हुआ है जिस तरह से इंटरवल सीन्स आते हैं वहां पे उनका काम देखने को मिलता है तो आप उनसे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाओगे फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छी पेस के साथ चलता बावजूद हाफ था वो आपको जरा भी महसूस नहीं होगा किस तरह से के से क्या पेस के साथ चलता रहता है और उसके बाद में जो एक फाइनल जो एक इंटर्वल, प्री इंटरवल इंटरवल पे जो सॉरी उसमें वहां पर जो उन्होंने एक डेवलपमेंट की हुई कैरेक्टर्स तरह से उन्होंने उस मूवमेंट को स्टेज को किया हुआ था उस हाई मोमेंट पे चीजें काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है इंटरनल की वो फाइट जिस जिस तरह तरह से से उसकी कोरियोग्राफी थी उसमें एक गन दिखाई गई उसको जिस हमारे सामने पेश किया हुआ था इसके अलावा जो कुछ डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं जो सभी चीजें देखने को मिलती है वो बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट की हुई थी उन सभी चीजों को बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के डल से डल मोमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था वैसे फिल्म में कोई डल मोमेंट्स वैसे थे नहीं लेकिन जिस तरह से चीजें जो देख को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उसको, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है एक अच्छा खासा सपोर्ट देता हुआ नजर आता है रश्मिका मंदना ने डेफिनेटली अपना काम बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है उनकी जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है रणबीर कपूर के साथ वो बढ़िया तरीके से नजर आई हुई है इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो गाने डाले हुए उसका जिस तरह से यूज किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था अनिल कपूर का जो काम है वो आपको काफ़ी बढ़िया नजर आएगा ठीक उसी तरह बॉबी देवल काफ़ी शानदार रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं हाँ उनका किरदार छोटा था उसको और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जिस तरह से रणबीर कपूर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उस तरह से मे भी जब सेकंड हाफ में बॉबी देवल को इंट्रोड्यूस किया था साथ ही में उसका एक छोटा सा दस पंद्रह मिनट का एक बेकअप स्टोरी दिखाना चाहिए था जिसके चलते फिल्म में एक और इंटरेस्ट बढ़ सकता था और इसके अलावा तृप्ति दिमरे सुरेश ओबेरा सिद्धार्थ कानिक सभी ने अपने काम को बखूबी निभाया इस फिल्म में ये ये सभी सभी चीजें चीजें कुछ लोगों को थोड़ी बहुत लग सकती है या इस फिल्म में कुछ वायलेंस ज्यादा है तो वो शायद उन लोगों को जो इतना देखना पसंद नहीं करते उनको थोड़ा थोड़ा कम पसंद आएगा ये फिल्म लेकिन ओवरऑल देखे तो फिल्म बढ़िया तरीके से बनाई गई है जिसको डेफिनेटली आप इंजॉय कर पाओगे हाँ फिल्म एक पॉइंट के बाद जो इंटरवल के पहले जो एक लीनियर नॉन लीनियर तरीके से चलती रहती है इसके चलते एक इंटरेस्ट बना रहता है इंटरवल के बाद जब का इस फिल्म को सेकंड हाफ में लाया जाता है उसके बाद में ये फिल्म एक सिंपल बेसिक फॉर्मेट के थ्रू स्टोरी लाइन हमारे सामने पेश की जाती है लीनियर तरीके से तो वहाँ पर प्रिडिक्टेबल कहानी थोड़ी हो जाती है अदरवाइज फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए हुए हैं सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है एक्शन सन सिक्वेंस को तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ इन सभी चीज़ों सिनेमेटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग बढ़िया थी डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर काफी दमदार था गाने फिल्म के काफी अच्छे थे जो फिल्म के सफेद दिक्कतें हुए नजर आते हैं बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मदद करता है एडिटिंग फिल्म की काफी बढ़िया थी हाँ तीन सौ तीन घंटे की फिल्म थी कुछ सीन्स सीन शॉपअप कर देते बढ़िया रहता लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी फिल्म थी जहाँ पे चल जाता है उतना कुछ थोड़ा बहुत रहे तो भी इसके अलावा डायरेक्टर राइटर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एक बार फिर से जिस तरह से अनकन्वेंशनल एक एक्शन ड्रामा डिलीवर किया हुआ है वो डेफिनेटली पसंद आएगा फर्स्ट हाफ उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छे पेज के साथ चलाया हुआ है जहाँ पे काफी सारा ड्रामा भी दिखाया है कुछ एक्शन मोमेंट्स भी दिखा है सेकंड हाफ में भी ड्रामा इमोशनल सीन्स को जो कॉन्फ्लिक्ट था वो पेश किया हुआ है तो ये सभी चीज़ें फिल्म के साथ काफी बढ़िया तरीके से जाती है रणबीर कपूर का कैरेक्टराइजेशन काफी अच्छी तरह से किया हुआ था वो सभी चीज़ें भी देखने में काफी मजा आता है तो ओवरऑल ये सभी चीज़ें जो फिल्म के साथ आपको आसानी से बनाए रखती है एनिमल फिल्म को आप आसानी से देख सकते हो एनिमल फिल्म को थिएट्रिकली एक दिसंबर 2023 को तमिल तेलुगु, कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था लेकिन ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था फिल्म ने आई पे करीबन पैंसठ हज़ार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया होता उसके चलते इस फिल्म ने अपने पहले दिन फ्राइडे के दिन सिक्सटी करोड़ का इंडिया से नेट कलेक्शन किया था सिक्सटी करोड़ का इंडिया से सेकेंड डे के ऊपर इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया थर्ड डे में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बना रहा हो सेवेंटी सिक्स नाइन करोड़ का नेट कलेक्शन किया था इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन दो सौ एक पॉइंट छिहत्तर करोड़ का इंडिया से निकल के आया हुआ था वीक डेज में फिल्म काफी मजबूत रही थी मंडे के दिन चौवालीस करोड़ सैतीस लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन सैंतीस करोड़ बयासी लाख का और वेनर्सडे के दिन तीस करोड़ पैंतीस लाख और थर्सडे के दिन चौबीस करोड़ और तेरह लाख का कलेक्शन निकला हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने अपने पहले वीक में करीबन तीन सौ अड़तीस करोड़ तिरसठ लाख का कलेक्शन करके दिखाया सेकंड वीकेंड में भी ये फिल्म मजबूत रही थी जहां पे सेकंड फ्राइडे के ऊपर इस फिल्म ने ट्वेंटी थ्री पॉइंट का नेट कलेक्शन किया था कलेक्शन किया था वीकेंड ने था करोड़ के आसपास का इंडिया से नेट कलेक्शन में निकला हुआ था डेज में जैसे कि मंडे ट्यूजेडे थर्सडे में इस फिल्म ने चौदह करोड़ बत्तीस लाख बारह करोड़ सैंतीस लाख नौ करोड़ सत्तासी लाख और आठ करोड़ छप्पन लाख जितना कलेक्शन क्शन किया और चौदह दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन चार करोड़ का नेट कलेक्शन किया तो वी का करोड़ रहा था। वीक का कलेक्शन एक रखा था नई रिलीज डेफिनेटली हुई थी फिल्म के, लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म अच्छी तरह से बनी रही थी थर्ड फ्राइडे पे आठ करोड़ पिचासी लाख थर्ड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म ने बारह करोड़ अस्सी लाख थर्ड संडे के ऊपर तेरह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया तीसरा वीकेंड फिल्म का चौतीस करोड़ पचानवे लाख का रहा जहाँ पे वीडियो डेज में मंडे के दिन इस फिल्म ने करीबन पांच करोड़ पचपन लाख का कलेक्शन किया थर्ड ट्यूजडे के दिन पांच करोड़ चालीस लाख का थर्ड वेनडे के दिन पांच करोड़ का और थर्सडे के दिन दो करोड़ तिहत्तर लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने अपने तीसरे वीक में तिरपन करोड़ तिरसठ लाख का कलेक्शन किया और तीन वीक के अंदर इस फिल्म ने टोटल पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में जब फिल्म आई वहाँ से बाद में कई सारे फिल्म की रिलीजें और भी जुड़ी हुई थी जिसके चलते फिल्म ने थोड़ा सा स्लो डाउन किया वैसे देखा जाए तो चौथे वीके वीक के, के हिसाब से फिल्म ने वहाँ पर भी एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था यहाँ पे चौथे फ्राइडे के दिन एक करोड़ ग्यारह लाख का सैटरडे के दिन एक करोड़ छिहत्तर लाख का संडे के दिन दो करोड़ ग्यारह लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते जो इस फिल्म का चौथा वीकेंड था वो चार करोड़ अट्ठानवे लाख का निकला हुआ था वीक डेज में एक करोड़ बानवे लाख एक करोड़ चौदह लाख और एक करोड़ सात लाख थर्डे चौथे थर्डे के दिन एक करोड़ पाँच लाख का, का कलेक्शन किया और अट्ठाईस दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन पाँच करोड़ और तिरतालीस सॉरी पाँच करोड़ और तिरानवे लाख का कलेक्शन करके दिखाया और उसके बाद इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पाँचवें वीक में सात करोड़ पचास लाख का छठे वीक में चार करोड़ का सातवें वीक में एक करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था इंडिया का वो पाँच करोड़ तिरानवे लाख का निकला हुआ था और इसका जो ग्रोथ कलेक्शन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ था छः करोड़ बयासी लाख का और इसमें भी फिल्म काफ़ी धमाकेदार चली थी जिसके चलते दो करोड़ उन लाख का कलेक्शन ओवरसीज से इस फिल्म ने निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल

और इसके बाद में इस फिल्म को नेटफ्लिक्स ओ टी टी भी रिलीज़ किया गया था वहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ पे एक एक्सटेंडेड वर्जन रिलीज़ किया गया था फिल्म में कुछ आठ दस मिनट कट किए हुए थे जो शूट किया हुआ था उसमें वो वर्जनस भी एड किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छी एक्सटेंडेड वर्जन वाली रिलीज नेटफ्लिक्स के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में दि, दिलाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म को अगर आपको फ़िलहाल में ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को आप आसानी से इन्जॉय कर सकते हो एक्सटेंडेड वर्जन में जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम वर्जन में ये फिल्म एनिमल नाम के साथ अवेलेबल की हुई है इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स और मैक्स एच के ऊपर यू ए सर्टिफिकेट के साथ देखने को मिलेगा जहाँ पे कुछ सीन्स को कट ऑफ किया हुआ है तो वहाँ पर इस फिल्म का एक टेलीविज़न वर्ज़न आप इन्जॉय कर सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एनिमल फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम वर्जन में देख सकते हो फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको सोने मैक्स और सोने मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा लेकिन वहाँ पर कट डाउन वर्जन देखने को मिलेगा फिल्म को ए टू यू सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके रिलीज़ करवाया हुआ है तो वहाँ पर वो वर्ज़न आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से एनिमल फिल्म का आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में एंजॉय कर पाओगे एनिमल जो 2023 हजार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में बनाया गया था जहाँ पे ये सभी वर्जन से उसके साथ इस फिल्म को रिलीज थिएट्रिकली किया गया था एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को डायरेक्ट किया संदीप रेड्डी वांगा ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी जगह पर संदीप रेड्डी वांगा ने काम किया हुआ था जहाँ पे स्क्रीन प्ले में उनको प्रणय रेड्डी वांगा सुरेश बंदारू ने उनको मदद की हुई थी स्टोरी थी वो संदीप रेड्डी वांगा की खुद की थी उसके ऊपर डायलॉग से उसमें सौरभ गुप्ता ने मदद की हुई थी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार प्रणय रेड्डी वांगा कृष्ण कुमार मुराद खेतानी ने इस फिल्म को टी सीरीज वन स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीब हंड्रेड करोड़ के बजट में बनाया हुआ था इस फिल्म के साथ बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए थे जैसे कि ए फिल्म श्री वेंटेश्वर क्रिएशन ए पी इंटरनेशनल ई फॉर एंटरटेनमेंट और केवी एन प्रोडक्शन जिन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म का दो सौ एक मिनट का रन टाइम करवाया गया था जहाँ पे इस फिल्म को अनकट वर्जन के साथ एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था इसका मतलब कि फिल्म करीबन तीन घंटे की मिनट लंबी थी लेकिन जब इस फिल्म को टी टी रिलीज करने की बारी आई तो उसमें करीबन कुछ मिनट्स जो कट किए हुए थे उसको भी एड करके एक एक्सटेंडेड एक एक वर्जन रिलीज किया हुआ था एनिमल फिल्म का तो इस तरह से एनिमल फिल्म के कुछ जो कटिंग वर्जन थे उसको एड करके इसमें साथ ही में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कास्ट काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी उससे पहले टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत कर लेते हैं फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी अमित रॉय ने की हुई है एडिटिंग संदीप रेड्डी वांगा ने खुद किए हुए हैं जिन्होंने दो सौ एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है वायलेंस और कुछ ऐसे सीन्स थे उसके चलते इस फिल्म को एडर सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स थे जयमेट विशाल मिश्रा जानी मनन भाजवा श्रेयस प्राणी कासिम केमसन हर्षवर्धन रामेश्वर एयर एहमान और भूपिंदर बबल ने कंपोज किए हुए थे अलग अलग गानों को लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर था वो सिर्फ हर्षवर्धन रामेश्वर के द्वारा कंपोज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए थे सभी वर्जन के लिए कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं रणबीर कपूर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने दो रोल प्ले किए हुए रणविजय सिंह यानी कि विजय का इस, इसके अलावा अहमद इबन उमर यानी कि यंग विजय का रोल प्ले उन्होंने किया हुआ था अहमद इबन उमर ने इसके अलावा अजीज हक का जो किरदार था वो रोल भी रणबीर कपूर ने प्ले किया जो फिल्म के इनमें

अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के दूसरे एक्टर्स के बारे में जैसे कि सुरेश ओबेरा ने राजधीर दोमाल सिंह दादाजी का रोल प्ले किया था जो विजय के ग्रैंडफादर और बलबीर के फादर का रोल था सौरभ सदेवा इस फिल्म में आबिद हक का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो अबरार के भाई का रोल था सलोनी बत्रा ने रीत सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की एल्डर सिस्टर और वरुण की वाइफ का रोल था बलबीर और ज्योति के एल्डर चाइल्ड का रोल था एल्डेस्ट चाइल्ड का निविन वेद ने यंग रीत का रोल प्ले किया हुआ अंशुल चौहान रूप सिंह में देखने को मिले गिरुन सिंह के रोल में जो बलबीर और ज्योति की यंगेस्ट चाइल्ड है विजय और रीत की यंगर सिस्टर है यवा चिब्बन उसका यंग वर्जन प्ले किया हुआ था इसके अलावा सिद्धार्थ कार्निक ने वरुण प्रताप मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का ब्रदर इन लो है रीत का हस्बैंड है और बलबीर का सन इन लो है तो मगन्ती श्रीनाथ भी देखने को मिलते कार्तिक के रोल में जो गीतांजलि का एल्डर ब्रदर है और विजय का फ्रेंड है इसके अलावा उपेंद्र हिमाए भी आपको एक इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं इंटरवल सीक्वेंस में जो उनका किरदार है उसका नाम है फ्रेडी विल्ड फ्रेड, फ्रेड पाटिल वो रोल नजर आएगा आपको इसके अलावा इस फिल्म में आपको मेथ्यू वर्गेस देखने को मिलेंगे श्रीपाद बालाजी अयंगर यानी कि कार्तिक गीतांजलि के फादर का रोल था वो इंदिरा कृष्णन वाला जो रोल था उसका नाम था कासिया मोती का एस अयंगर जो कार्तिक और गीतांजलि की माँ का रोल था कृणाल ठाकुर ने इस फिल्म में गीतांजलि के फ्योन्यान माए गोड है डॉक्टर अमृता का रोल प्ले करते नजर आएंगे देवी अग्रवाल इस फिल्म में संग्राम सिंह का रोल प्ले करते नज़र आएंगे जो विजय और द के, के कजिन और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन है विवेक शर्मा ने इस फिल्म में पाली सिंह का रोल प्ले किया जो विजय के कज़िन और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन का रोल था ठीक उसी तरह का गणदीप सिंह आपको सनी सिंह में देखने को मिलेंगे कवा कवालप्रीत सिंह ने विक्रम सिंह का रोल प्ले किया हुआ अनमोल जोत सिंह ने गुरु सिंह का रोल प्ले किया हुआ मनजोत सिंह ने राजबीर यानी कि रॉयल सिंह का रोल प्ले किया हुआ अवदीप सिंधु ने मंजोत सिंह का रोल प्ले किया है कमलजीत राणा ने बाली सिंह का रोल प्ले किया गुरसेवक सिंह मंदर इस फिल्म में कृपाल सिंह यानी कि के के रोल में देखने को मिलेंगे बुट्टा बदबार ने इसमें बुट्टा सिंह का रोल प्ले किया हुआ है सबाना हारून इस फिल्म में नीलूफर रहमानी का रोल प्ले करते नजर आएंगे इसके पहले के जितने भी जो भाइयों का नाम लिया हुआ है मैंने वो सभी विजय के कजिन्स थे और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन्स थे इसके अलावा इस फिल्म में सबाना हारोना नीलफू नीलूफ़र रहमान यानी कि अब्रार की, की फ़र्स्ट वाइफ का रोल प्ले करते नज़र आएंगे सबीना शाह ने इस फिल्म में मेहरुनीजा बेग का रोल प्ले किया जो अब्रार हक के सेकंड वाइफ का रोल था मानसी टेक्सक ने उम ई हानी फेरेन का रोल प्ले किया हुआ जो थर्ड वाइफ है अब्रार हक की और फ्यूचर वाइफ होगी आशीष हक की जो आयन में आपको दिखाया जाता है वो वाला सीन तेना अजदाउदीन ने इस फिल्म में सिरिन बहार का रोल प्ले किया हुआ है जो जमाल कुडू में सिंगर का काम रोल प्ले करते नजर आए हुए अभी राकेजा रूप के हस्बैंड का रोल प्ले करते नजर आएंगे सनवीर सजदेवा ने रणवीजे के, के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है माइडिड ग्रोवर ने इस फिल्म में रणवीजे के डॉटर का रोल प्ले किया है सरताज कक्कर ने रीत के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में आपको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें सेप्टेम्बर दो में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि संदीप रेड्डी वांगा बॉलीवुड में एक फिल्म लेके आने वाले कबीर सिंह के बाद जहां पे उनके साथ शायद आपको भूषण कुमार मुराद खेतानी अश्विनावार देखने को मिल सकते हैं और इन सभी चीजों के ऊपर लेटर ऑन कन्फर्मेशन भी मिली थी दस अक्टूबर को संदीप रेड्डी वांगा ने भद्रकाली पिक्चर जो उनके की प्रोडक्शन कंपनी है वो वहाँ से उन्होंने एक एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी कि वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे उसके साथ में उनको बेक करेंगे बॉलीवुड्स की कुछ प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि सिनेमा स्टूडियोज टी सीरीज़ तो उनके साथ मिलकर एक हाई एंड बजट वाली फिल्म बनाने वाले पर कुछ सोर्सेज से दिसंबर महीने में दो में पता चला था कि शायद रणबीर कपूर उसमें लीड रोल प्ले कर सकते है ये कोई <coughs> एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है वायलेंस वाली तो वो सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई थी जून 2020 की बात है संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर के बीच में इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी इससे पहले उनकी इस फिल्म के नेरेटिंग के ऊपर स्क्रिप्टिंग ये सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि इस फिल्म का टाइटल शायद डेविल होने वाला है अनिल कपूर भी इस फिल्म के पार्ट होने वाले उसके बाद में तो एक अनाउंसमेंट भी हुई थी पब्लिक अनाउंसमेंट एक जनवरी दो को उस अनाउंसमेंट में टाइटल और क्रो मेंबर के नाम दिए गए थे टाइटल लोगो भी गया था और बैकग्राउंड स्कोर सामने रखा गया था मेन थीम तो उसमें बताया गया था कि रणबीर कपूर लीड रोल में होंगे अनिल कपूर उनके फादर का रोल प्ले करेंगे परिणीति चोपड़ा रणबीर के लव इंटरेस्ट या उनके वाइफ का रोल प्ले करते नजर आएंगे और वो भी और को इस फिल्म में एक मेन एंटागोनिस का रोल मिलने वाला है तो ये सभी चीज़ें तब अनाउंस की गई थी लेटर ऑन मार्च 2022 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि रश्मि का आए इस फिल्म में कुछ आइटम नंबर प्ले कर सकते हैं लेटर ऑन कुछ चीज़ें ऐसे सामने निकल के आई कि वो कोई आइटम नंबर के लिए उनको अप्रोच नहीं किया गया था उनको जो अप्रोच किया गया था संदीप रेड्डी वांगा ने परिणीति चोपड़ा को जो रोल ऑफर किया था और उनके साथ कुछ थोड़े बहुत फोटो शूट सिक्वेंस शूट किए हुए थे तो उनको वो रोल के साथ वो किरदार के साथ परिणति चोपड़ा का फेस मैच नहीं हो रहा था इस वजह से उन्होंने रश्मिका को ऑफर किया है रोल और सेकंड अप्रैल को रश्मिका ने ऑफिशियली अनाउंस किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि वो इस फिल्म का पार्ट होने वाली है इस फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो मनाली में स्टार्ट की गई थी अप्रैल 2022 में फिल्म का सेकंड शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में रखा हुआ था जहां पे पटोड़ी पैलेस में इस फिल्म को जुलाई 2022 में शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म का नया एक शेड्यूल सेट किया हुआ था जो दिल्ली और पंजाब में सेट किया हुआ था और उसके बाद में मार्च 2023 तक इस फिल्म का सब अलग अलग शेड्यूल्स मिला के रैपअप किया वैसे कुछ सीन्स बाकी थे वह फॉरेन लोकेशंस के क्लाइमेक्स के और बीच के कुछ सीन्स तो उसको स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में शूट किया गया था अप्रैल महीने में जहाँ पे तो पंद्रह बीस दिनों का वो शेड्यूल था तो दो में अप्रैल में इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से रैपअप करवाई उसके बाद म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर प्रॉपर काम किया गया और फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया जहाँ पे म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो एनिमल के साउंड ट्रैक के राइट्स टी सीरीज वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ही राइट्स खरीदे हुए थे 2022 हज़ार के बीच में गाने रिकॉर्ड किए गए थे इन गानों को एक अलग अलग वजन के थ्रू रिलीज़ किया गया था फिल्म में टोटल वैसे देखा जाए तो आठ गाने सभी वर्जनस मिला ले एडिशंस मिला ले टोटल सत्रह वर्जन होते कुछ साउंड ट्रैक था बैकग्राउंड स्कोर था वो सभी चीज़ें भी फिल्म के साथ रिलीज की गई थी मेन मेन गानों की बात करें तो इस फिल्म में पहला गाना है अर्जन वेली जिसको भूपिंदर बबल ने लिखा हुआ था मनन भारद्वाज ने उसको म्यूजिक दिया था और भूपिंदर भदवल ने उसको गाया हुआ था हुआ में गाना था उसको मनोज मनोज मुत्ता सिंह ने लिखा हुआ था प्रीतम जयमेट ने म्यूजिक दिया था राघव चैतन्य ने उसको गाया हुआ था सतरंगा गाने को सिद्धार्थ गरिमा ने खाता था श्रेयस पुराने म्यूजिक दिया था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का चौथा गाना यानी कि पापा मेरी जान उसको राज शेखर ने लिखा था हर्षवर्धन रामेश्वर ने म्यूजिक दिया था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था पहले भी मैं उस गाने को राज शेखर ने लिखा था विशाल मिश्रा ने उसको म्यूजिक दिया था और विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था काश्मीर जो गाना था उसको मनन भारद्वाज ने लिखा था म्यूजिक भी उनका ही था और उनके साथ जो सिंगिंग की बात करें तो मनन भादवाज ने खुद वोकल्स दिए थे और श्रेया घोषाल ने भी उसमें फीमेल वोकल्स दिए हुए थे सारी दुनिया जला देंगे उस गाने को जानी ने म्यूजिक और कंपोज दोनों किया था लिखा हुआ था उन्होंने ही लेकिन बीपरा के पास उन्होंने गवाया था हेवान करके जो गाना था तो उसको असीम केमसन ने लिखा हुआ था वसीम केम्सन ने म्यूजिक दिया था और वसीम केम्सन ने गाया हुआ था तो इस तरह से टोटल आठ गाने थे फिल्म में मेन जिसके इकतीस मिनट और तीन सेकंड का साउंड ट्रेक तैयार हुआ था जिसको ऑफिशियली चौबीस नवंबर दो को रिलीज किया था एक डिलेक्स वर्जन भी रिलीज किया गया था जिसको पंद्रह जनवरी दो को रिलीज किया था इन गानों के बाद इस फिल्म में पापा मेरी जान का एक चाइल्ड वर्जन तैयार किया गया था रणविजय की एंट्री मेडिलिडी थे बब्रार हक का जो जमाल था भावे जाने या ना जाने करके गाना था मरहम जो पहले भीमे करके गाना था उसका वर्जन था सतरंगा जो स्क्रिप्ट वर्जन था उर्दू के के जैसा इश्क वो यानी कि कश्मीर का एक वर्जन था वो सारी दुनिया जला देंगे एक एक्सटेंडेड फिल्म वर्जन था पापा मेरी जान विसल वर्जन तो ये टोटल दूसरे कुछ तो नौ ट्रैक रिलीज़ किए गए थे तो ये सभी गानों के सत्रह गानों हुए तो उसकी लेंथ एक मिनट एक घंटे चार मिनट और छब्बीस सेकंड की हुई थी जिसको रिलीज़ किया गया था पंद्रह जनवरी दो को तो इस तरह से इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली टी सीरीज़ के द्वारा उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था

इस फिल्म की कहानी है वो रण विजय सिंह बलबीर के ऊपर पूरी तरह से फोकस करती है वो रोल रणबीर कपूर प्ले कर रहे जहाँ पे वो अपने फादर से इतना प्यार करते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं उनके फादर का रोल बलबीर सिंह प्ले कर रहे वो रोल प्ले कर रहे अनिल कपूर रणविजय सिंह अपने फादर को कुछ एक्सट्रीम लेवल के ऊपर एडोर करता हुआ नजर आता है जहाँ पे उसका प्यार है वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है उसके अलावा बलबीर सिंह एक खुद बड़े बिजनेसमैन है वो एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किए हुए हैं उनके जो बिजनेस कंपनी है उसका नाम है स्वस्तिक स्टील्स जो इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे वो अपने काम के साथ कुछ ज्यादा ही पीसी है अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहे तो इन सभी चीज़ों के चलते उन फादर सन के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टेंड एंडिंग भी चलती रहती है इसके अलावा रणविजय सिंह समय के दौरान एक लड़की के प्यार में भी पड़ता है जिसका नाम है गीतांजलि रश्मिका प्ले कर रही है उसके बाद में वो एक दूसरे के साथ रहने लगते लेटर ऑन मैरिज कर लेते हैं और उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें होती है तो एक बलबीर सिंह के ऊपर अटैक होता है जब अटैक होता है तब उस समय रणविजय सिंह वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है वो अपने पापा से इतना प्यार करता है फिर भी वो कहाँ था किस तरह से क्या हुआ था उसके साथ उसको ये सभी चीजें जब पता चलते तो अपने पापा को फिर से बचाने के लिए आ जाता है उसके पापा को गोली लगी होती है उस उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात भी बताता है जो ट्रेलर में भी आपने सुनी होगी कि वो अपने फादर को बचाने के लिए जिसने उसको मारा है उसका गला काटेगा तो उसके बाद में उन सभी चीजों के पीछे वो चला जाता है किस तरह से वो उनके आदमी को ढूंढता है उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है वो और आखिर में एंड में फिल्म में क्या होगा वही सब सवाल की जवाब फिल्म की कहानी बनाती है डेफिनेटली इस फिल्म में जिस तरह से जो टाइटल रोल लिखा गया था टाइटल रोल ही कह सकते हैं क्योंकि जो एनिमल है मेन एनिमल तो इस फिल्म में रणबीर कपूर के किरदार को ही दिखाया है रणवीर जय को मेन एंटागोनिस्ट से यानी कि बॉबी देओल वो भी एक मेन विलन का भी एक एनिमल टाइप काइंड ऑफ टाइप ही था तो थोड़ा साइकिक टाइप का भी वह इस फिल्म में आपको फिल्म कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिस तरह से रणबीर कपूर ने उस किरदार में काम किया हुआ है उसके अलावा आप शायद कोई दूसरे एक्टर को सोच भी नहीं पाओगे इमेजिन नहीं कर पाओगे उस तरह का उन्होंने काम दिया हुआ है जिस तरह से उन्होंने उसमें एक वाइल्डनेस लाई हुई है जो डायलॉग डिलीवरी थी जिस कन्विक्सन के साथ वो इस फिल्म के किरदार को पुल ऑफ करते हुए नजर आए इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर ने उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाए हुए वैसे रणबीर काफ़ी बढ़िया एक्टर है लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस था और बेहतर करने में संदीप रेड्डी वांगा ने उनको मदद की हुए इस इसी परफॉर्मेंस निकलवाई हुए उनकी परफॉर्मेंस करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाएगी फिलहाल में अभी तक की जितनी भी उन्होंने फिल्में किए हैं उसमें जहाँ पर रणवीर कपूर का अगर आप फैन ना भी होगे फिर भी अगर थिएटर में या इस फिल्म को आपने एक बार भी मोबाइल या थिएटर में देखा होगा ओ टी पे तो डेफिनेटली आप इस फिल्म में उनका जो काम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आएगा और क्लाइमेक्स में जिस तरह से काम किया हुआ है जिस तरह से इंटरवल सीन्स आते हैं वहां पे उनका काम देखने को मिलता है तो आप उनसे ऑटोमेटिक

किया हुआ था उस हाई मोमेंट पे चीजें काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है इंटरनल सिक्वेंस की वो फाइट सिक्वेंस जिस तरह से उसकी कोरियोग्राफी थी उसमें भी गन दिखाई गई है उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था इसके अलावा वहाँ पर जो कुछ डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट की हुई थी उन सभी चीज़ों को बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के डल से डल मोमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था वैसे फिल्म में कोई डल मोमेंट्स वैसे थे नहीं लेकिन जिस तरह से चीजें जो देख देखने को मिलती है बैकग्राउंड उसको, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है एक अच्छा खासा सपोर्ट देता हुआ नजर आता है रश्मिका मंदना ने डेफिनेटली अपना काम बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है उनकी जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है रणबीर कपूर के साथ वो बढ़िया तरीके से नजर आई हुई है इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो गाने डाले हुए उसका जिस तरह से यूज़ किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था अनिल कपूर का जो काम है वो आपको काफ़ी बढ़िया नज़र आएगा ठीक उसी तरह बॉबी देअल काफ़ी शानदार रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं हाँ उनका किरदार छोटा था उसको और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जिस तरह से रणबीर कपूर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उस तरह से मे भी जब सेकेंड हाफ में बॉबी देअल को इंट्रोड्यूस किया था साथ ही में उसका एक छोटा सा दस पंद्रह मिनट का एक बेकअप स्टोरी दिखाना चाहिए था जिसके चलते फिल्म में एक और इंटरेस्ट बढ़ सकता था

फिल्म एक पॉइंट के बाद जो इंटरवल के पहले जो एक लीनियर नॉन लीनियर तरीके से चलती रहती है इसके चलते एक इंटरेस्ट बना रहता है इंटरवल के बाद जब का इस फिल्म को सेकंड हाफ में लाया जाता है उसके बाद में ये फिल्म एक सिंपल बेसिक फॉर्मेट के थ्रू स्टोरी लाइन हमारे सामने पेश की जाती है लीनियर तरीके से तो वहाँ पर प्रिडिक्टेबल कहानी थोड़ी हो जाती है अदरवाइज फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए हुए हैं सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है एक्शन सिक्वेंस को तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ इन सभी चीज़ों सिनेमेटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग बढ़िया थी डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर काफी दमदार था गाने फिल्म के काफी अच्छे थे जो फिल्म के सफेद नजर आते बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मदद करता है एडिटिंग फिल्म की काफी बढ़िया थी हाँ तीन सवा तीन घंटे की फिल्म थी कुछ सीन शो ऑफ कर देते बढ़िया रहता लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी फिल्म थी जहां पे चल जाता है उतना कुछ थोड़ा बहुत रहे तो भी इसके अलावा डायरेक्टर राइटर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एक बार फिर से जिस तरह से अनकन्वेंशनल एक एक्शन ड्रामा डिलीवर किया हुआ है वो डेफिनेटली पसंद आएगा फर्स्ट हाफ उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से कच्चे पेस के साथ चलाया हुआ है जहां पे काफी सारा ड्रामा भी दिखाया कुछ एक्शन मोमेंट्स भी दिखाया है कॉन्फ्लिक्ट था वो पेश किया हुआ है तो ये सभी चीजें फिल्म के साथ काफी बढ़िया तरीके से जाती है रणबीर कपूर का कैरेक्टराइजेशन काफी अच्छी तरह से किया हुआ था वो सभी चीजें भी देखने में काफी मजा आता है तो ओवरऑल ये सभी चीजें जो फिल्म के साथ आपको आसानी से बनाए रखती है एनिमल फिल्म को आप आसानी से देख सकते हो एनिमल फिल्म को थिएट्रिकली एक दिसंबर 2023 को तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पांस था लेकिन ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस था फिल्म ने आईएमडी पे करीबन पैंसठ हज़ार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया होता उसके चलते इस फिल्म ने अपने पहले दिन फ्राइडे के दिन सिक्सटी करोड़ का इंडिया से नेट कलेक्शन किया था सिक्सटी करोड़ का इंडिया से सेकेंड डे के ऊपर इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया थर्ड डे में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बना रहा हो सेवेंटी सिक्स नाइन करोड़ का नेट कलेक्शन किया था इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन दो सौ एक पॉइंट छिहत्तर करोड़ का इंडिया से निकल के आया हुआ था वीक डेज में फिल्म काफी मजबूत रही थी मंडे के दिन चौवालीस करोड़ सैंतीस लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन तैंतीस करोड़ बयासी लाख का और वेनर्डे के दिन तीस करोड़ पैंतीस लाख और थर्सडे के दिन चौबीस करोड़ और तेरह लाख का कलेक्शन निकला हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने अपने पहले वीक में करीबन तीन करोड़ तिरसठ लाख का कलेक्शन करके दिखाया सेकंड वीकेंड में भी ये फिल्म मजबूत रही थी पे सेकंड फ्राइडे के ऊपर इस फिल्म ने थ्री पॉइंट का नेट कलेक्शन किया हुआ था वीकेंड था के, ने के आसपास का इंडिया से नेट कलेक्शन में निकला हुआ था डेज में जैसे कि मंडे थर्सडे में इस फिल्म ने चौदह करोड़ बत्तीस लाख बारह करोड़ सैंतीस लाख नौ करोड़ सत्तासी लाख और आठ करोड़ छप्पन लाख जितना कलेक्शन किया और चौदह दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन चार सौ उन्द्र करोड़ का नेट कलेक्शन किया तो सेकंड वीक का कलेक्शन इक्यावन करोड़ रहा था थर्ड वीक में भी ये फिल्म ने जो अपना दम था बनाए रखा था नई रिलीज डेफिनेटली हुई थी फिल्म की लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म अच्छी तरह से बनी रही थी थर्ड फ्राइडे पे आठ करोड़ पिचासी लाख थर्ड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म ने बारह करोड़ अस्सी लाख थर्ड संडे के ऊपर तेरह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया तीसरा वीकेंड फिल्म का चौतीस करोड़ पचानवे लाख का रहा जहां पे डेज में मंडे के दिन इस फिल्म ने करीबन पाँच करोड़ पचपन लाख का कलेक्शन किया थर्ड ट्यूजडे के दिन पाँच करोड़ चालीस लाख का थर्ड वेनसडे के दिन पांच करोड़ का और थर्सडे के दिन दो करोड़ तिहत्तर लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने अपने तीसरे वीक में तिरपन करोड़ तिरसठ लाख का कलेक्शन किया और तीन वीक के अंदर इस फिल्म ने टोटल पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में जब फिल्म आई वहाँ से बाद में कई सारे फिल्म की रिलीजें और भी जुड़ी हुई थी जिसके चलते फिल्म ने थोड़ा सा स्लो डाउन किया वैसे देखा जाए तो चौथे वीक वीक के, के हिसाब से फिल्म ने वहाँ पर भी एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था यहाँ पे चौथे फ्राइडे के दिन एक करोड़ ग्यारह लाख का सैटरडे के दिन एक करोड़ छिहत्तर लाख का संडे के दिन दो करोड़ ग्यारह लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते जो इस फिल्म का चौथा वीकेंड था वो चार करोड़ अट्ठानवे लाख का निकला हुआ था वीक डेज में एक करोड़ बानवे लाख एक करोड़ चौदह लाख और एक करोड़ सात लाख थर्डे चौथे थर्डे के दिन एक करोड़ पाँच लाख का, का कलेक्शन किया और अट्ठाईस दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन पाँच करोड़ और तिरतालीस सॉरी पाँच करोड़ और तिरानवे लाख का कलेक्शन करके दिखाया और उसके बाद इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से पांचवी वीक में सात करोड़ पचास लाख का छठे वीक में चार करोड़ का सातवें वीक में एक करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था इंडिया का वो पाँच करोड़ तिरानवे लाख का निकला हुआ था और इसका जो ग्रोस कलेक्शन होता है वो भी काफी ज्यादा निकला हुआ था छह करोड़ बयासी लाख का ओवरसी में भी फिल्म काफी धमाकेदार चली थी जिसके चलते दो करोड़ उन पचास लाख का कलेक्शन ओवरसीज से इस फिल्म ने निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल

और इसके बाद में इस फिल्म को नेटफ्लिक्स ओ टी टी भी रिलीज किया गया था वहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ पे एक एक्सटेंडेड वर्जन रिलीज किया गया था फिल्म में कुछ आठ दस मिनट कट किए हुए थे जो शूट किया हुआ था उसमें वो वर्जन भी ऐड किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छी एक्सटेंडेड वर्जन वाली रिलीज नेटफ्लिक्स के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में दि, दिलाई गई थी जहाँ पर इस फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर इस फिल्म को आप आसानी से इन्जॉय कर सकते हो एक्सटेंडेड वर्जन में जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम वर्जन में ये फिल्म एनिमल नाम के साथ अवेलेबल की हुई है इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल सोनीमैक्स और सोनीमैक्स एच डी के ऊपर यू सर्टिफिकेट के साथ देखने को मिलेगा जहाँ पे कुछ सीन्स को कट ऑफ किया हुआ है तो वहाँ पर इस फिल्म का एक टेलीविजन वर्जन आप इन्जॉय कर सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एनिमल फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम वर्जन में देख सकते हो फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा लेकिन वहाँ पर कट डाउन वर्जन देखने को मिलेगा फिल्म को ए टू यू सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके रिलीज़ करवाया हुआ है तो वहाँ पर वो वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से एनिमल फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेज में इन्जॉय कर पाओगे एनिमल जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में बनाया गया था जहाँ पे ये सभी वर्जन से उसके साथ इस फिल्म को रिलीज थिएट्रिकली किया गया था एडल सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को डायरेक्ट किया संदीप रेड्डी वांगा ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी जगह पर संदीप रेड्डी वांगा ने काम किया हुआ था जहाँ पे स्क्रीन प्ले में उनको प्रणय रेड्डी वांगा सुरेश बंदारू ने उनको मदद की हुई थी स्टोरी थी वो संदीप रेड्डी वांगा खुद की थी उसके ऊपर डायलॉग से उसमें सौरभ गुप्ता ने मदद की हुई थी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार प्रणय रेड्डी वांगा कृष्ण कुमार डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए थे जैसे कि फिल्म श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन फॉर एंटरटेनमेंट और केवी एन प्रोडक्शन जिन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म का 201 मिनट रन टाइम करवाया गया था पे इस फिल्म को अनकट वर्जन के साथ एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था इसका मतलब कि फिल्म करीबन तीन घंटे इक्कीस मिनट लंबी थी लेकिन जब इस फिल्म को टी टी रिलीज करने की बारी आई तो उसमें करीबन कुछ मिनट्स जो कट किए हुए थे उसको भी एड करके एक एक्सटेंडेड एक एक वर्जन रिलीज किया हुआ था एनिमल फिल्म का तो इस तरह से एनिमल फिल्म के कुछ जो कटिंग वर्जन थे उसको एड करके इसमें साथ ही में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कास्ट काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी उससे पहले टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत कर लेते हैं फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी अमित रॉय ने की हुई है एडिटिंग संदीप रेड्डी वांगा ने खुद किए हुए जिन्होंने दो सौ एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है वायलेंस और कुछ ऐसे सीन्स थे उसके चलते इस फिल्म को एडिटर सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स थे उज्जयट विशाल मिश्रा जानी मनन भाजवा श्रेयस प्राणिक असिम केमसन हर्षवर्धन रामेश्वर ए आर और भूपिंदर बबल ने कम्पोज किए हुए थे अलग अलग गानों को लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर था वो सिर्फ हर्षवर्धन रामेश्वर के द्वारा कंपोज किया हुआ था जहां पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए थे सभी वर्जन के लिए कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते थे रणबीर कपूर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने दो रोल प्ले किए हुए रणविजय सिंह यानी कि विजय का इस, इसके अलावा अहमद इबन उमर यानी कि यंग विजय का रोल प्ले उन्होंने किया हुआ था अहमद इबन उमर ने इसके अलावा अजीज हक का जो किरदार था वो रोल भी रणबीर कपूर ने प्ले किया जो फिल्म के एंड में

क्या हुआ जो बलबीर सिंह की वाइफ और रीत की विजय और रूप की माँ का रोल था इसके अलावा बबलू पृथ्वीराज इस प्रेम चोपड़ा ने दलबीर दोदामल सिंह बड़े दाजी का रोल प्ले किया हुआ है जिसमें रणधीर के एल्डर ब्रदर का जो किरदार था वो उनका ही था मधु राजा ने इस फिल्म में रानी कौर यानी बीजी का रोल प्ले किया दलधीर सिंह की वाइफ का रोल था अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के दूसरे एक्टर्स के बारे में जैसे कि सुरेश ओबेरा ने राजधीरे दोदमाल सिंह दादाजी का रोल प्ले किया था जो विजय के ग्रैंडफादर और बलबीर के फादर का रोल था सौरभ सदेवा इस फिल्म में आबिद हक का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो अबरार के भाई का रोल था सलोनी बत्रा ने रीत सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की एल्डर सिस्टर और वरुण की वाइफ का रोल था बलबीर और ज्योति के एल्डर चाइल्ड का रोल था एल्डेस्ट चाइल्ड का निविन वेद ने यंग रीत का रोल प्ले किया है अंशुल चौहान रूप सिंह में देखने को मिलेगी गिरुम सिंह के रोल में जो बलबीर और ज्योति की यंगेस्ट चाइल्ड है विजय और रीत की यंगर सिस्टर है ईवा वाचि बने उसका यंग वर्जन प्ले किया हुआ था इसके अलावा सिद्धार्थ कार्निक ने वरुण प्रताप मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का ब्रदर इन लो है रीत का हस्बैंड है और बलबीर का सन इन लो है तो मगन्ती श्रीनाथ भी देखने को मिलते कार्तिक के रोल में जो गीतांजलि का एल्डर ब्रदर है और विजय का फ्रेंड है इसके अलावा उपेंद्र हिमाएँ भी आपको एक इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं इंटरवल सीक्वेंस में जो उनका किरदार है उसका नाम है फ्रेडी विल्ड फ्रेड पाटिल वो रोल दे नजर आएगा आपको इसके अलावा इस फिल्म में आपको मेथ्यू वर्गेस देखने को मिलेंगे श्रीपाद बालाजी अयंगर यानी कि कार्तिकी गीतांजलि के फादर का रोल था वो इंदिरा कृष्णन वाला जो रोल था उसका नाम था मोती का, का एस अयंगर जो कार्तिक और गीतांजलि की माँ का रोल था कृणाल ठाकुर ने इस फिल्म में गीतांजलि के का रोल प्ले फ्योन्यान माए गोड बॉल डॉक्टर अमृता का रोल प्ले करते नजर आएंगे देवी अग्रवाल इस फिल्म में संग्राम सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो विजय और द के कज़िन और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन है विवेक शर्मा ने इस फिल्म में पाली सिंह का रोल प्ले किया जो विजय के कज़िन और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन का रोल था ठीक उसी तरह गगनदीप सिंह आपको सनी सिंह में देखने को मिलेंगे कवा कवालप्रीत सिंह ने विक्रम सिंह का रोल प्ले किया हुआ अनमोल जोत सिंह ने गुरु सिंह का रोल प्ले किया है मनजोत सिंह ने राज राजवीर यानी कि रॉयल सिंह का रोल प्ले किया हुआ अवदीप सिंधु ने मंजोत सिंह का रोल प्ले किया है कमलजीत राणा ने बाली सिंह का रोल प्ले किया गुर सेवका सिंह मंदर इस फिल्म में कृपाल सिंह यानी कि यान के पी के रोल में देखने को मिलेंगे बुट्टा बदबार ने इसमें बुट्टा सिंह का रोल प्ले किया हुआ है सबाना हारून इस फिल्म में नीलूफर रहमानी का रोल प्ले करते नजर आएंगे इसके पहले के जितने भी जो भाइयों का नाम लिया हुआ है मैंने वो सभी विजय के कजिन्स थे और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन्स थे इसके अलावा इस फिल्म में सबाना हारोना नीलफू नीलूफ़र रहमान यानी कि अब्रार की, की फ़र्स्ट वाइफ का रोल प्ले करते नजर आएंगे सबीना शाह ने इस फिल्म में मेहरुनीजा बेग का रोल प्ले किया जो अब्रार हक के सेकंड वाइफ का रोल था मानसी टेक्सक ने उम ई हानी फेरेन का रोल प्ले किया हुआ जो थर्ड वाइफ है अब्रार हक की और फ्यूचर वाइफ होगी आशीष हक की जो आयन में आपको दिखाया जाता है वो वाला सीन तैनाअदाउदी ने इस फिल्म में सिरिन बहार का रोल प्ले किया हुआ है जो जमाल कुडू में सिंगर का काम का रोल प्ले करते नजर आए हुए अभी राखेजा रूप के हस्बैंड का रोल प्ले करते नजर आएंगे सनवीर सदेवा ने रणवी जी के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है मायरिड ग्रोवर ने इस फिल्म में रणवी जी के डॉटर का, का, का रोल प्ले किया हुआ है सरताज कक्कर ने रीत के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में आपको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें सेप्टेम्बर दो में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि संदीप रेड्डी वांगा बॉलीवुड में एक फिल्म लेके आने वाले कबीर सिंह के बाद जहाँ पे उनके साथ शायद आपको भूषण कुमार, मुराद खेतान या अश्विनी नवाडे देखने को मिल सकते हैं और इन सभी चीजों के ऊपर लेटर ऑन कंफर्मेशन भी मिली थी 10 अक्टूबर को संदीप रेड्डी वांगा ने बदरा काली पिक्चर जो के कोन की प्रोडक्शन कंपनी है वो वहाँ से उन्होंने एक एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी कि वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे उसके साथ में उनको बेक करेंगे बॉलीवुड्स की कुछ प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि सिनेमा स्टूडियोज टी सीरीज तो उनके साथ मिलकर एक हाई एंड बजट वाली फिल्म बनाने वाले पर कुछ सोर्सेज से, सोर्से से दिसंबर महीने में दो में पता चला था कि शायद रणबीर कपूर उसमें लीड रोल प्ले कर सकते है ये कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है वायलेंस वाली तो वो सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई थी जून 2020 की बात है संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर के बीच में इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी इससे पहले उनकी इस फिल्म के नेरेटिंग के ऊपर स्क्रिप्टिंग ये सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि इस फिल्म का टाइटल शायद डेविल होने वाला है अनिल कपूर भी इस फिल्म के पार्ट होने वाले उसके बाद में तो एक अनाउंसमेंट भी हुई थी पब्लिक अनाउंसमेंट एक जनवरी दो को उस अनाउंसमेंट में टाइटल और क्रो मेंबर के नाम दिए गए थे टाइटल लोगों भी गया था और बैकग्राउंड स्कोर सामने रखा गया था मेन थीम तो उसमें बताया गया था कि रणबीर कपूर लीड रोल में होंगे अनिल कपूर उनके फादर का रोल प्ले करेंगे परिणीति चोपड़ा रणबीर के लव इंटरेस्ट या उनके वाइफ का रोल प्ले करते नजर आएंगे और वो भी दिन को इस फिल्म में एक मेन इंटागोनिस का रोल मिलने वाला है तो ये सभी चीज़ें तब अनाउंस की गई थी लेटर ऑन मार्च 2022 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि रश्मि का मंदिर आए इस फिल्म में कुछ आइटम नंबर प्ले कर सकते हैं लेटर ऑन कुछ चीज़ें ऐसे सामने निकल के आई कि वो कोई आइटम नंबर के लिए उनको अप्रोच नहीं किया गया था उनको जो अप्रोच किया गया था संदीप रेड्डी वांगा ने परिणीति चोपड़ा को जो रोल ऑफर किया था और उनके साथ कुछ थोड़े बहुत फोटो सीन सिक्वेंस शूट किए हुए थे तो उनको वो रोल के साथ वो किरदार के साथ परिणति चोपड़ा का फेस मैच नहीं हो रहा था इस वजह से उन्होंने रश्मिका को ऑफर किया है रोल और सेकंड अप्रैल को रश्मिका ने ऑफिशियली अनाउंस किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि वो इस फिल्म का पार्ट होने वाली है इस फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो मनाली में स्टार्ट की गई थी अप्रैल 2022 में फिल्म का सेकंड शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में रखा हुआ था जहां पे पटोड़ी पैलेस में इस फिल्म को जुलाई 2022 में शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म का नया एक शेड्यूल सेट किया हुआ था जो दिल्ली और पंजाब में सेट किया हुआ था और उसके बाद में मार्च 2023 तक इस से फिल्म का सब अलग अलग शेड्यूल्स मिला के रेपअप किया वैसे कुछ सीन्स बाकी थे वो फॉरेन लोकेशंस के क्लाइमेक्स के और बीच के कुछ सीन्स तो उसको स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में शूट किया गया था अप्रैल महीने में जहाँ पे तो पंद्रह बीस दिनों का वो शेड्यूल था तो दो में अप्रैल में इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से रेपअप करवाई उसके बाद म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर प्रॉपर काम किया गया और फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया जहाँ पे म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो एनिमल के साउंड ट्रैक के राइट्स टी सीरीज के को प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ही राइट्स खरीदे हुए थे दो हज़ार के बीच में गाने रिकॉर्ड किए गए थे इन गानों को एक अलग अलग वजन के थ्रू रिलीज किया गया था फिल्म में टोटल वैसे देखा जाए तो आठ गाने सभी वर्जन्स मिला ले एडिशंस मिला ले टोटल सत्रह वर्जन होते कुछ साउंड ट्रैक था बैकग्राउंड स्कोर था वो सभी चीज़ें भी फिल्म के साथ रिलीज़ की गई थी मेन मेन गानों की बात करें तो इस फिल्म में पहला गाना है अर्जन वेली जिसको भूपिंदर बबल ने लिखा हुआ था मनन भारद्वाज ने उसको म्यूजिक दिया था और भूपिंदर बदवल ने उसको गाया हुआ था हुआ में गाना था उसको मन मनोज मुत्ता सिंह ने लिखा हुआ था प्रीतम जयमेठ ने म्यूजिक दिया था राघव चैतन्य ने उसको गाया हुआ था सतरंगा गाने को सिद्धार्थ गरिमा ने हा था श्रेयस पुराने ने म्यूजिक दिया था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का चौथा गाना यानी कि पापा मेरी जान उसको राज शेखा ने लिखा था हर्षवर्धन रामेश्वर ने म्यूज़िक दिया था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था पहले भी में उस गाने को राज शेखा ने लिखा था विशाल मिश्रा ने उसको म्यूजिक दिया था और विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था काश्मीर जो गाना था उसको मनन भारद्वाज ने लिखा था म्यूजिक भी उनका ही था और उनके साथ जो सिंगिंग की बात करें तो मनन भाजवाज ने खुद वोकल्स दिए थे और श्रेया घोषाल ने भी उसमें फीमेल वोकल्स दिए हुए थे सारी दुनिया जला देंगे उस गाने को जानी ने म्यूजिक और कंपोज दोनों किया था लिखा हुआ था उन्होंने ही लेकिन बीपरा के पास उन्होंने गवाया था हेवान करके जो गाना था तो उसको असीम केमसन ने लिखा हुआ था वसीम केमसन ने म्यूजिक दिया था और असीम केमसन ने गाया हुआ था तो इस तरह से टोटल आठ गाने थे फिल्म में मेन जिसके इकतीस मिनट और तीन सेकंड का साउंड ट्रक तैयार हुआ था जिसको ऑफिशियली चौबीस नवंबर दो को रिलीज किया था एक डिलेक्स वर्जन भी रिलीज किया गया था जिसको पंद्रह जनवरी दो को रिलीज किया था इन गानों के बाद इस फिल्म में पापा मेरी जान का एक चाइल्ड वर्जन तैयार किया गया था रणविजय की एंट्री मेडिलिटी थे हक का जो जमाल कुू था भावे जाने या ना जाने करके एक गाना था मरहम जो पहले भीमे करके गाना था उसका वर्जन था सतरंगा जो स्क्रिप्ट वर्जन था उर्दू के के जैसा इश्क वो यानी कि कश्मीर का एक वर्ज़न था वो सारी दुनिया जला देंगे एक एक्सटेंडेड फिल्म वर्जन था पापा मेरी जान विसल वर्जन तो ये टोटल दूसरे कुछ आ, तो नौ ट्रैक रिलीज़ किए गए थे तो ये सभी गानों के सत्रह गानों हुए तो उसकी लेंथ एक मिनट एक घंटे चार मिनट और तो छब्बीस सेकंड की हुई थी जिसको रिलीज़ किया गया था पंद्रह जनवरी दो को तो इस तरह से इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली टी सीरीज़ के द्वारा उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जनस के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था

इस फिल्म की कहानी है वो रण विजय सिंह बलबीर के ऊपर पूरी तरह से फोकस करती है वो रोल रणबीर कपूर प्ले कर रहे जहाँ पे वो अपने फादर से इतना प्यार करते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं उनके फादर का रोल बलबीर सिंह प्ले कर रहे वो रोल प्ले कर रहे अनिल कपूर रणविजय सिंह अपने फादर को कुछ एक्सट्रीम लेवल के ऊपर एडोर करता हुआ नजर आता है जहाँ पे उसका प्यार है वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है उसके अलावा बलबीर सिंह एक खुद बड़े बिजनेसमैन है वो एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किए हुए हैं उनके जो बिजनेस कंपनी है उसका नाम है स्वस्तिक स्टील्स जो इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे वो अपने काम के साथ कुछ ज़्यादा ही पीसी है अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहे तो इन सभी चीज़ों के चलते उन फादर सन के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टेंड भी चलती रहती है इसके अलावा रणवीर जय सिंह इन्हीं समय के दौरान एक लड़की के प्यार में भी पड़ता है जिसका नाम है गीतांजलि का मंदना प्ले कर रही है उसके बाद में वो एक दूसरे के साथ रहने लगते है लेटर उनते और उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें होती तो एक बलबीर सिंह के ऊपर अटैक होता है जब अटैक होता है तब उस समय रणविजय सिंह वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है वो अपने पापा से इतना प्यार करता है फिर भी वो कहाँ था किस तरह से क्या हुआ था उसके साथ उसको ये सभी चीजें जब पता चलते तो अपने पापा पापा को फिर से बचाने के लिए आ जाता है उसके पापा को गोली लगी होती है उस उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात भी बताता है जो ट्रेलर में भी आपने सुनी होगी कि वो अपने फादर को बचाने के लिए जिसने उसको मारा है उसका गला काटेगा तो उसके बाद में उन सभी चीज़ों के पीछे वो चला जाता है किस तरह से वो उनके आदमी को ढूंढता है उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है वो और आखिर में, में फिल्म में क्या होगा वही सब सवाल की जवाब फिल्म की कहानी बनाती है डेफिनेटली इस फिल्म में जिस तरह से जो टाइटल रोल लिखा गया था टाइटल रोल ही कह सकते हैं क्योंकि जो एनिमल है मेन एनिमल तो इस फिल्म में रणबीर कपूर के किरदार को ही दिखाया है रणवीर को और मेन एंटागोनी से यानी कि बॉबी देओल वो भी एक मेन विलन का भी एक एनिमल टाइप ऑफ काइंड ऑफ टाइप ही था तो थोड़ा साइकिक टाइप का भी वह इस फिल्म में आपको फिल्म कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिस तरह से रणबीर कपूर ने उस किरदार में काम किया हुआ है उसके अलावा आप शायद कोई दूसरे एक्टर को सोच भी नहीं पाओगे इमेजिन नहीं कर पाओगे उस तरह का उन्होंने काम दिया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इसमें एक वाइल्डनेस लाई हुई है जो डायलॉग डिलीवरी थी जिस कन्विक्सन के साथ वो इस फिल्म के किरदार को पुल ऑफ करते हुए नजर आए इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर ने उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाए हुए वैसे रणबीर काफ़ी बढ़िया एक्टर है लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस था और बेहतर करने में संदीप रेड्डी वांगा ने उनको मदद की हुए इस, इसी परफॉर्मेंस निकलवाई हुए उनकी परफॉर्मेंस करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाएगी फिलहाल में अभी तक की जितनी भी उन्होंने फिल्में किए हैं उसमें जहाँ पे रणवीर कपूर का अगर आप फैन ना भी होगे फिर भी अगर थिएटर में या इस फिल्म को आपने एक बार भी मोबाइल या थिएटर में देखा होगा ओ टी पे तो डेफिनेटली आप इस फिल्म में उनका जो काम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आएगा और क्लाइमेक्स में जिस तरह से काम किया हुआ है जिस तरह से इंटरवल सीन्स आते हैं वहां पे उनका काम देखने को मिलता है तो आप उनसे ऑटोमेटिक

किया हुआ था उस हाई मोमेंट पे चीजें काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है इंटरनल सिक्वेंस की वो फाइट सिक्वेंस उसकी कोरियोग्राफी थी उसमें एक गन दिखाई गई है उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था इसके अलावा जो कुछ डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं जो सभी चीजें देखने को मिलती है वो बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट की हुई थी उन सभी चीजों को बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के डल से डल मोमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था वैसे फिल्म में कोई डल मोमेंट्स वैसे थे नहीं लेकिन जिस तरह से चीजें जो देख को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उसको, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है एक अच्छा खासा सपोर्ट देता हुआ नजर आता है रश्मिका मंदना ने डेफिनेटली अपना काम बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है उनकी जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है रणबीर कपूर के साथ वो बढ़िया तरीके से नज़र आई हुई है इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो गाने डाले हुए उसका जिस तरह से यूज किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था अनिल कपूर का जो काम है वो आपको काफ़ी बढ़िया नजर आएगा ठीक उसी तरह बॉबी देवल काफ़ी शानदार रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं हाँ उनका किरदार छोटा था उसको और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जिस तरह से रणबीर कपूर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उस तरह से मैं भी जब सेकंड हाफ में बॉबी देवल को इंट्रोड्यूस किया था साथ ही में उसका एक छोटा सा दस पंद्रह मिनट का एक बेकअप स्टोरी दिखाना चाहिए था जिसके चलते फिल्म में एक और इंटरेस्ट बढ़ सकता था और इसके अलावा तृप्ति दिमरे सुरेश ओबेरा सिद्धार्थ कानिक सभी ने अपने काम को बखूबी निभाया है इस फिल्म में ये सभी चीज़ें बढ़िया थी हाँ कुछ लोगों को ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक लग सकती है या इस फिल्म में कुछ वायलेंस ज़्यादा है तो वो शायद उन लोगों को जो इतना देखना पसंद नहीं करते उनको थोड़ा थोड़ा कम पसंद आएगा ये फिल्म लेकिन ओवरऑल देखे तो फिल्म बढ़िया तरीके से बनाई गई है जिसको डेफिनेटली आप इन्जॉय कर पाओगे हाँ फिल्म एक पॉइंट के बाद जो इंटरवल के पहले जो एक लीनियर नॉन लीनियर तरीके से चलती रहती है इसके चलते एक इंटरेस्ट बना रहता है इंटरवल के बाद जब का इस फिल्म को सेकंड हाफ में लाया जाता है उसके बाद में ये फिल्म एक सिंपल बेसिक फॉर्मेट के थ्रू स्टोरी लाइन हमारे सामने पेश की जाती है लीनियर तरीके से तो वहाँ पर प्रिडिक्टेबल कहानी थोड़ी हो जाती है अदरवाइज फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए हुए हैं सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है एक्शन सिक्वेंस को तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है इन सभी चीज़ों सिनेटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग बढ़िया थी डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर काफी दमदार था गाने फिल्म के काफी अच्छे थे जो फिल्म के सफेद दिक्कतें हुए नजर आते बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मदद करता है एडिटिंग फिल्म की काफी बढ़िया थी हाँ तीन सौ तीन घंटे की फिल्म थी कुछ सीन्स शोप ऑफ कर देते बढ़िया रहता लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी फिल्म थी जहाँ पे चल जाता है उतना कुछ थोड़ा बहुत रहे तो भी इसके अलावा डायरेक्टर राइटर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एक बार फिर से जिस तरह से अनकन्वेंशनल एक एक्शन ड्रामा डिलीवर किया हुआ है वो डेफिनेटली पसंद आएगा फर्स्ट हाफ उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से पेस के साथ चलाया हुआ है जहां पे काफी सारा ड्रामा भी दिखाया कुछ एक्शन मोमेंट्स भी दिखा है सेकंड हाफ में भी ड्रामा इमोशनल सीन्स को जो कॉन्फ्लिक्ट था वो पेश किया हुआ है तो ये सभी चीजें फिल्म के साथ काफी बढ़िया तरीके से जाती है रणबीर कपूर का कैरेक्टराइजेशन काफी अच्छी तरह से किया हुआ था वो सभी चीजें भी देखने में काफी मजा आता है तो ओवरऑल ये सभी चीजें जो फिल्म के साथ आपको आसानी से बनाए रखती है एनिमल फिल्म को आप आसानी से देख सकते तो एनिमल फिल्म को थिएट्रिकली एक दिसंबर 2023 को तमिल तेलुगु, कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पांस था लेकिन ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस था फिल्म ने आई पे करीबन पैंसठ हज़ार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया होता उसके चलते इस फिल्म ने अपने पहले दिन फ्राइडे के दिन सिक्सटी करोड़ का इंडिया से नेट कलेक्शन किया था सिक्सटी करोड़ का इंडिया से सेकेंड डे के ऊपर इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया थर्ड डे में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बना रहा हो सेवेंटी सिक्स नाइन करोड़ का नेट कलेक्शन किया था इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन दो सौ एक पॉइंट छिहत्तर करोड़ का इंडिया से निकल के आया हुआ था वीक डेज में फिल्म काफी मजबूत रही थी मंडे के दिन चौवालीस करोड़ सैंतीस लाख का कलेक्शन किया ट्यूस्डे के दिन सैंतीस करोड़ बयासी लाख का और वेनर्सडे के दिन तीस करोड़ पैंतीस लाख और थर्सडे के दिन चौबीस करोड़ और तेरह लाख का कलेक्शन निकला हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने अपने पहले वीक में करीबन तीन सौ अड़तीस करोड़ तिरसठ लाख का कलेक्शन करके दिखाया सेकंड वीकेंड में भी ये फिल्म मजबूत रही थी जहां पे सेकंड फ्राइडे के ऊपर इस फिल्म ट्वेंटी थ्री पॉइंट का नेट कलेक्शन किया हुआ था कलेक्शन कियाकंडी पॉइंट करोड़ के आसपास का इंडिया से नेट कलेक्शन में निकला हुआ था में, जैसे कि मंडे थर्सडे में इस फिल्म ने चौदह करोड़ बत्तीस लाख बारह करोड़ सैंतीस लाख नौ करोड़ सत्तासी लाख और आठ करोड़ छप्पन लाख जितना कलेक्शन क्शन किया और चौदह दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन चार करोड़ का नेट कलेक्शन किया तो सेकंड वी का करोड़ रहा था। वीक का कलेक्शन एक रखा था नई रिलीज डेफिनेटली हुई थी फिल्म की लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म अच्छी तरह से बनी रही थी थर्ड फ्राइडे पे आठ करोड़ पिचासी लाख थर्ड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म ने बारह करोड़ अस्सी लाख थर्ड संडे के ऊपर तेरह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया तीसरा वीकेंड फिल्म का चौतीस करोड़ पचानवे लाख का रहा जहाँ डेज में मंडे के दिन इस फिल्म ने करीबन पांच करोड़ पचपन लाख का कलेक्शन किया थर्ड ट्यूजडे के दिन पांच करोड़ चालीस लाख का थर्ड वेनडे के दिन पांच करोड़ का और थर्सडे के दिन दो करोड़ तिहत्तर लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने अपने तीसरे वीक में तिरपन करोड़ तिरसठ लाख का कलेक्शन किया और तीन वीक के अंदर इस फिल्म ने टोटल पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में जब फिल्म आई वहाँ से बाद में कई सारे फिल्म की रिलीजें और भी जुड़ी हुई थी जिसके चलते फिल्म ने थोड़ा सा स्लो डाउन किया वैसे देखा जाए तो चौथे वीके वीक के, के हिसाब से फिल्म ने वहाँ पर भी एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था यहाँ पे चौथे फ्राइडे के दिन एक करोड़ ग्यारह लाख का सैटरडे के दिन एक करोड़ छिहत्तर लाख का संडे के दिन दो करोड़ ग्यारह लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते जो तो इस फिल्म का चौथा वीकेंड था वो चार करोड़ अट्ठानवे लाख का निकला हुआ था वीक डेज में एक करोड़ बानवे लाख एक करोड़ चौदह लाख और एक करोड़ सात लाख थर्ड चौथे थर्डे के दिन एक करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया और अट्ठाईस दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन पाँच करोड़ और तिरतालीस सॉरी पाँच करोड़ और तिरानवे लाख का कलेक्शन करके दिखाया और उसके बाद इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से पांचवें वी वीक में सात करोड़ पचास लाख का छठे वीक में चार करोड़ का सातवें वीक में एक करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था इंडिया का वो पाँच करोड़ तिरानवे लाख का निकला हुआ था और इसका जो ग्रोथ कलेक्शन होता है वो भी काफी ज्यादा निकला हुआ था छह करोड़ बयासी लाख का और इसमें भी फिल्म काफी धमाकेदार चली थी जिसके चलते दो करोड़ उन लाख का कलेक्शन ओवरसीज से इस फिल्म ने निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल

और इसके बाद में इस फिल्म को नेटफ्लिक्स ओ टी पे भी रिलीज किया गया था वहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ पे एक एक्सटेंडेड वर्जन रिलीज किया गया था फिल्म में कुछ आठ दस मिनट कट किए हुए थे जो शूट किया हुआ था उसमें वो वर्जन भी एड किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छी एक्सटेंडेड वर्जन वाली रिलीज नेटफ्लिक्स के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में दि, दिलाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को आप आसानी से एंजॉय कर सकते हो एक्सटेंडेड वर्जन में जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम वर्जन में ये फिल्म एनिमल नाम के साथ अवेलेबल की हुई है इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल सोनीमैक्स और सोनीमैक्स एच डी के ऊपर यू सर्टिफिकेट के साथ देखने को मिलेगा जहाँ पे कुछ सीन्स को कट ऑफ किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म का एक टेलीविजन वर्जन आप इन्जॉय कर सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एनिमल फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम वर्जन में देख सकते हो फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोने मैक्स और सोनेची चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा लेकिन वहां एक कट डाउन वर्जन देखने को मिलेगा फिल्म को ए टू यू सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके रिलीज करवाया हुआ है तो वहां पर वो वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से एनिमल फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में एंजॉय कर पाओगे एनिमल जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में बनाया गया था जहाँ पे ये सभी वर्जन है उसके साथ इस फिल्म को रिलीज थिएट्रिकली किया गया था एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को डायरेक्ट किया संदीप रेड्डी वांगा ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी जगह पर संदीप रेड्डी वांगा ने काम किया हुआ था जहाँ पे स्क्रीन प्ले में उनको प्रणय रेड्डी वांगा सुरेश बंदारू ने उनको मदद की हुई थी स्टोरी थी वो संदीप रेड्डी वांगा की खुद की थी उसके ऊपर डायलॉग से उसमें सौरभ गुप्ता ने मदद की हुई थी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार प्रणय रेड्डी वांगा कृष्ण कुमार मुराद खेतानी ने इस फिल्म को टी सीरीज वन स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीब हंड्रेड करोड़ के बजट में बनाया हुआ था इस फिल्म के साथ बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए थे जैसे कि फिल्म श्री वेंटेश्वर क्रिएशन ए पी इंटरनेशनल ई फॉर एंटरटेनमेंट और केवी प्रोडक्शन जिन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म का 201 मिनट का रन टाइम करवाया गया था पे इस फिल्म को अनकट वर्जन के साथ एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था इसका मतलब कि फिल्म करीबन तीन घंटे लंबी थी लेकिन जब इस फिल्म को टी टी पे रिलीज करने की बारी आई तो उसमें करीब कुछ मिनट्स जो कट किए हुए थे उसको भी एड करके एक एक्सटेंडेड एक एक वर्जन रिलीज किया हुआ था एनिमल फिल्म का तो इस तरह से एनिमल फिल्म के कुछ जो कटिंग वर्जन थे उसको एड करके इसमें साथ ही में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कास्ट काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी उससे पहले टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत कर लेते हैं

हर्षवर्धन रामेश्वर के द्वारा कंपोज किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए थे सभी वर्जन के लिए कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं रणबीर कपूर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने दो रोल प्ले किए हुए रण विजय सिंह यानी कि विजय का इस, इसके अलावा अहमद इबन उमर यानी कि यंग विजय का रोल प्ले उन्होंने किया हुआ था अहमद इबन उमर ने इसके अलावा अजीज हक का जो किरदार था वो रोल भी रणबीर कपूर ने प्ले किया जो फिल्म के एंड में आता

अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के दूसरे एक्टर्स के बारे में जैसे कि सुरेश ओबेरा ने राजधीर दोमाल सिंह दादाजी का रोल प्ले किया था जो विजय के ग्रैंडफादर और बलबीर के फादर का रोल था सौरभ सदेवा इस फिल्म में आबिद हक का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो अबरार के भाई का रोल था सलोनी बत्रा ने रीत सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की एल्डर सिस्टर और वरुण की वाइफ का रोल था बलबीर और ज्योति के एल्डर चाइल्ड का रोल था एल्डेस्ट चाइल्ड का निविन वेद ने यंग रीत का रोल प्ले किया हुआ है अंशुल चौहान रूप सिंह में देखने को मिले गिरुन सिंह के रोल में जो बलबीर और ज्योति की यंगेस्ट चाइल्ड है विजय और रीत की यंगर सिस्टर है यवा चिब्बन उसका यंग वर्जन प्ले किया हुआ था इसके अलावा सिद्धार्थ कार्निक ने वरुण प्रताप मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का ब्रदर इन लो है रीत का हस्बैंड है और बलबीर का सन इन लो है तो मगन्ती श्रीनाथ भी देखने को मिलते कार्तिक के रोल में जो गीतांजलि का एल्डर ब्रदर है और विजय का फ्रेंड है इसके अलावा उपेंद्र हिमाए भी आपको एक इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं इंटरवल सीक्वेंस में जो उनका किरदार है उसका नाम है फ्रेडी इविल्ड फ्रेड पाटिल इविल, वो रोल नजर आएगा आपको इसके अलावा इस फिल्म में आपको मेथ्यू वर्गेस देखने को मिलेंगे श्रीपाद बालाजी अयंगर यानी कि कार्तिक गीतांजलि के फादर का रोल था वो इंदिरा कृष्णन वाला जो रोल था उसका नाम था कासिया मोती का एस अयंगर जो कार्तिक और गीतांजलि की माँ का रोल था कृणाल ठाकुर ने इस फिल्म में गीतांजलि के फ्योन्यान माए गोड है डॉक्टर अमृता का रोल प्ले करते नजर आएंगे देवी अग्रवाल इस फिल्म में संग्राम सिंह का रोल प्ले करते नज़र आएंगे जो विजय और द के कजिन और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन है विवेक शर्मा ने इस फिल्म में पाली सिंह का रोल प्ले किया जो विजय के कज़िन और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन का रोल था ठीक उसी तरह का सिंह आपको सनी सिंह में देखने को मिलेंगे कवा कवालप्रीत सिंह ने विक्रम सिंह का रोल प्ले किया हुआ अनमोल जोत सिंह ने गुरु सिंह का रोल प्ले किया हुआ मनजोत सिंह ने राजवीर यानी कि रॉयल सिंह का रोल प्ले किया हुआ अवदीप सिंधु ने मंजोत सिंह का रोल प्ले किया है कमलजीत राणा ने बाली सिंह का रोल प्ले किया गुरसेवक सिंह मंदर इस फिल्म में कृपाल सिंह यानी कि के के रोल में देखने को मिलेंगे बुट्टा बदबार ने इसमें बुट्टा सिंह का रोल प्ले किया हुआ है सबाना हारून इस फिल्म में नीलूफर रहमानी का रोल प्ले करते नजर आएंगे इसके पहले के जितने भी जो भाइयों का नाम लिया हुआ है मैंने वो सभी विजय के कजिन्स थे और दलबीर सिंह के ग्रैंड थे इसके अलावा इस फिल्म में सबाना हारोना नीलफू नीलूफ़र रहमान यानी कि अब्रार की, की फ़र्स्ट वाइफ का रोल प्ले करते नज़र आएंगे सबीना शाह ने इस फिल्म में मेहरूनी जा बेग का रोल प्ले किया जो अब्रार हक के सेकंड वाइफ का रोल था मानसी टेक्सक ने उम ई हानी फेरेन का रोल प्ले किया जो थर्ड वाइफ है अब्रार हक की और फ्यूचर वाइफ होगी आशीष हक की जो आयन में आपको दिखाया जाता है वो वाला सीन तेना अजदाउदीन ने इस फिल्म में सिरिन इन बहार का रोल प्ले किया हुआ है जो जमाल कुडू में सिंगर का काम रोल प्ले करते नजर आए हुए अभी राखेजा रूप के हस्बैंड का रोल प्ले करते नजर आएंगे सनवीर सचदेवा ने रणवीजे के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है माइरिड ग्रोवर ने इस फिल्म में रणवीजे के डॉटर का रोल प्ले किया हुआ संताज कक्कर ने रीत के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में आपको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें सेप्टेम्बर दो में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि संदीप रेड्डी वांगा बॉलीवुड में एक फिल्म लेके आने वाले कबीर सिंह के बाद जहां पे उनके साथ शायद आपको भूषण कुमार मुराद खेतानी अश्विनावार देखने को मिल सकते हैं और इन सभी चीजों के ऊपर लेटर ऑन कन्फर्मेशन भी मिली थी दस अक्टूबर को संदीप रेड्डी वांगा ने भद्रकाली पिक्चर जो उनके की प्रोडक्शन कंपनी है वो वहाँ से उन्होंने एक एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी कि वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे उसके साथ में उनको बेक करेंगे बॉलीवुड्स की कुछ प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि सिनेमा स्टूडियोज टी सीरीज़ तो उनके साथ मिलकर एक हाई एंड बजट वाली फिल्म बनाने वाले पर कुछ सोर्सेज से दिसंबर महीने में दो में पता चला था कि शायद रणबीर कपूर उसमें लीड रोल प्ले कर सकते है ये कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है वायलेंस वाली तो वो सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई थी जून 2020 की बात है संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर के बीच में इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी इससे पहले उनकी इस फिल्म के नेरेटिंग के ऊपर स्क्रिप्टिंग ये सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि इस फिल्म का टाइटल शायद डेविल होने वाला है अनिल कपूर भी इस फिल्म के पार्ट होने वाले उसके बाद में तो एक अनाउंसमेंट भी हुई थी पब्लिक अनाउंसमेंट एक जनवरी दो को उस अनाउंसमेंट में टाइटल और क्रो मेंबर के नाम दिए गए थे टाइटल लोगो भी गया था और बैकग्राउंड स्कोर सामने रखा गया था मेन थीम तो उसमें बताया गया था कि रणबीर कपूर लीड रोल में होंगे अनिल कपूर उनके फादर का रोल प्ले करेंगे परिणीति चोपड़ा रणबीर के लव इंटरेस्ट या उनके वाइफ का रोल प्ले करते नजर आएंगे और वो भी और को इस फिल्म में एक मेन एंटागोनिस का रोल मिलने वाला है तो ये सभी चीज़ें तब अनाउंस की गई थी लेटर ऑन मार्च 2022 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि रश्मि मंदिर आए इस फिल्म में कुछ आइटम नंबर प्ले कर सकते हैं लेटर ऑन कुछ चीज़ें ऐसे सामने निकल के आई कि वो कोई आइटम नंबर के लिए उनको अप्रोच नहीं किया गया था उनको जो अप्रोच किया गया था संदीप रेड्डी वांगा ने परिणीति चोपड़ा को जो रोल ऑफर किया था और उनके साथ कुछ थोड़े बहुत फोटो शूट सिक्वेंस शूट किए हुए थे तो उनको वो रोल के साथ वो किरदार के साथ परिणति चोपड़ा का फेस मैच नहीं हो रहा था इस वजह से उन्होंने रश्मिका को ऑफर किया है रोल और सेकंड अप्रैल को रश्मिका ने ऑफिशियली अनाउंस किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि वो इस फिल्म का पार्ट होने वाली है इस फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो मनाली में स्टार्ट की गई थी अप्रैल 2022 में फिल्म का सेकंड शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में रखा हुआ था जहां पे पटोड़ी पैलेस में इस फिल्म को जुलाई 2022 में शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म का नया एक शेड्यूल सेट किया हुआ था जो दिल्ली और पंजाब में सेट किया हुआ था और उसके बाद में मार्च 2023 तक इस फिल्म का सब अलग अलग शेड्यूल्स मिला के रैपअप किया वैसे कुछ सीन्स बाकी थे वह फॉरेन लोकेशंस के क्लाइमेक्स के और बीच के कुछ सीन्स तो उसको स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में शूट किया गया था अप्रैल महीने में जहाँ पे तो पंद्रह बीस दिनों का वो शेड्यूल था तो दो में अप्रैल में इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से रैपअप करवाई उसके बाद म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर प्रॉपर काम किया गया और फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया जहाँ पे म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो एनिमल के साउंड ट्रैक के राइट्स टी सीरीज वो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ही राइट्स खरीदे हुए थे 2022 हज़ार इसके के बीच में गाने रिकॉर्ड किए गए थे इन गानों को एक अलग अलग वजन के थ्रू रिलीज़ किया गया था फिल्म में टोटल वैसे देखा जाए तो आठ गाने सभी वर्जनस मिला ले एडिशंस मिला ले टोटल सत्रह वर्जन होते कुछ साउंड ट्रैक था बैकग्राउंड स्कोर था वो सभी चीज़ें भी फिल्म के साथ रिलीज की गई थी मेन मेन गानों की बात करें तो इस फिल्म में पहला गाना है अर्जन वेली जिसको भूपिंदर बबल ने लिखा हुआ था मनन भारद्वाज ने उसको म्यूजिक दिया था और भूपिंदर भदवल ने उसको गाया हुआ था हुआ में गाना था उसको मनोज मनोज मुत्ता सिंह ने लिखा हुआ था प्रीतम जयमेट ने म्यूजिक दिया था राघव चैतन्य ने उसको गाया हुआ था सतरंगा गाने को सिद्धार्थ गरिमा ने खाता था श्रेयस पुराने म्यूजिक दिया था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का चौथा गाना यानी कि पापा मेरी जान उसको राज ने लिखा था हर्षवर्धन रामेश्वर ने म्यूज़िक दिया था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था पहले भी में उस गाने को राज ने लिखा था विशाल मिश्रा ने उसको म्यूजिक दिया था और विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था काश्मीर जो गाना था उसको मनन भारद्वाज ने लिखा था म्यूजिक भी उनका ही था और उनके साथ जो सिंगिंग की बात करें तो मनन भादवाज ने खुद वोकल्स दिए थे और श्रेया भा� घोषाल ने भी उसमें फ़ीमेल वोकल्स दिए हुए थे सारी दुनिया जला देंगे उस गाने को जानी ने म्यूजिक और कंपोज दोनों किया था लिखा हुआ था उन्होंने ही लेकिन बीपरा के पास उन्होंने गवाया था हेवान करके जो गाना था उसको केमसन ने लिखा हुआ था असीम केमसन ने म्यूजिक दिया था और असीम केमसन ने गाया हुआ था तो इस तरह से टोटल आठ गाने थे फिल्म में मेन जिसके मिनट और तीन सेकंड का साउंड ट्रिक तैयार हुआ था जिसको ऑफिशियली चौबीस नवंबर दो को रिलीज किया था एक डिलेक्स वर्जन भी रिलीज किया गया था जिसको पंद्रह जनवरी दो को रिलीज किया था इन गानों के बाद इस फिल्म में पापा मेरी जहान का एक चाइल्ड वर्जन तैयार किया गया था रणवीज की एंट्री मेड हक का जो जमाल था भावे जाने या ना जाने करके गाना था मरहम जो पहले भीमे करके गाना था उसका वर्जन था सतरंगा जो स्ट्रिप्ट वर्जन था उर्दू के के जैसा इश्क वो यानी कि कश्मीर का एक वर्जन था वो सारी दुनिया जला देंगे एक एक्सटेंडेड फिल्म वर्जन था पापा मेरी जान विसल वर्जन तो ये टोटल दूसरे कुछ तो नौ ट्रैक रिलीज़ किए गए थे तो ये सभी गानों के सत्रह गानों हुए तो उसकी लेंथ एक मिनट एक घंटे चार मिनट और छब्बीस सेकंड की हुई थी जिसको रिलीज़ किया गया था पंद्रह जनवरी दो को तो इस तरह से इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली टी सीरीज़ के द्वारा उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था

इस फिल्म की कहानी है वो रण विजय सिंह बलबीर के ऊपर पूरी तरह से फोकस करती है वो रोल रणबीर कपूर प्ले कर रहे जहाँ पे वो अपने फादर से इतना प्यार करते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं उनके फादर का रोल बलबीर सिंह प्ले कर रहे वो रोल प्ले कर रहे अनिल कपूर रणविजय सिंह अपने फादर को कुछ एक्सट्रीम लेवल के ऊपर एडोर करता हुआ नजर आता है जहाँ पे उसका प्यार है वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है उसके अलावा बलबीर सिंह एक खुद बड़े बिजनेसमैन है वो एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किए हुए हैं उनके जो बिजनेस कंपनी है उसका नाम है स्वस्तिक स्टील्स जो इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे वो अपने काम के साथ कुछ ज्यादा ही पीसी है अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहे तो इन सभी चीज़ों के चलते उन फादर सन के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टेंड एंडिंग भी चलती रहती है इसके अलावा रणविजय सिंह इन्हीं समय के दौरान एक लड़की के प्यार में भी पड़ता है जिसका नाम है गीतांजलि रश्मिका प्ले कर रही है उसके बाद में वो एक दूसरे के साथ रहने लगते लेटर ऑन मैरिज कर लेते हैं और उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें होती है तो एक बलबीर सिंह के ऊपर अटैक होता है जब अटैक होता है तब उस समय रणविजय सिंह वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है वो अपने पापा से इतना प्यार करता है फिर भी वो कहाँ था किस तरह से क्या हुआ था उसके साथ उसको ये सभी चीजें जब पता चलते तो अपने पापा को फिर से बचाने के लिए आ जाता है उसके पापा को गोली लगी होती है उस उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात भी बताता है जो ट्रेलर में भी आपने सुनी होगी कि वो अपने फादर को बचाने के लिए जिसने उसको मारा है उसका गला काटेगा तो उसके बाद में उन सभी चीजों के पीछे वो चला जाता है किस तरह से वो उनके आदमी को ढूंढता है उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है वो और आखिर में एंड में फिल्म में क्या होगा वही सब सवाल की जवाब फिल्म की कहानी बनाती है डेफिनेटली इस फिल्म में जिस तरह से जो टाइटल रोल लिखा गया था टाइटल रोल ही कह सकते हैं क्योंकि जो एनिमल है मेन एनिमल तो इस फिल्म में रणबीर कपूर के किरदार को ही दिखाया है रणवीर जय को मेन एंटागोनिस्ट से यानी कि बॉबी देओल वो भी एक मेन विलन का भी एक एनिमल टाइप काइंड ऑफ टाइप ही था तो थोड़ा साइकिक टाइप का भी वह इस फिल्म में आपको फिल्म कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिस तरह से रणबीर कपूर ने उस किरदार में काम किया हुआ है उसके अलावा आप शायद कोई दूसरे एक्टर को सोच भी नहीं पाओगे इमेजिन नहीं कर पाओगे उस तरह का उन्होंने काम दिया हुआ है जिस तरह से उन्होंने उसमें एक वाइल्डनेस लाई हुई है जो डायलॉग डिलीवरी थी जिस कन्विक्सन के साथ वो इस फिल्म के किरदार को पुल ऑफ करते हुए नजर आए इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर ने उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाए हुए वैसे रणबीर काफ़ी बढ़िया एक्टर है लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस था और बेहतर करने में संदीप रेड्डी वांगा ने उनको मदद की हुए इस इसी परफॉर्मेंस निकलवाई हुए उनकी परफॉर्मेंस करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाएगी फिलहाल में अभी तक की जितनी भी उन्होंने फिल्में किए हैं उसमें जहाँ पर रणवीर कपूर का अगर आप फैन ना भी होगे फिर भी अगर थिएटर में या इस फिल्म को आपने एक बार भी मोबाइल या थिएटर में देखा होगा ओ टी पे तो डेफिनेटली आप इस फिल्म में उनका जो काम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आएगा और क्लाइमेक्स में जिस तरह से काम किया हुआ है जिस तरह से इंटरवल सीन्स आते हैं वहां पे उनका काम देखने को मिलता है तो आप उनसे ऑटोमेटिक

किया हुआ था उस हाई मोमेंट पे चीजें काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है इंटरनल सिक्वेंस की वो फाइट सिक्वेंस जिस तरह से उसकी कोरियोग्राफी थी उसमें एक गन दिखाई गई है उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था इसके अलावा वहां पर जो कुछ डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो सभी चीजें देखने को मिलती है वो बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट की हुई थी उन सभी चीजों को बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के डल से डल मोमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था वैसे फिल्म में कोई डल मोमेंट्स वैसे थे नहीं लेकिन जिस तरह से चीजें जो देखने

काफ़ी बढ़िया नजर आएगा ठीक उसी तरह बोबी देअल काफ़ी शानदार रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं हाँ उनका किरदार छोटा था उसको और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जिस तरह से रणबीर कपूर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उस तरह से मे भी जब सेकंड हाफ में बॉबी देअल को इंट्रोड्यूस किया था साथ ही में उसका एक छोटा सा दस पंद्रह मिनट का एक बेकअप स्टोरी दिखाना चाहिए था जिसके चलते फिल्म में एक और इंटरेस्ट बढ़ सकता था और इसके अलावा तृप्ति दिमरे सुरेश ओबेरा सिद्धार्थ कानिक सभी ने अपने काम को बखूबी निभाया हुआ इस फिल्म में ये सभी चीजें बढ़िया थी हाँ कुछ लोगों को ये सभी चीजें थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक लग सकती है या इस फिल्म में कुछ वायलेंस ज्यादा है तो वो शायद उन लोगों को जो इतना देखना पसंद नहीं करते उनको थोड़ा थोड़ा कम पसंद आएगा ये फिल्म लेकिन ओवरऑल देखें तो फिल्म बढ़िया तरीके से बनाई गई है इसको डेफिनेटली आप एंजॉय कर पाओगे हां फिल्म एक पॉइंट के बाद जो इंटरवल के पहले जो एक लीनियर नॉन लीनियर तरीके से चलती रहती है इसके चलते एक इंटरेस्ट बना रहता है इंटरवल के बाद जब का इस फिल्म को सेकंड हाफ में लाया जाता है उसके बाद में ये फिल्म एक सिंपल बेसिक फॉर्मेट के थ्रू स्टोरी लाइन हमारे सामने पेश की जाती है लीनियर तरीके से तो वहाँ पर प्रिडिक्टेबल कहानी थोड़ी हो जाती है अदरवाइज फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए हुए हैं सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है एक्शन सिक्वेंस को तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ इन सभी चीज़ों सिनेमेटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग बढ़िया थी डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर काफी दमदार था गाने फिल्म के काफी अच्छे थे जो फिल्म के सफेद नजर आते बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मदद करता है एडिटिंग फिल्म की काफी बढ़िया थी हाँ तीन सवा तीन घंटे की फिल्म थी कुछ सीन शो ऑफ कर देते बढ़िया रहता लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी फिल्म थी जहां पे चल जाता है उतना कुछ थोड़ा बहुत रहे तो भी इसके अलावा डायरेक्टर राइटर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एक बार फिर से जिस तरह से अनकन्वेंशनल एक एक्शन ड्रामा डिलीवर किया हुआ है वो डेफिनेटली पसंद आएगा फर्स्ट हाफ उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से कच्चे पेस के साथ चलाया हुआ है जहाँ पे काफी सारा ड्रामा भी दिखाया कुछ एक्शन मोमेंट्स भी दिखाया है सेकंड हाफ में भी ड्रामा इमोशनल सीन्स को जो कॉन्फ्लिक्ट था वो पेश किया हुआ है तो ये सभी चीजें फिल्म के साथ काफी बढ़िया तरीके से जाती है रणबीर कपूर का कैरेक्टराइजेशन काफी अच्छी तरह से किया हुआ था वो सभी चीजें भी देखने में काफी मजा आता है तो ओवरऑल ये सभी चीजें जो फिल्म के साथ आपको आसानी से बनाए रखती है एनिमल फिल्म को आप आसानी से देख सकते तो एनिमल फिल्म को थिएट्रिकली एक दिसंबर 2023 को तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पांस था लेकिन ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस था फिल्म ने आई पे करीबन पैंसठ हज़ार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया होता उसके चलते इस फिल्म ने अपने पहले दिन फ्राइडे के दिन सिक्सटी करोड़ का इंडिया से नेट कलेक्शन किया था सिक्सटी करोड़ का इंडिया से सेकेंड डे के ऊपर इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया थर्ड डे में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बना रहा हो सेवेंटी सिक्स नाइन करोड़ का नेट कलेक्शन किया था इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन दो सौ एक पॉइंट छिहत्तर करोड़ का इंडिया से निकल के आया हुआ था वीक डेज में भी फिल्म काफी मजबूत रही थी मंडे के दिन चौवालीस करोड़ सैंतीस लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन तैंतीस करोड़ बयासी लाख का और वेनर्डे के दिन तीस करोड़ पैंतीस लाख और थर्सडे के दिन चौबीस करोड़ और तेरह लाख का कलेक्शन निकला हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने अपने पहले वीक में करीबन तीन करोड़ तिरसठ लाख का कलेक्शन करके दिखाया सेकंड वीकेंड में भी ये फिल्म मजबूत रही थी जहां पे सेकंड फ्राइडे के ऊपर इस फिल्म ने थ्री पॉइंट का नेट कलेक्शन किया हुआ था, था सेकंड ने जिसके चलते आसपास का इंडिया से नेट कलेक्शन में निकला हुआ था डेज में जैसे कि मंडे टूजेडे थर्सडे में इस फिल्म ने चौदह करोड़ बत्तीस लाख बारह करोड़ सैंतीस लाख नौ करोड़ सत्तासी लाख और आठ करोड़ छप्पन लाख जितना कलेक्शन किया और चौदह दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन चार सौ उन्द्र करोड़ का नेट कलेक्शन किया तो सेकंड वीक का कलेक्शन इक्यावन करोड़ रहा था थर्ड वीक में भी ये फिल्म ने जो अपना दम था बनाए रखा था नई रिलीज डेफिनेटली हुई थी फिल्म की लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म अच्छी तरह से बनी रही थी थर्ड फ्राइडे पे आठ करोड़ पिचासी लाख थर्ड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म ने बारह करोड़ अस्सी लाख थर्ड संडे के ऊपर तेरह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया तीसरा वीकेंड फिल्म का चौतीस करोड़ पचानवे लाख का रहा जहां पे डेज में मंडे के दिन इस फिल्म ने करीबन पाँच करोड़ पचपन लाख का कलेक्शन किया थर्ड ट्यूजडे के दिन पाँच करोड़ चालीस लाख का थर्ड वेनसडे के दिन पांच करोड़ का और थर्सडे के दिन दो करोड़ तिहत्तर लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने अपने तीसरे वीक में तिरपन करोड़ तिरसठ लाख का कलेक्शन किया और तीन वीक के अंदर इस फिल्म ने टोटल पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में जब फिल्म आई वहाँ से बाद में कई सारे फिल्म की रिलीजें और भी जुड़ी हुई थी जिसके चलते फिल्म ने थोड़ा सा स्लो डाउन किया वैसे देखा जाए तो चौथे वीक वीक के, के हिसाब से फिल्म ने वहाँ पर भी एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था यहाँ पे चौथे फ्राइडे के दिन एक करोड़ ग्यारह लाख का सैटरडे के दिन एक करोड़ छिहत्तर लाख का संडे के दिन दो करोड़ ग्यारह लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते जो इस फिल्म का चौथा वीकेंड था वो चार करोड़ अट्ठानवे लाख का निकला हुआ था वीक डेज में एक करोड़ बानवे लाख एक करोड़ चौदह लाख और एक करोड़ सात लाख थर्डे चौथे थर्डे के दिन एक करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया और अट्ठाईस दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन पाँच करोड़ और तिरतालीस सॉरी पाँच करोड़ और तिरानवे लाख का कलेक्शन करके दिखाया और उसके बाद में इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से पांचवी वीक में सात करोड़ पचास लाख का छठे वीक में चार करोड़ का सातवें वीक में एक करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था इंडिया का वो पाँच करोड़ तिरानवे लाख का निकला हुआ था और इसका जो ग्रोस कलेक्शन होता है वो भी काफी ज्यादा निकला हुआ था छह करोड़ बयासी लाख का ओवरसी में भी फिल्म काफी धमाकेदार चली थी जिसके चलते दो करोड़ उन पचास लाख का कलेक्शन ओवरसीज से इस फिल्म ने निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल

और इसके बाद में इस फिल्म को नेटफ्लिक्स ओ टी टी भी रिलीज किया गया था वहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ पे एक एक्सटेंडेड वर्जन रिलीज किया गया था फिल्म में कुछ आठ दस मिनट कट किए हुए थे जो शूट किया हुआ था उसमें वो वर्जन भी ऐड किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छी एक्सटेंडेड वर्जन वाली रिलीज नेटफ्लिक्स के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में दिलाई गई थी जहाँ पर इस फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर इस फिल्म को आप आसानी से इन्जॉय कर सकते हो एक्सटेंडेड वर्जन में जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम वर्जन में ये फिल्म एनिमल नाम के साथ अवेलेबल की हुई है इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल सोनीमैक्स और सोनीमैक्स एच डी के ऊपर यू सर्टिफिकेट के साथ देखने को मिलेगा जहाँ पे कुछ सीन्स को कट ऑफ किया हुआ है तो वहाँ पर इस फिल्म का एक टेलीविजन वर्जन आप इन्जॉय कर सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एनिमल फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम वर्जन में देख सकते हो फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा लेकिन वहाँ पर कट डाउन वर्जन देखने को मिलेगा फिल्म को ए टू यू सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके रिलीज़ करवाया हुआ है तो वहाँ पर वो वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से एनिमल फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेज में इन्जॉय कर पाओगे एनिमल जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में बनाया गया था जहाँ पे ये सभी वर्जन से उसके साथ इस फिल्म को रिलीज थिएट्रिकली किया गया था एडल सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को डायरेक्ट किया संदीप रेड्डी वांगा ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी जगह पर संदीप रेड्डी वांगा ने काम किया हुआ था जहाँ पे स्क्रीन प्ले में उनको प्रणय रेड्डी वांगा सुरेश बंदारू ने उनको मदद की हुई थी स्टोरी थी वो संदीप रेड्डी वांगा खुद की थी उसके ऊपर डायलॉग से उसमें सौरभ गुप्ता ने मदद की हुई थी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार प्रणय रेड्डी वांगा कृष्ण कुमार डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए थे जैसे कि फिल्म श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन फॉर एंटरटेनमेंट और केवी एन प्रोडक्शन जिन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म का 201 मिनट का रन टाइम सर्टिफिकेट मिला हुआ था इसका मतलब इक्कीस लेकिन जब इस फिल्म को रिलीज़ करने की बारी आई तो उसमें करीबन कुछ जो कट के हुए थे, उसको भी एड करके एक्सटेंडेड एक एक वर्जन रिलीज किया हुआ था एनिमल फिल्म का तो इस तरह से एनिमल फिल्म के कुछ जो कटिंग वर्जन थे उसको एड करके इसमें साथ ही में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कास्ट काफी उससे पहले टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत कर लेते हैं फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी अमित रोई ने की हुई है एडिटिंग संदीप रेड्डी वांगा ने खुद किए जिन्होंने दो मिनट का रन टाइम दिया हुआ है वायलेंस और कुछ ऐसे सीन्स थे उसके चलते इस फिल्म को एडिटर सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में सॉन्ग्स थे जयट विशाल मिश्रा जानी मनन भाजवा श्रेयस प्राणी असिम केमसन हर्षवर्धन रामेश्वर ए आर और भूपिंदर बबल ने कंपोज किए हुए थे अलग अलग गानों को लेकिन जो बैकग्राउंड स्कोर था वो सिर्फ हर्षवर्धन रामेश्वर के द्वारा कंपोज किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज़ वालों ने अपने पास ही रखे हुए थे सभी वर्जनस के लिए कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं रणबीर कपूर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने दो रोल प्ले किए हुए रणविजय सिंह यानी कि विजय का इस, इसके अलावा अहमद इबन उमर यानी कि यंग विजय का रोल प्ले उन्होंने किया हुआ था अहमद इबन उमर ने इसके अलावा अजीज हक का जो किरदार था वो रोल भी रणबीर कपूर ने प्ले किया जो फिल्म के एंड में आता है अनिल कपूर ने भी डबल रोल प्ले किया हुआ बलबीर सिंह जो मेन रोल था उसका बॉडी डबल ने इस फिल्म का रोल प्ले किया हुआ हैीतू का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की वाइफ का रोल है इसके अलावा दिव्यारा वाले ने इस फिल्म में यंग गीतांजलि का रोल प्ले किया हुआ है में तृप्ति दिमरी आपको जोया के रोल में देखने को मिलेंगी चारू शंकर ने ज्योति सिंह का रोल प्ले क्या हुआ है जो बलबीर सिंह की वाइफ और रीत की विजय और रूप की माँ का रोल था इसके अलावा बबलू पृथ्वीराज इस फिल्म में हक यानी कि अबरार हक के भाई का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे शक्ति कपूर ने पीके मिश्रा जो सीओ है स्वस्तिक टील के उनके किरदार में देखने को मिलेंगे प्रेम चोपड़ा ने दलबीर दोदामल सिंह यानी कि बड़े दादी का रोल प्ले किया हुआ है जिसमें रणधीर के एल्डर ब्रदर का जो किरदार था वो उनका ही था मधु राजा ने इस फिल्म में रानी कौर यानी कि बीजी का रोल प्ले किया हुआ जो दलधीर सिंह की वाइफ का रोल था अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के दूसरे एक्टर्स के बारे में जैसे कि सुरेश ओबेरा ने राजधीरे दोदमाल सिंह दादाजी का रोल प्ले किया था जो विजय के ग्रैंडफादर और बलबीर के फादर का रोल था सौरभ सदेवा इस फिल्म में आबिद हक का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो अबरार के भाई का रोल था सलोनी बत्रा ने रीत सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की एल्डर सिस्टर और वरुण की वाइफ का रोल था बलबीर और ज्योति के एल्डर चाइल्ड का रोल था एल्डेस्ट चाइल्ड का निविन वेद ने यंग रीत का रोल प्ले किया है अंशुल चौहान रूप सिंह में देखने को मिलेगी रूप सिंह के रोल में जो बलबीर और ज्योति की यंगेस्ट चाइल्ड है विजय और रीत की यंगर सिस्टर है ईवा चिब्बा ने उसका यंग वर्जन प्ले किया हुआ था इसके अलावा सिद्धार्थ कार्निक ने वरुण प्रताप मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का ब्रदर इन लो है रीत का हस्बैंड है और बलबीर का सन इन लो है तो मगन्ती श्रीनाथ भी देखने को मिलते कार्तिक के रोल में जो गीतांजलि का एल्डर ब्रदर है और विजय का फ्रेंड है इसके अलावा उपेंद्र हिमाएँ भी आपको एक इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं इंटरवल सीक्वेंस में जो उनका किरदार है उसका नाम है फ्रेडी इविल्ड फ्रेड पाटिल वो रोल दे नजर आएगा आपको इसके अलावा इस फिल्म में आपको मेथ्यू वर्गेस देखने को मिलेंगे श्रीपाद बालाजी अयंगर यानी कि कार्तिकी गीतांजलि के फादर का रोल था वो इंदिरा कृष्णन वाला जो रोल था उसका नाम था मोती का, का एस अयंगर जो कार्तिक और गीतांजलि की माँ का रोल था कृणाल ठाकुर ने इस फिल्म में गीतांजलि के का रोल फ्योन्यान माए गोड है डॉक्टर अमृता का रोल प्ले करते नजर आएंगे देवी अग्रवाल इस फिल्म में संग्राम सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो विजय और द के कज़िन और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन है विवेक शर्मा ने इस फिल्म में पाली सिंह का रोल प्ले किया जो विजय के कज़िन और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन का रोल था ठीक उसी तरह गगनदीप सिंह आपको सनी सिंह में देखने को मिलेंगे कवा कवालप्रीत सिंह ने विक्रम सिंह का रोल प्ले किया हुआ अनमोल जोत सिंह ने गुरु सिंह का रोल प्ले किया है मनजोत सिंह ने राज राजवीर यानी कि रॉयल सिंह का रोल प्ले किया हुआ अवदीप सिंधु ने मंजोत सिंह का रोल प्ले किया है कमलजीत राणा ने बाली सिंह का रोल प्ले किया गुर सेवक सिंह मंदर इस फिल्म में कृपाल सिंह यानी कि यान के पी के रोल में देखने को मिलेंगे बुट्टा बदबार ने इसमें बुट्टा सिंह का रोल प्ले किया हुआ है सबाना हारून इस फिल्म में नीलूफर रहमानी का रोल प्ले करते नजर आएंगे इसके पहले के जितने भी जो भाइयों का नाम लिया हुआ है मैंने वो सभी विजय के कजिन्स थे और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन्स थे इसके अलावा इस फिल्म में सबाना हारोना नीलफू नीलूफ़र रहमान यानी कि अब्रार की, की फ़र्स्ट वाइफ का रोल प्ले करते नजर आएंगे सबीना शाह ने इस फिल्म में मेहरुनीजा बेग का रोल प्ले किया जो अब्रार हक के सेकंड वाइफ का रोल था मानसी टेक्सक ने उम ई हानी फेरेन का रोल प्ले किया हुआ जो थर्ड वाइफ है अब्रार हक की और फ्यूचर वाइफ होगी आशीस हक की जो आयन में आपको दिखाया जाता है वो वाला सीन तैनाअदाउदी ने इस फिल्म में सिरिन बहार का रोल प्ले किया हुआ है जो जमाल कुडू में सिंगर का काम रोल प्ले करते नजर आए हुए अभी राखेजा रूप के हस्बैंड का रोल प्ले करते नजर आएंगे सनवीर सदेवा ने रणवी जी के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है मायरिड ग्रोवर ने इस फिल्म में रणवी जी के डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है सरताज कक्कर ने रीत के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में आपको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें सेप्टेम्बर दो में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि रेड्डी वांगा बॉलीवुड में एक फिल्म लेके आने वाले कबीर सिंह के बाद पे उनके साथ शायद आपको भूषण कुमार मूरदे अश्विनावारी देखने को मिल सकते हैं और इन सभी चीजों के ऊपर लेटर ऑन कन्फर्मेशन भी मिली थी दस अक्टूबर को संदीप रेड्डी वांगा ने भद्राकाली पिक्चर जो उनके उनकी उनकी प्रोडक्शन कंपनी है वो वहाँ से उन्होंने एक एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी कि वो एज अ डायरेक्टर के तौर पे एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे उसके साथ में उनको बेक करेंगे बॉलीवुड्स की कुछ प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि सिनेमा स्टूडियोज टी सीरीज तो उनके साथ मिलकर एक हाई एंड बजट वाली फिल्म बनाने वाले पर कुछ सोर्सेज से, से दिसंबर महीने में दो में पता चला था कि शायद रणबीर कपूर उसमें लीड रोल प्ले कर सकते है ये कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है वायलेंस वाली तो वो सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई थी जून 2020 की बात है संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर के बीच में इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी इससे पहले उनकी इस फिल्म के नेरेटिंग के ऊपर स्क्रिप्टिंग ये सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि इस फिल्म का टाइटल शायद डेविल होने वाला है अनिल कपूर भी इस फिल्म के पार्ट होने वाले उसके बाद में तो एक अनाउंसमेंट भी हुई थी पब्लिक अनाउंसमेंट एक जनवरी दो को उस अनाउंसमेंट में टाइटल और क्रो मेंबर के नाम दिए गए थे टाइटल लोगों भी गया था और बैकग्राउंड स्कोर सामने रखा गया था मेन थीम तो उसमें बताया गया था कि रणबीर कपूर लीड रोल में होंगे अनिल कपूर उनके फादर का रोल प्ले करेंगे परिणीति चोपड़ा रणबीर के लव इंटरेस्ट या उनके वाइफ का रोल प्ले करते नजर आएंगे और वो भी दिन को इस फिल्म में एक मेन इंटागोनिस का रोल मिलने वाला है तो ये सभी चीज़ें तब अनाउंस की गई थी लेटर ऑन मार्च 2022 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि रश्मि का मंदिर आए इस फिल्म में कुछ आइटम नंबर प्ले कर सकते हैं लेटर ऑन कुछ चीज़ें ऐसे सामने निकल के आई कि वो कोई आइटम नंबर के लिए उनको अप्रोच नहीं किया गया था उनको जो अप्रोच किया गया था संदीप रेड्डी वांगा ने परिणिति चोपड़ा को जो रोल ऑफर किया था और उनके साथ कुछ थोड़े बहुत फोटोशूट सीन सिक्वेंस शूट किए हुए थे तो उनको वो रोल के साथ वो किरदार के साथ परिणति चोपड़ा

जो दिल्ली और पंजाब में सेट किया हुआ था और उसके बाद में मार्च 2023 तक इस फिल्म का सब अलग अलग शेड्यूल्स मिला के रेपअप किया वैसे कुछ सीन्स बाकी थे वो फॉरेन लोकेशंस के क्लाइमेक्स के और बीच के कुछ सीन्स तो उसको स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में शूट किया गया था अप्रैल महीने में जहाँ पे तो पंद्रह बीस दिनों का वो शेड्यूल था तो दो में अप्रैल में इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से रेपअप करवाई उसके बाद म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर प्रॉपर काम किया गया और फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया जहाँ पे म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो एनिमल के साउंड ट्रैक के राइट्स टी सीरीज इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ही राइट्स खरीदे हुए थे दो हज़ार के बीच में गाने रिकॉर्ड किए गए थे इन गानों को एक अलग अलग वजन के थ्रू रिलीज किया गया था फिल्म में टोटल वैसे देखा जाए तो आठ गाने सभी वर्जन्स मिला ले एडिशंस मिला ले टोटल सत्रह वर्जन होते कुछ साउंड ट्रैक था बैकग्राउंड स्कोर था वो सभी चीज़ें भी फिल्म के साथ रिलीज की गई थी मेन मेन गानों की बात करें तो इस फिल्म में पहला गाना है अर्जन वेली जिसको भूपिंदर बबल ने लिखा हुआ था मनन भारद्वाज ने उसको म्यूजिक दिया था और भूपिंदर बदवल ने उसको गाया हुआ था हुआ में गाना था उसको मन मनोज मुत्ता सिंह ने लिखा हुआ था प्रीतम जयमेठ ने म्यूजिक दिया था राघव चैतन्य ने उसको गाया हुआ था सतरंगा गाने को सिद्धार्थ गरिमा ने खाता था श्रेयस पुराने ने म्यूजिक दिया था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का चौथा गाना यानी कि पापा मेरी जान उसको राज शेखा ने लिखा था हर्षवर्धन रामेश्वर ने म्यूज़िक दिया था सोनू निगम ने उसको गाया हुआ था पहले भी मैं उस गाने को राज शेखा ने लिखा था विशाल मिश्रा ने उसको म्यूजिक दिया था और विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था काश्मीर जो गाना था उसको मनन भारद्वाज ने लिखा था म्यूजिक भी उनका ही था और उनके साथ जो सिंगिंग की बात करें तो मनन भाजवाज ने खुद वोकल्स दिए थे और श्रेया घोषाल ने भी उसमें फीमेल वोकल्स दिए हुए थे सारी दुनिया जला देंगे उस गाने को जानी ने म्यूजिक और कंपोज दोनों किया था लिखा हुआ था उन्होंने ही लेकिन बीपरा के बाद उन्होंने गवाया था हेवान करके जो गाना था तो उसको असीम केमसन ने लिखा हुआ था असीम केमसन ने म्यूजिक दिया था और असीम केमसन ने गाया हुआ था तो इस तरह से टोटल आठ गाने थे फिल्म में मेन जिसके इकतीस मिनट और तीन सेकंड का साउंड ट्रिक तैयार हुआ था जिसको ऑफिशियली चौबीस नवंबर दो को रिलीज किया था एक डिलेक्स वर्जन भी रिलीज किया गया था जिसको पंद्रह जनवरी दो को रिलीज किया था इन गानों के बाद इस फिल्म में पापा मेरी जान का एक चाइल्ड वर्जन तैयार किया गया था रणविजय की एंट्री मेडिलिटी थे हक का जो जमाल कूडू था भावे जाने या ना जाने करके एक गाना था मरहम जो पहले भीमे करके गाना था उसका वर्जन था सतरंगा जो स्क्रिप्ट वर्जन था उर्दू के के जैसा इश्क वो यानी कि कश्मीर का एक वर्ज़न था वो सारी दुनिया जला देंगे एक एक्सटेंडेड फिल्म वर्जन था पापा मेरी जान विसल वर्जन तो ये टोटल दूसरे कुछ आ, तो नौ ट्रैक रिलीज़ किए गए थे तो ये सभी गानों के सत्रह गानों हुए तो उसकी लेंथ एक मिनट एक घंटे चार मिनट और तो छब्बीस सेकंड की हुई थी जिसको रिलीज़ किया गया था पंद्रह जनवरी दो को तो इस तरह से इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली टी सीरीज़ के द्वारा उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जनस के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर भी रिलीज गए थे जिसको जनवरी को रिलीज करवाया था टी सीरीज के द्वारा जिसकी लेंथ करीबन करीबन मिनट सेकंड से 70 .70 इस में सेट थे तो थे टी के थे सभी गाने उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात कर लेते फिल्म की कहानी के ऊपर इस फिल्म की कहानी है वो रण विजय सिंह बलबीर के ऊपर पूरी तरह से फोकस करती है वो रोल रणबीर कपूर प्ले कर रहे जहाँ पे वो अपने फादर से इतना प्यार करते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं उनके फादर का रोल बलबीर सिंह प्ले कर रहे वो रोल प्ले कर रहे अनिल कपूर रणविजय सिंह अपने फादर को कुछ एक्सट्रीम लेवल के ऊपर एडोर करता हुआ नजर आता है जहाँ पे उसका प्यार है वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है उसके अलावा बलबीर सिंह एक खुद बड़े बिजनेसमैन है वो एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किए हुए हैं उनके जो बिजनेस कंपनी है उसका नाम है स्वस्तिक स्टील्स जो इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे वो अपने काम के साथ कुछ ज़्यादा ही पीसी है अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहे तो इन सभी चीज़ों के चलते उन फादर सन के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टेंड भी चलती रहती है इसके अलावा रणविजय सिंह इन्हीं समय के दौरान एक लड़की के प्यार में भी पड़ता है जिसका नाम है गीतांजलि प्ले कर रही है उसके बाद में वो एक दूसरे के साथ रहने लगते है लेटर उनते और उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें होती तो एक बलबीर सिंह के ऊपर अटैक होता है जब अटैक होता है तब उस समय रणविजय सिंह वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है वो अपने पापा से इतना प्यार करता है फिर भी वो कहाँ था किस तरह से क्या हुआ था उसके साथ उसको ये सभी चीजें जब पता चलते तो अपने पापा पापा को फिर से बचाने के लिए आ जाता है उसके पापा को गोली लगी होती है उस चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात भी बताता है जो ट्रेलर में भी आपने सुनी होगी कि वो अपने फादर को बचाने के लिए जिसने उसको मारा है उसका गला काटेगा तो उसके बाद में उन सभी चीज़ों के पीछे वो चला जाता है किस तरह से वो उनके आदमी को ढूंढता है उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है वो और आखिर में, में फिल्म में क्या होगा वही सब सवाल की जवाब फिल्म की कहानी बनाती है डेफिनेटली इस फिल्म में जिस तरह से जो टाइटल रोल लिखा गया था टाइटल रोल ही कह सकते हैं क्योंकि जो एनिमल है मेन एनिमल तो इस फिल्म में रणबीर कपूर के किरदार को ही दिखाया हुआ रणविजय को और मेन एंटागोनी से यानी कि बॉबी देओल वो भी एक मेन विलन का भी एक एनिमल टाइप काइंड ऑफ टाइप ही था तो थोड़ा साइकिक टाइप का भी वह इस फिल्म में आपको फिल्म कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिस तरह से रणबीर कपूर ने उस किरदार में काम किया हुआ है उसके अलावा आप शायद कोई दूसरे एक्टर को सोच भी नहीं पाओगे इमेजिन नहीं कर पाओगे उस तरह का उन्होंने काम दिया हुआ है जिस तरह से उन्होंने इसमें एक वाइल्डनेस लाई हुई है जो डायलॉग डिलीवरी थी जिस कन्विक्सन के साथ वो इस फिल्म के किरदार को पुल ऑफ करते हुए नजर आए इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर ने उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाए हुए वैसे रणबीर काफ़ी बढ़िया एक्टर है लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस था और बेहतर करने में संदीप रेड्डी वांगा ने उनको मदद की हुए इस, इसी परफॉर्मेंस निकलवाई हुए उनकी परफॉर्मेंस करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाएगी फिलहाल में अभी तक की जितनी भी उन्होंने फिल्में किए हैं उसमें जहाँ पे रणबीर कपूर का अगर आप फैन ना भी होगे फिर भी अगर थिएटर में या इस फिल्म को आपने एक बार भी मोबाइल या थिएटर में देखा होगा ओ टी पे तो डेफिनेटली आप इस फिल्म में उनका जो काम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आएगा और क्लाइमेक्स में जिस तरह से काम किया हुआ है जिस तरह से इंटरवल सीन्स आते हैं वहां पे उनका काम देखने को मिलता है तो आप उनसे ऑटोमेटिक

किया हुआ था उस हाई मोमेंट पे चीजें काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है इंटरनल सिक्वेंस की वो फाइट जिस जिस तरह तरह से से उसकी कोरियोग्राफी थी उसमें एक गन दिखाई गई उसको जिस हमारे सामने पेश किया हुआ था इसके अलावा जो कुछ डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट की हुई थी उन सभी चीजों को बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के डल से डल मोमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था वैसे फिल्म में कोई डल मोमेंट्स वैसे थे नहीं लेकिन जिस तरह से चीजें जो देख को मिलती है बैकग्राउंड स्कोर उसको, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है एक अच्छा खासा सपोर्ट देता हुआ नजर आता है रश्मिका मंदना ने डेफिनेटली अपना काम बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है उनकी जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है रणबीर कपूर के साथ वो बढ़िया तरीके से नज़र आई हुई है इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से जो गाने डाले हुए उसका जिस तरह से यूज किया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया था अनिल कपूर का जो काम है वो आपको काफ़ी बढ़िया नजर आएगा ठीक उसी तरह बॉबी देवल काफ़ी शानदार रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं हाँ उनका किरदार छोटा था उसको और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जिस तरह से रणबीर कपूर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उस तरह से मैं भी जब सेकंड हाफ में बॉबी देवल को इंट्रोड्यूस किया था साथ ही में उसका एक छोटा सा दस पंद्रह मिनट का एक बेकअप स्टोरी दिखाना चाहिए था जिसके चलते फिल्म में एक और इंटरेस्ट बढ़ सकता था और इसके अलावा तृप्ति दिमरे सुरेश ओबेरा सिद्धार्थ कानिक सभी ने अपने काम को बखूबी निभाया है इस फिल्म में ये सभी चीज़ें बढ़िया थी हाँ कुछ लोगों को ये सभी चीज़ें थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक लग सकती है या इस फिल्म में कुछ वायलेंस ज़्यादा है तो वो शायद उन लोगों को जो इतना देखना पसंद नहीं करते उनको थोड़ा थोड़ा कम पसंद आएगा ये फिल्म लेकिन ओवरऑल देखे तो फिल्म बढ़िया तरीके से बनाई गई है जिसको डेफिनेटली आप इन्जॉय कर पाओगे हाँ फिल्म एक पॉइंट के बाद जो इंटरवल के पहले जो एक लीनियर नॉन लीनियर तरीके से चलती रहती है इसके चलते एक इंटरेस्ट बना रहता है इंटरवल के बाद जब इस फिल्म को सेकंड हाफ में लाया जाता है उसके बाद में ये फिल्म एक सिंपल बेसिक फॉर्मेट के थ्रू स्टोरी लाइन हमारे सामने पेश की जाती है लीनियर तरीके से तो वहाँ पर प्रिडिक्टेबल कहानी थोड़ी हो जाती है अदरवाइज फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए हुए हैं सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है एक्शन सिक्वेंस को तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ है इन सभी चीज़ों सिनेमाटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग बढ़िया थी डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर काफी दमदार था गाने फिल्म के काफी अच्छे थे जो फिल्म के सफेद दिक्कतें हुए नजर आते बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मदद करता है एडिटिंग फिल्म की काफी बढ़िया थी हाँ तीन सौ तीन घंटे की फिल्म थी कुछ सीन्स शोप ऑफ कर देते बढ़िया रहता लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी फिल्म थी जहां पर चल जाता है उतना कुछ थोड़ा बहुत रहे तो भी इसके अलावा डायरेक्टर राइटर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एक बार फिर से जिस तरह से अनकन्वेंशनल एक एक्शन ड्रामा डिलीवर किया हुआ है वो डेफिनेटली पसंद आएगा फर्स्ट हाफ उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छे पेज के साथ चलाया हुआ है जहां पे काफी सारा ड्रामा भी दिखाया कुछ एक्शन मोमेंट्स भी दिखा है सेकंड हाफ में भी ड्रामा इमोशनल सीन्स को जो कॉन्फ्लिक्ट था वो पेश किया हुआ है तो ये सभी चीजें फिल्म के साथ काफी बढ़िया तरीके से जाती है रणबीर कपूर का कैरेक्टराइजेशन काफी अच्छी तरह से किया हुआ था वो सभी चीजें भी देखने में काफी मजा आता है तो ओवरऑल ये सभी चीजें जो फिल्म के साथ आपको आसानी से बनाए रखती है एनिमल फिल्म को आप आसानी से देख सकते तो एनिमल फिल्म को थिएट्रिकली एक दिसंबर 2023 को तमिल तेलुगु, कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज़ किया था फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स था लेकिन ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था फिल्म ने आई पे करीबन पैंसठ हज़ार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया होता उसके चलते इस फिल्म ने अपने पहले दिन फ्राइडे के दिन सिक्सटी करोड़ का इंडिया से नेट कलेक्शन किया था सिक्सटी करोड़ का इंडिया से सेकेंड डे के ऊपर इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया थर्ड डे में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बना रहा हो सेवेंटी सिक्स नाइन करोड़ का नेट कलेक्शन किया था इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन दो सौ एक पॉइंट छिहत्तर करोड़ का इंडिया से निकल के आया हुआ था वीक डेज में फिल्म काफी मजबूत रही थी मंडे के दिन चौवालीस करोड़ सैंतीस लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन सैंतीस करोड़ बयासी लाख का और वेनर्सडे के दिन तीस करोड़ पैंतीस लाख और थर्सडे के दिन चौबीस करोड़ और तेरह लाख का कलेक्शन निकला हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने अपने पहले वीक में करीबन तीन सौ अड़तीस करोड़ तिरसठ लाख का कलेक्शन करके दिखाया सेकंड वीकेंड में भी ये फिल्म मजबूत रही थी जहां पे सेकंड फ्राइडे के ऊपर इस फिल्म ने थ्री पॉइंट का नेट कलेक्शन किया हुआ था कलेक्शन किया था कलेक्शन वीकेंड था इंडिया से नेट कलेक्शन में निकला हुआ था सेकंड डेज में जैसे कि मंडे ट्यूजेडे थर्सडे में इस फिल्म ने चौदह करोड़ बत्तीस लाख बारह करोड़ सैंतीस लाख नौ करोड़ सत्तासी लाख और आठ करोड़ छप्पन लाख जितना कलेक्शन क्शन किया और चौदह दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन चार करोड़ का नेट कलेक्शन किया तो सेकंड वी का करोड़ रहा था। वीक का कलेक्शन एक रखा था नई रिलीज डेफिनेटली हुई थी फिल्म की लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म अच्छी तरह से बनी रही थी थर्ड फ्राइडे पे आठ करोड़ पिचासी लाख थर्ड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म ने बारह करोड़ अस्सी लाख थर्ड संडे के ऊपर तेरह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया तीसरा वीकेंड फिल्म का चौतीस करोड़ पचानवे लाख का रहा जहाँ डेज में मंडे के दिन इस फिल्म ने करीबन पांच करोड़ पचपन लाख का कलेक्शन किया थर्ड ट्यूजडे के दिन पांच करोड़ चालीस लाख का थर्ड वेनडे के दिन पांच करोड़ का और थर्सडे के दिन दो करोड़ तिहत्तर लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने अपने तीसरे वीक में तिरपन करोड़ तिरसठ लाख का कलेक्शन किया और तीन वीक के अंदर इस फिल्म ने टोटल पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में जब फिल्म आई वहाँ से बाद में कई सारे फिल्म की रिलीजें और भी जुड़ी हुई थी जिसके चलते फिल्म ने थोड़ा सा स्लो डाउन किया वैसे देखा जाए तो चौथे वीके वीक के, के हिसाब से फिल्म ने वहाँ पर भी एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था यहाँ पे चौथे फ्राइडे के दिन एक करोड़ ग्यारह लाख का सैटरडे के दिन एक करोड़ छिहत्तर लाख का संडे के दिन दो करोड़ ग्यारह लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते जो इस फिल्म का चौथा वीकेंड था वो चार करोड़ अट्ठानवे लाख का निकला हुआ था वीक डेज में एक करोड़ बानवे लाख एक करोड़ चौदह लाख और एक करोड़ सात लाख थर्ड चौथे थर्डे के दिन एक करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया और अट्ठाईस दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन पाँच करोड़ और तिरतालीस सॉरी पाँच करोड़ और तिरानवे लाख का कलेक्शन करके दिखाया और उसके बाद इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से पांचवें वी वीक में सात करोड़ पचास लाख का छठे वीक में चार करोड़ का सातवें वीक में एक करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था इंडिया का वो पाँच करोड़ तिरानवे लाख का निकला हुआ था और इसका जो ग्रोथ कलेक्शन होता है वो भी काफी ज्यादा निकला हुआ था छह करोड़ बयासी लाख का और इसमें भी फिल्म काफी धमाकेदार चली थी जिसके चलते दो करोड़ उन लाख का कलेक्शन ओवरसीज से इस फिल्म ने निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल

और इसके बाद में इस फिल्म को नेटफ्लिक्स ओ टी टी भी रिलीज किया गया था वहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ पे एक एक्सटेंडेड वर्जन रिलीज किया गया था फिल्म में कुछ आठ दस मिनट कट किए हुए थे जो शूट किया हुआ था उसमें वो वर्जनस भी एड किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छी एक्सटेंडेड वर्जन वाली रिलीज नेटफ्लिक्स के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में दि, दिलाई गई थी जहाँ पर इस फिल्म को अगर आपको फ़िलहाल में ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर इस फिल्म को आप आसानी से एंजॉय कर सकते हो एक्सटेंडेड वर्जन में जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम वर्जन में ये फिल्म एनिमल नाम के साथ अवेलेबल की हुई है इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल सोनीमैक्स और सोनीमैक्स एच डी के ऊपर यू सर्टिफिकेट के साथ देखने को मिलेगा जहाँ पे कुछ सीन्स को कट ऑफ किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म का एक टेलीविजन वर्जन आप इन्जॉय कर सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एनिमल फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम वर्जन में देख सकते हो फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनीमैक्स और सोनीमैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा लेकिन वहां एक कट डाउन वर्जन देखने को मिलेगा फिल्म को ए टू यू सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके रिलीज करवाया हुआ है तो वहां पर वो वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से एनिमल फिल्म को आप ऑफिशियली ओ और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में इन्जॉय कर पाओगे एनिमल जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में बनाया गया था जहाँ पे ये सभी वर्जन से उसके साथ इस फिल्म को रिलीज थिएट्रिकली किया गया था एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को डायरेक्ट किया संदीप रेड्डी वांगा ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी जगह पर संदीप रेड्डी वांगा ने काम किया हुआ था जहाँ पे स्क्रीन प्ले में उनको प्रणय रेड्डी वांगा सुरेश बंदारू ने उनको मदद की हुई थी स्टोरी थी वो संदीप रेड्डी वांगा की खुद की थी उसके ऊपर डायलॉग से उसमें सौरभ गुप्ता ने मदद की हुई थी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार प्रणय रेड्डी वांगा कृष्ण कुमार मुराद खेतानी ने इस फिल्म को टी सीरीज वन स्टूडियो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीब हंड्रेड करोड़ के बजट में बनाया हुआ था इस फिल्म के साथ बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए थे जैसे कि ए फिल्म श्री वेंटेश्वर क्रिएशन ए पी इंटरनेशनल ई फॉर एंटरटेनमेंट और केवी एन प्रोडक्शन जिन्होंने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म का दो सौ एक मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था पे इस फिल्म को अनकट वर्जन के साथ एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ था इसका मतलब कि फिल्म करीबन तीन घंटे लंबी थी लेकिन जब इस फिल्म को ओ टी पे रिलीज करने की बारी आई तो उसमें करीब कुछ मिनट्स जो कट किए हुए थे उसको भी एड करके एक एक्सटेंडेड एक एक वर्जन रिलीज किया हुआ था एनिमल फिल्म का तो इस तरह से एनिमल फिल्म के कुछ जो कटिंग वर्जन थे उसको एड करके इसमें साथ ही में रिलीज किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कास्ट काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी उससे पहले टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत कर लेते हैं

हर्षवर्धन रामेश्वर के द्वारा कंपोज किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स फिल्म के प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज वालों ने अपने पास ही रखे हुए थे सभी वर्जन के लिए कास्टिंग के ऊपर बातचीत कर लेते हैं रणबीर कपूर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जिन्होंने दो रोल प्ले किए हुए रण विजय सिंह यानी कि विजय का इस, इसके अलावा अहमद इबन उमर यानी कि यंग विजय का रोल प्ले उन्होंने किया हुआ था अहमद इबन उमर ने इसके अलावा अजीज हक का जो किरदार था वो रोल भी रणबीर कपूर ने प्ले किया जो फिल्म के एंड में आता

अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के दूसरे एक्टर्स के बारे में जैसे कि सुरेश ओबेरा ने राजधीर दोमाल सिंह दादाजी का रोल प्ले किया था जो विजय के ग्रैंडफादर और बलबीर के फादर का रोल था सौरभ सदेवा इस फिल्म में आबिद हक का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो अबरार के भाई का रोल था सलोनी बत्रा ने रीत सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय की एल्डर सिस्टर और वरुण की वाइफ का रोल था बलबीर और ज्योति के एल्डर चाइल्ड का रोल था एल्डेस्ट चाइल्ड का निविन वेद ने यंग रीत का रोल प्ले किया हुआ अंशुल चौहान रूप सिंह में देखने को मिलेगी गिरुम सिंह के रोल में जो बलबीर और ज्योति की यंगेस्ट चाइल्ड है विजय और रीत की यंगर सिस्टर है यवा चिब्बन उसका यंग वर्जन प्ले किया हुआ था इसके अलावा सिद्धार्थ कार्निक ने वरुण प्रताप मल्होत्रा का रोल प्ले किया हुआ है जो विजय का ब्रदर इन लो है रीत का हस्बैंड है और बलबीर का सन इन लो है तो मगन्ती श्रीनाथ भी देखने को मिलते कार्तिक के रोल में जो गीतांजलि का एल्डर ब्रदर है और विजय का फ्रेंड है इसके अलावा उपेंद्र हिमाए भी आपको एक इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं इंटरवल सीक्वेंस में जो उनका किरदार है उसका नाम है फ्रेडी इविल्ड फ्रेड, इविल, फ्रेड पाटिल वो रोल नजर आएगा आपको इसके अलावा इस फिल्म में आपको मेथ्यू वर्गेस देखने को मिलेंगे श्रीपाद बालाजी अयंगर यानी कि कार्तिक गीतांजलि के फादर का रोल था वो इंदिरा कृष्णन वाला जो रोल था उसका नाम था मोटिका कासिया मोती का एस अयंगर जो कार्तिक और गीतांजलि की माँ का रोल था कृणाल ठाकुर ने इस फिल्म में गीतांजलि के फ्योन्यान माए गोड है डॉक्टर अमृता का रोल प्ले करते नजर आएंगे देवी अग्रवाल इस फिल्म में संग्राम सिंह का रोल प्ले करते नज़र आएंगे जो विजय और द के कजिन और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन है विवेक शर्मा ने इस फिल्म में पाली सिंह का रोल प्ले किया जो विजय के कज़िन और दलबीर सिंह के ग्रैंड सन का रोल था ठीक उसी तरह का गणदीप सिंह आपको सनी सिंह में देखने को मिलेंगे कवा कवालप्रीत सिंह ने विक्रम सिंह का रोल प्ले किया हुआ अनमोल जोत सिंह ने गुरु सिंह का रोल प्ले किया हुआ मनजोत सिंह ने राजवीर यानी कि रॉयल सिंह का रोल प्ले किया हुआ अवदीप सिंधु ने मंजोत सिंह का रोल प्ले किया है कमलजीत राणा ने बाली सिंह का रोल प्ले किया गुरसेवक सिंह मंदर इस फिल्म में कृपाल सिंह यानी कि के के रोल में देखने को मिलेंगे बुट्टा बदबार ने इसमें बुट्टा सिंह का रोल प्ले किया हुआ है सबाना हारून इस फिल्म में नीलूफर रहमानी का रोल प्ले करते नजर आएंगे इसके पहले के जितने भी जो भाइयों का नाम लिया हुआ है मैंने वो सभी विजय के कजिन्स थे और दलबीर सिंह के ग्रैंड थे इसके अलावा इस फिल्म में सबाना हारोना नीलफू नीलूफ़र रहमान यानी कि अब्रार की, की फ़र्स्ट वाइफ का रोल प्ले करते नज़र आएंगे सबीना शाह ने इस फिल्म में मेहरूनी जा बेग का रोल प्ले किया जो अब्रार हक के सेकंड वाइफ का रोल था मानसी टेक्सक ने उम ई हानी फेरेन का रोल प्ले किया जो थर्ड वाइफ है अब्रार हक की और फ्यूचर वाइफ होगी आशीष हक की जो आयन में आपको दिखाया जाता है वो वाला सीन तेना अजदाउदीन ने इस फिल्म में सिरिन इन बहार का रोल प्ले किया हुआ है जो जमाल कुडू में सिंगर का काम का रोल प्ले, प्ले करते नजर आए हुए अभी राखेजा रूप के हस्बैंड का रोल प्ले करते नजर आएंगे सनवीर सचदेवा ने रणवीजे के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है माइडिड ग्रोवर ने इस फिल्म में रणवीजे के डॉटर का रोल प्ले किया हुआ संताज कक्कर ने रीत के बेटे का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इस फिल्म में आपको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें सेप्टेम्बर दो में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि संदीप रेड्डी वांगा बॉलीवुड में एक फिल्म लेके आने वाले कबीर सिंह के बाद जहां पे उनके साथ शायद आपको भूषण कुमार मुराद खेतानी अश्विनावार देखने को मिल सकते हैं और इन सभी चीजों के ऊपर लेटर ऑन कंफर्मेशन भी मिली थी दस अक्टूबर को Uh, संदीप रेड्डी वांगा ने भद्रकाली पिक्चर जो उनके एक उनकी, उनकी प्रोडक्शन कंपनी है वो वहाँ से उन्होंने एक एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी कि वो एज़ अ डायरेक्टर के तौर पे एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जहाँ पे उसके साथ में उनको बेक करेंगे बॉलीवुड्स की कुछ प्रोडक्शन कंपनीज जैसे कि सिनेमा स्टूडियोज टी सीरीज़ तो उनके साथ मिलकर एक हाई एंड बजट वाली फिल्म बनाने वाले पर कुछ सोर्सेज से दिसंबर महीने में दो हज़ार उन्नीस में पता चला था कि शायद रणबीर कपूर उसमें लीड रोल प्ले कर सकते हैं ये कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है वायलेंस वाली तो वो सभी चीज़ें कुछ सामने निकल के आई थी जून 2020 की बात है संदीप रेड्डी वांगा और रणबीर कपूर के बीच में इस फिल्म के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी इससे पहले उनकी इस फिल्म के नेरेटिंग के ऊपर स्क्रिप्टिंग ये सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि इस फिल्म का टाइटल शायद डेविल होने वाला है अनिल कपूर भी इस फिल्म के पार्ट होने वाले उसके बाद में तो एक अनाउंसमेंट भी हुई थी पब्लिक अनाउंसमेंट एक जनवरी दो को उस अनाउंसमेंट में टाइटल और क्रो मेंबर के नाम दिए गए थे टाइटल लोगो भी गया था और बैकग्राउंड स्कोर सामने रखा गया था मेन थीम तो उसमें बताया गया था कि रणबीर कपूर लीड रोल में होंगे अनिल कपूर उनके फादर का रोल प्ले करेंगे परिणीति चोपड़ा रणबीर के लव इंटरेस्ट या उनके वाइफ का रोल प्ले करते नजर आएंगे और वो भी और को इस फिल्म में एक मेन एंटागोनिस का रोल मिलने वाला है तो ये सभी चीज़ें तब अनाउंस की गई थी लेटर ऑन मार्च 2022 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि रश्मि का आए इस फिल्म में कुछ आइटम नंबर प्ले कर सकते लेटर ऑन कुछ चीज़ें ऐसे सामने निकल के आई कि वो कोई आइटम नंबर के लिए उनको अप्रोच नहीं किया गया था उनको जो अप्रोच किया गया था संदीप रेड्डी वांगा ने परिणीति चोपड़ा को जो रोल ऑफर किया था और उनके साथ कुछ थोड़े बहुत फोटो शूट सिक्वेंस शूट किए हुए थे तो उनको वो रोल के साथ वो किरदार के साथ परिणति चोपड़ा का फेस मैच नहीं हो रहा था इस वजह से उन्होंने रश्मिका को ऑफर किया है रोल और सेकंड अप्रैल को रश्मिका ने ऑफिशियली अनाउंस किया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि वो इस फिल्म का पार्ट होने वाली है इस फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो मनाली में स्टार्ट की गई थी अप्रैल 2022 में फिल्म का सेकंड शेड्यूल मई 2022 में मुंबई में रखा हुआ था जहां पे पटोड़ी पैलेस में इस फिल्म को जुलाई 2022 में शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म का नया एक शेड्यूल सेट किया हुआ था जो दिल्ली और पंजाब में सेट किया हुआ था और उसके बाद में मार्च 2023 तक इस फिल्म का सब अलग अलग शेड्यूल्स मिला के रैपअप किया वैसे कुछ सीन्स बाकी थे वह फॉरन लोकेशंस के क्लाइमेक्स के और बीच के कुछ सीन्स तो उसको स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में शूट किया गया था अप्रैल महीने में जहाँ पे तो पंद्रह बीस दिनों का वो शेड्यूल था तो दो में अप्रैल में इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से रैपअप करवाई उसके बाद म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर प्रॉपर काम किया गया और फिल्म को पूरी तरह से तैयार किया गया जहाँ पे म्यूज़िक के ऊपर बातचीत करें तो एनिमल के साउंड ट्रैक के राइट्स टी सीरीज वे इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ही राइट्स खरीदे हुए थे 2022 हज़ार इसके के बीच में गाने रिकॉर्ड किए गए थे इन गानों को एक अलग अलग वजन के थ्रू रिलीज़ किया गया था फिल्म में टोटल वैसे देखा जाए तो आठ गाने सभी वर्जनस मिला ले एडिशंस मिला ले टोटल सत्रह वर्जन होते कुछ साउंड ट्रैक था बैकग्राउंड स्कोर था वो सभी चीज़ें भी फिल्म के साथ रिलीज की गई थी मेन मेन गानों की बात करें तो इस फिल्म में पहला गाना है अर्जन वेली जिसको भूपिंदर बबल ने लिखा हुआ था मनन भारद्वाज ने उसको म्यूजिक दिया था और भूपिंदर भदवल ने उसको गाया हुआ था हुआ में गाना था उसको मनोज मनोज मुत्ता सिंह ने लिखा हुआ था प्रीतम जयमेट ने म्यूजिक दिया था राघव चैतन्य ने उसको गाया हुआ था सतरंगा गाने को सिद्धार्थ गरिमा ने खाता था श्रेयस पुराने म्यूजिक दिया था अरिजीत सिंह ने उसको गाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का चौथा गाना यानी कि पापा मेरी जान उसको राज शेखा ने लिखा था हर्षवर्धन रामेश्वर ने म्यूज़िक दिया था सोनू निगम उसको था, था। ने उसको गाया हुआ था पहले भी में उस गाने को राज शेखा ने लिखा था विशाल मिश्रा ने उसको म्यूजिक दिया था और विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था काश्मीर जो गाना था उसको मनन भारद्वाज ने लिखा था म्यूजिक भी उनका ही था और उनके साथ जो सिंगिंग की बात करें तो मनन भादवाज भाद ने खुद वोकल्स दिए थे और श्रेया घोषाल ने भी उसमें फ़ीमेल वोकल्स दिए हुए थे सारी दुनिया जला देंगे उस गाने को जानी ने म्यूजिक और कंपोज दोनों किया था लिखा हुआ था उन्होंने ही लेकिन बीपरा के पास उन्होंने गवाया था हेवान करके जो गाना था उसको केमसन ने लिखा हुआ था असीम केमसन ने म्यूजिक दिया था और असीम केमसन ने गाया हुआ था तो इस तरह से टोटल आठ गाने थे फिल्म में मेन जिसके इकतीस मिनट और तीन सेकंड का साउंड ट्रैक तैयार हुआ था जिसको ऑफिशियली चौबीस नवंबर दो को रिलीज किया था एक डिलेक्स वर्जन भी रिलीज किया गया था जिसको पंद्रह जनवरी दो को रिलीज किया था इन गानों के बाद इस फिल्म में पापा मेरी जहान का एक चाइल्ड वर्जन तैयार किया गया था रणवीज की एंट्री मेड लेडी थे हक का जो जमाल था भावे जाने या ना जाने करके गाना था मरहम जो पहले भीमे करके गाना था उसका वर्जन था सतरंगा जो स्क्रिप्ट वर्जन था उर्दू के के जैसा इश्क वो यानी कि कश्मीर का एक वर्जन था वो सारी दुनिया जला देंगे एक एक्सटेंडेड फिल्म वर्जन था पापा मेरी जान विसल वर्जन तो ये टोटल दूसरे कुछ तो नौ ट्रैक रिलीज़ किए गए थे तो ये सभी गानों के सत्रह गानों हुए तो उसकी लेंथ एक मिनट एक घंटे चार मिनट और छब्बीस सेकंड की हुई थी जिसको रिलीज़ किया गया था पंद्रह जनवरी दो को तो इस तरह से इन सभी ट्रैक को ऑफिशियली टी सीरीज़ के द्वारा उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन के ऊपर रिलीज़ किया हुआ था

इस फिल्म की कहानी है वो रण विजय सिंह बलबीर के ऊपर पूरी तरह से फोकस करती है वो रोल रणबीर कपूर प्ले कर रहे जहाँ पे वो अपने फादर से इतना प्यार करते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं उनके फादर का रोल बलबीर सिंह प्ले कर रहे वो रोल प्ले कर रहे अनिल कपूर रणविजय सिंह अपने फादर को कुछ एक्सट्रीम लेवल के ऊपर एडोर करता हुआ नजर आता है जहाँ पे उसका प्यार है वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहता है उसके अलावा बलबीर सिंह एक खुद बड़े बिजनेसमैन मैन है वो एक बड़ा एम्पायर क्रिएट किए हुए हैं उनके जो बिजनेस कंपनी है उसका नाम है स्वस्तिक स्टील्स जो इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है जहाँ पे वो अपने काम के साथ कुछ ज़्यादा ही पीसी है अपने बेटे को टाइम नहीं दे पा रहे तो इन सभी चीज़ों के चलते उन फादर सन के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टेंड एंडिंग भी चलती रहती है इसके अलावा रणविजय सिंह इन्हीं समय के दौरान एक लड़की के प्यार में भी पड़ता है जिसका नाम है गीतांजलि रश्मिका प्ले कर रही है उसके बाद में वो एक दूसरे के साथ रहने लगते लेटर ऑन मैरिज कर लेते हैं और उसके बाद में कुछ ऐसी चीजें होती है तो एक बलबीर सिंह के ऊपर अटैक होता है जब अटैक होता है तब उस समय रणविजय सिंह वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है वो अपने पापा से इतना प्यार करता है फिर भी वो कहाँ था किस तरह से क्या हुआ था उसके साथ उसको ये सभी चीजें जब पता चलते तो अपने पापा को फिर से बचाने के लिए आ जाता है उसके पापा को गोली लगी होती है उस उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात भी बताता है जो ट्रेलर में भी आपने सुनी होगी कि वो अपने फादर को बचाने के लिए जिसने उसको मारा है उसका गला काटेगा तो उसके बाद में उन सभी चीजों के पीछे वो चला जाता है किस तरह से वो उनके आदमी को ढूंढता है उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है वो और आखिर में एंड में फिल्म में क्या होगा वही सब सवाल की जवाब फिल्म की कहानी बनाती है डेफिनेटली इस फिल्म में जिस तरह से जो टाइटल रोल लिखा गया था टाइटल रोल ही कह सकते हैं क्योंकि जो एनिमल है मेन एनिमल तो इस फिल्म में रणबीर कपूर के किरदार को ही दिखाया है रणवीरजय को और मेन एंटागोनिस्ट से यानी कि बॉबी देओल वो भी एक मेन विलन का भी एक एनिमल टाइप काइंड ऑफ टाइप ही था तो थोड़ा साइकिक टाइप का भी वह इस फिल्म में आपको फिल्म कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिस तरह से रणबीर कपूर ने उस किरदार में काम किया हुआ है उसके अलावा आप शायद कोई दूसरे एक्टर को सोच भी नहीं पाओगे इमेजिन नहीं कर पाओगे उस तरह का उन्होंने काम दिया हुआ है जिस तरह से उन्होंने उसमें एक वाइल्डनेस लाई हुई है जो डायलॉग डिलीवरी थी जिस कन्विक्सन के साथ वो इस फिल्म के किरदार को पुल ऑफ करते हुए नजर आए इसके अलावा फिल्म के डायरेक्टर ने उनके पास जो परफॉर्मेंसेस निकलवाए हुए वैसे रणबीर काफ़ी बढ़िया एक्टर है लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस था और बेहतर करने में संदीप रेड्डी वांगा ने उनको मदद की हुए इस इसी परफॉर्मेंस निकलवाई हुए उनकी परफॉर्मेंस करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाएगी फिलहाल में अभी तक की जितनी भी उन्होंने फिल्में किए हैं उसमें जहाँ पर रणवीर कपूर का अगर आप फैन ना भी होगे फिर भी अगर थिएटर में या इस फिल्म को आपने एक बार भी मोबाइल या थिएटर में देखा होगा ओ टी पे तो डेफिनेटली आप इस फिल्म में उनका जो काम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आएगा और क्लाइमेक्स में जिस तरह से काम किया हुआ है जिस तरह से इंटरवल सीन्स आते हैं वहां पे उनका काम देखने को मिलता है तो आप उनसे ऑटोमेटिक

किया हुआ था उस हाई मोमेंट पे चीजें काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर जाती है इंटरनल सिक्वेंस की वो फाइट सिक्वेंस जिस तरह से उसकी कोरियोग्राफी थी उसमें एक गन दिखाई गई है उसको जिस तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था इसके अलावा वहां पर जो कुछ डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो सभी चीजें देखने को मिलती है वो बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट की हुई थी उन सभी चीजों को बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा था फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के डल से डल मोमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था वैसे फिल्म में कोई डल मोमेंट्स वैसे थे नहीं लेकिन जिस तरह से चीजें जो देखने

काफ़ी बढ़िया नजर आएगा ठीक उसी तरह बोबी देअल काफ़ी शानदार रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं हाँ उनका किरदार छोटा था उसको और बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था जिस तरह से रणबीर कपूर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उस तरह से मे भी जब सेकंड हाफ में बॉबी देअल को इंट्रोड्यूस किया था साथ ही में उसका एक छोटा सा दस पंद्रह मिनट का एक बेकअप स्टोरी दिखाना चाहिए था जिसके चलते फिल्म में एक और इंटरेस्ट बढ़ सकता था और इसके अलावा तृप्ति दिमरे सुरेश ओबेरा सिद्धार्थ कानिक सभी ने अपने काम को बखूबी निभाया हुआ इस फिल्म में ये सभी चीजें बढ़िया थी हाँ कुछ लोगों को ये सभी चीजें थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक लग सकती है या इस फिल्म में कुछ वायलेंस ज्यादा है तो वो शायद उन लोगों को जो इतना देखना पसंद नहीं करते उनको थोड़ा थोड़ा कम पसंद आएगा ये फिल्म लेकिन ओवरऑल देखें तो फिल्म बढ़िया तरीके से बनाई गई है इसको डेफिनेटली आप एंजॉय कर पाओगे हां फिल्म एक पॉइंट के बाद जो इंटरवल के पहले जो एक लीनियर नॉन लीनियर तरीके से चलती रहती है इसके चलते एक इंटरेस्ट बना रहता है इंटरवल के बाद जब का इस फिल्म को सेकंड हाफ में लाया जाता है उसके बाद में ये फिल्म एक सिंपल बेसिक फॉर्मेट के थ्रू स्टोरी लाइन हमारे सामने पेश की जाती है लीनियर तरीके से तो वहाँ पर प्रिडिक्टेबल कहानी थोड़ी हो जाती है अदरवाइज फिल्म के गाने अच्छी तरह से शूट किए हुए हैं सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है एक्शन सिक्वेंस को तो काफ़ी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया हुआ इन सभी चीज़ों सिनेमेटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग बढ़िया थी डायलॉग्स अच्छी तरह से लिखे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर काफी दमदार था गाने फिल्म के काफी अच्छे थे जो फिल्म के सफेद नजर आते बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मदद करता है एडिटिंग फिल्म की काफी बढ़िया थी हाँ तीन सवा तीन घंटे की फिल्म थी कुछ सीन शो ऑफ कर देते बढ़िया रहता लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी फिल्म थी जहां पे चल जाता है उतना कुछ थोड़ा बहुत रहे तो भी इसके अलावा डायरेक्टर राइटर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने एक बार फिर से जिस तरह से अनकन्वेंशनल एक एक्शन ड्रामा डिलीवर किया हुआ है वो डेफिनेटली पसंद आएगा फर्स्ट हाफ उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से कच्चे पेस के साथ चलाया हुआ है जहां पे काफी सारा ड्रामा भी दिखाया कुछ एक्शन मूवेंट्स भी दिखाया है कॉन्फ्लिक्ट था वो पेश किया हुआ है तो ये सभी चीजें फिल्म के साथ काफी बढ़िया तरीके से जाती है रणबीर कपूर का कैरेक्टराइजेशन काफी अच्छी तरह से किया हुआ था वो सभी चीजें भी देखने में काफी मजा आता है तो ओवरऑल ये सभी चीजें जो फिल्म के साथ आपको आसानी से बनाए रखती है एनिमल फिल्म को आप आसानी से देख सकते हो एनिमल फिल्म को थिएट्रिकली एक दिसंबर 2023 को तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में रिलीज किया था फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पांस था लेकिन ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस था फिल्म ने आई पे करीबन पैंसठ हज़ार वोट हासिल किए जिसमें छः पॉइंट सात की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से और इस फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया होता उसके चलते इस फिल्म ने अपने पहले दिन फ्राइडे के दिन सिक्सटी करोड़ का इंडिया से नेट कलेक्शन किया था सिक्सटी करोड़ का इंडिया से सेकेंड डे के ऊपर इस फिल्म ने नेट कलेक्शन किया थर्ड डे में एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बना रहा हो सेवेंटी सिक्स नाइन करोड़ का नेट कलेक्शन किया था इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन दो सौ एक पॉइंट छिहत्तर करोड़ का इंडिया से निकल के आया हुआ था वीक डेज में भी फिल्म काफी मजबूत रही थी मंडे के दिन चौवालीस करोड़ सैंतीस लाख का कलेक्शन किया ट्यूजडे के दिन तैंतीस करोड़ बयासी लाख का और वेनर्डे के दिन तीस करोड़ पैंतीस लाख और थर्सडे के दिन चौबीस करोड़ और तेरह लाख का कलेक्शन निकला हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने अपने पहले वीक में करीबन तीन करोड़ तिरसठ लाख का कलेक्शन करके दिखाया सेकंड वीकेंड में भी ये फिल्म मजबूत रही थी पे सेकंड फ्राइडे के ऊपर इस फिल्म ने थ्री पॉइंट का नेट कलेक्शन किया हुआ था, था सेकंड ने जिसके चलते आसपास का इंडिया से नेट कलेक्शन में निकला हुआ था डेज में जैसे कि मंडे टूजेडे थर्सडे में इस फिल्म ने चौदह करोड़ बत्तीस लाख बारह करोड़ सैंतीस लाख नौ करोड़ सत्तासी लाख और आठ करोड़ छप्पन लाख जितना कलेक्शन किया और चौदह दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन चार सौ उन्सी करोड़ का नेट कलेक्शन किया तो सेकंड वीक का कलेक्शन इक्यावन करोड़ रहा था थर्ड वीक में भी ये फिल्म ने जो अपना दम था बनाए रखा था नई रिलीज डेफिनेटली हुई थी फिल्म की लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म अच्छी तरह से बनी रही थी थर्ड फ्राइडे पे आठ करोड़ पिचासी लाख थर्ड सैटरडे के ऊपर इस फिल्म ने बारह करोड़ अस्सी लाख थर्ड संडे के ऊपर तेरह करोड़ तीस लाख का कलेक्शन किया तीसरा वीकेंड फिल्म का चौतीस करोड़ पचानवे लाख का रहा जहां पे डेज में मंडे के दिन इस फिल्म ने करीबन पाँच करोड़ पचपन लाख का कलेक्शन किया थर्ड ट्यूजडे के दिन पाँच करोड़ चालीस लाख का थर्ड वेनसडे के दिन पांच करोड़ का और थर्सडे के दिन दो करोड़ तिहत्तर लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म ने अपने तीसरे वीक में तिरपन करोड़ तिरसठ लाख का कलेक्शन किया और तीन वीक के अंदर इस फिल्म ने टोटल पाँच करोड़ सतहत्तर लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया चौथे वीक में जब फिल्म आई वहाँ से बाद में कई सारे फिल्म की रिलीजें और भी जुड़ी हुई थी जिसके चलते फिल्म ने थोड़ा सा स्लो डाउन किया वैसे देखा जाए तो चौथे वीक वीक के, के हिसाब से फिल्म ने वहाँ पर भी एक अच्छा कलेक्शन किया हुआ था यहाँ पे चौथे फ्राइडे के दिन एक करोड़ ग्यारह लाख का सैटरडे के दिन एक करोड़ छिहत्तर लाख का संडे के दिन दो करोड़ ग्यारह लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते जो इस फिल्म का चौथा वीकेंड था वो चार करोड़ अट्ठानवे लाख का निकला हुआ था वीक डेज में एक करोड़ बानवे लाख एक करोड़ चौदह लाख और एक करोड़ सात लाख थर्डे चौथे थर्डे के दिन एक करोड़ पाँच लाख का कलेक्शन किया और अट्ठाईस दिनों के अंदर इस फिल्म ने करीबन पाँच करोड़ और तिरतालीस सॉरी पाँच करोड़ और तिरानवे लाख का कलेक्शन करके दिखाया और उसके बाद इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से पांचवी वीक में सात करोड़ पचास लाख का छठे वीक में चार करोड़ का सातवें वीक में एक करोड़ पचास लाख का कलेक्शन किया और इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था इंडिया का वो पाँच करोड़ तिरानवे लाख का निकला हुआ था और इसका जो ग्रोस कलेक्शन होता है वो भी काफी ज्यादा निकला हुआ था छह करोड़ बयासी लाख का ओवरस में भी फिल्म काफी धमाकेदार चली थी जिसके चलते दो करोड़ उन पचास लाख का कलेक्शन ओवरसीज से इस फिल्म ने निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने वर्ल्ड वाइड लेवल

और इसके बाद में इस फिल्म को नेटफ्लिक्स ओ टी टी भी रिलीज़ किया गया था वहाँ पे भी एक अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ पे एक एक्सटेंडेड वर्जन रिलीज़ किया गया था फिल्म में कुछ आठ दस मिनट कट किए हुए थे जो शूट किया हुआ था उसमें वो वर्जनस भी एड किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को एक अच्छी एक्सटेंडेड वर्जन वाली रिलीज नेटफ्लिक्स के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज में दि, दिलाई गई थी जहाँ पे इस फिल्म को अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म को आप आसानी से इन्जॉय कर सकते हो एक्सटेंडेड वर्जन में जहाँ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम वर्जन में ये फिल्म एनिमल नाम के साथ अवेलेबल की हुई है इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल सोनीमैक्स और सोनीमैक्स एच डी के ऊपर यू सर्टिफिकेट के साथ देखने को मिलेगा जहाँ पे कुछ सीन्स को कट ऑफ किया हुआ है तो वहाँ पर इस फिल्म का एक टेलीविजन वर्जन आप इन्जॉय कर सकते हो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि एनिमल फिल्म को फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो नेटफ्लिक्स ओ टी के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम वर्जन में देख सकते हो फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स और सोने मैक्स एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा लेकिन वहाँ पे कट डाउन वर्जन देखने को मिलेगा फिल्म को ए टू यू सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके रिलीज करवाया हुआ है तो वहाँ पे वो वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से एनिमल फिल्म को आप ऑफिशियली ओटी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में एंजॉय कर पाओगे तो बस गाइज एनिमल फिल्म के ऊपर जो भी मेरे पास इंटरेस्टिंग फैक्ट से जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है फिल्म को किस तरह से कैसे ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है एक डीप रिव्यू किया हुआ है कहानी के ऊपर एक चर्चा की हुई है आर्टिस्ट के बारे में म्यूजिक डिपार्टमेंट के बारे में टेक्निकल टीम के बारे में भी एक जानकारी दे दी है फिल्म से जुड़े डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है वो भी मैंने शेयर कर दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू